हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस पेपर डिस्कशन ऑफ रियल टेस्ट आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रियल टेस्ट आपने दिया है थर्टीन अक्टूबर को संडे को जो आपका एग्जाम हुआ था ठीक पेपर था बैलेंस पेपर था आपको पूरी अच्छे से रिवीजन भी हो गई होगी उसको एक एक करके हम केमिस्ट्री के सारे सवाल डिस्कस करेंगे आप भी चेक करते चलिएगा और हो सकता कुछ नई टेक्निक आपको मिले सवाल सोल्व करने की जो की हो नहीं सकता मिलेगी ही मिलेगी देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं इन सारे सारे पे हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इनके सॉल्यूशंस होगा हेलो एवरी वन वेलकम टू दिस पेपर डिस्कशन ऑफ रियल टेस्ट जो आपका रियल टेस्ट सीरीज का जो पहला एग्जाम आपका हुआ था यानी कि थर्टीएथ थ अक्टूबर uh, को थर्टींथ अक्टूबर को संडे को जो आपका एग्जाम हुआ था तो उसका जो फिजिक्स का पेपर है वो हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और uh, देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे और किस तरह से उसको सॉल्व कर सकते हैं इन सारे सारे क्वेश्चंस पे हम लोग चर्चा करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले ये हमारा पहला क्वेश्चन था द वेलोसिटी पोजीशन ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्स एक्सेस गिवेन बिलो भैया अपने पास

एक्स दो रखोगे तो बेटा दो दुनी चार दुनी आठ तो तो आ जाएगा ठीक तो यानी कि पे वेलोसिटी हो हो गई और भी गया ये आपका कितना सिक्सटी फोर दिस इज आर करेक्ट आंसर चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई जीरो स्टार्ट मूविंग ऑन ए हॉरिजेंटल पेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए हॉरिजेंटल एक्सलोशन ए after t0 not second the acceleration remains the same in magnitude but reverses in direction and then after then after remains constant at what time t does it come back to the initial point humse so, so, kya bol raha hai pehle is question ko samajh liya jaye apne paas maan lijiye ek block hai Time जीरो पे ये ब्लॉक यहां पे था ठीक तो स्टार्ट्स मूविंग इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी start हो रहा है यहां से move करना Under the of a a, इसका कुछ ए था एक्सलोरेशन राइट right की तरफ तो स्पीड इसकी बढ़ेगी और ये आगे की तरफ जाएगा second, तो तक तो यह ऐसे ही चला मतलब यहां से लेकर के मान लीजिए टीन ऑट सेकंड के बाद यहां पर आया होगा यहां से यहां तक तो एक्जैक्टली सेम एक्सेलोरेशन के साथ चला और इस पॉइंट पे क्या हुआ इस पॉइंट पे एक्सेलोरेशन का मैग्नीट्यूड तो वही रहा डायरेक्शन बदल गई ठीक तो हमसे ये बोल रहा है कि एट व्हाट टाइम टी डज इट कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट पॉइंट तो अब इस पे क्या हुआ कि इनिशियलोरेशन का डायरेक्शन बदला यहां पे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी सर यहां से यहां तक एक्सेलरेटेड मोशन में है तो वेलोसिटी कहीं इस डायरेक्शन में होगी और इस पॉइंट पे एक्सेलोरेशन का डायरेक्शन बदल गया फोर्स हो सकता है हमने उल्टे डायरेक्शन में लगानी स्टार्ट कर दी होगी ठीक भाई देखो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी यहां पे कुछ थी एक्सेलरेशन भले ही निगेटिव हो गया है डायरेक्शन बदल गया बट वेलोसिटी राइट की तरफ थी तो थोड़ा दूर तक जाएगा राइट की तरफ कहीं पे जाके रुक जाएगा वैसे भी स्पीड आपका राइट में है एक्सेलरेशन लेफ्ट में है तो इसका मतलब है कि भैया इसकी वेलोसिटी राइट में एक्सेलरेशन लेफ्ट में मतलब स्पीड इसकी घटती चली जाएगी और कहीं पे जाकर के रुकेगा मान लेते हैं कि सर कहीं यहां पे जाकर के रुक जाता है यहां तक जाता है यहां पर जाकर के ये रुक जाता है ये यहीं पे रुका नहीं रहेगा अभी भी इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है लेफ्ट की तरफ एक्सेलरेशन अभी भी लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो क्या होगा ये यहां से यहां पहुंचा और उसके बाद फिर से वापस जाएगा तो भैया फिर से बैक अपने इनिशियल पॉइंट पे पहुंचेगा मतलब अगर इसको मैं दिखाना चाहूं, तो ये यहां से बेटा उठ करके फिर से वापस यहां पे पहुंच रहा है ए के साथ हमसे यही पूछा जा रहा है हमसे यही पूछा जा रहा है कि भैया कितना टाइम लगेगा आफ्टर एट टाइम डज इट कम बैक टू द इनिशियल पॉइंट तो यहां पे टाइम जीरो था यहां पे टाइम टी नॉट था कुछ देर के बाद जाकर के रुका होगा और फिर वापस यहां तक आया होगा तो कितने टाइम पे टोटल टाइम क्या लगा इस, इसको अगर टाइम जीरो माने तो किस टाइम पे वापस अपने इनिशियल पोजीशन पे आया होगा ये हमें जानना है ठीक है आते हैं अब देखिए इसको पॉइंट पोजिशन वन बोल दीजिए इसको पोजिशन टू बोल दीजिए इसको बोल दीजिए और इसको पोजिशन फोर बोल दीजिए ठीक तो से तक कैसा मोशन था भैया यहां से यहां तक से टू तक कैसा मोशन था यूनिफॉर्मली एक्सलरेटेड मोशन था तो भैया यहां पे स्पीड निकाल सकते हैं ये डिस्टेंस निकाल सकते हैं ये सारी चीजें कर सकते हैं हम लोग ठीक निकालते हैं वन से टू तक की पहले बात करते हैं तो फाइनल स्पीड अगर मुझे यहां पे चाहिए तो यू प्लस ए और टाइम लगा है टी नॉट

अब हमें क्या चाहिए कि भाई अब यहां से यहां जाएगा और वापस से यहां आएगा तो टोटल टाइम मुझे चाहिए किस टाइम पे यहां पे आ रहा है तो यहां से यहां तक का तो टाइम टी नॉट पता है तो यहां से यहां जाकर के वापस से आने का अगर टाइम निकल जाए तो टी नॉट के साथ जोड़ देंगे और टोटल टाइम मिल जाएगा यानी कि कहने का क्या मतलब है सर अब यहां से यहां जाएगा पहले तो और फिर वापस से यहां पर आएगा ये पूरा टाइम अगर मैं निकाल लू उसमें टी नॉट को जोड़ दूं तो टोटल टाइम मेरा आ जाएगा ठीक है यहां हो या यहां से यहां? डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है फिक्स्ड है ठीक पूरा पूरा है, है, है और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट तो सर इनिशियल पोजिशन से फाइनल पोजिशन को बोलते हैं तो इनिशियल पोजिशन ये रहा फाइनल पोजिशन ये रहा तो यही अपना डिस्प्लेसमेंट हो गया इसी को निगेटिव में लिख लेंगे ठीक तो टू से फोर तक अब मैं अगर इक्वेशन को देखूं टू से फोर तक अगर मैं देखूं मुझे टाइम चाहिए एक्सेलरेशन चूंकि कांस्टेंट है तो मैं टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर बोल लेता हूं डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा ये जो डिस्प्लेसमेंट आया था ये हाफ एटी नॉट स्क्वायर आया था तो यहां से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये निगेटिव हो जाएगा इसका माइनस हाफ एटी नॉट इनिशियल स्पीड यहां पे स्पीड क्या थी यही हमारा इनिशियल पॉइंट था तो यहां पे स्पीड निकल चुकी है एटी नॉट ये आ गया एटी नॉट इंटू टी एक्सलोरेशन माइनस ए है इंटू टी स्क्वायर ये हर जगह आप कैंसिल कर सकते हैं आ जाएगा टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी नॉट टी माइनस हाफ टी नॉट स्क्वायर दिस इज इक्वल टू जीरो मल्टीप्लाई कर लीजिए तो टी स्क् टू टी नॉट टी माइनस टी नॉट स्क्वायर जीरो से टाइम अपने को मिल जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम में आ गया इसको अगर सॉल्व कर लें तो माइनस बी प्लस माइनस माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस फोर ए सी तो टू टी नॉट का स्क्वायर फोर टी नॉट स्क्वायर फोर ए सी फोर ए इंटू माइनस टी नॉट स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस फोर टी नॉट स्क्टर डिवाइडेड बाई टू हम लोग हटा देंगे क्यों? क्योंकि नहीं हो सकता है तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा टू टी नॉट प्लस रूट एट को टू रूट टू लिखा जा सकता है टी नॉट बाई टू टू हर जगह कैंसिल हो जाएगा यह आ जाएगा टी नॉट प्लस रूट टू टी नॉट तो ये टाइम कहां से कहां तक का टाइम निकला टू से फोर तक का टाइम निकला तो यहां से यहां तक का टाइम निकल चुका है इस टाइम में इस टाइम को जोड़ दीजिए तो टोटल टाइम यानी कि किस टाइम पे ये वापस से यहां पे पहुंचा निकल जाएगा तो टोटल टाइम के लिए क्या किया जाए भाई अब टोटल टाइम पहले तो टी नॉट था वन से टू तक का और यहां पे आ गया टी नॉट प्लस रूट टू टी नॉट टू प्लस रूट टू टी नॉट आ गया यही हमारी आंसर आ जाएगी टू प्लस रूट टू टी नॉट दिस इज आर करेक्ट आंसर ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं डायमीटर एंड हाइट ऑफ ए सिलेंडर आर मेजर्ड बाय ए मीटर स्केल टू बी ट्वेल्व पॉइंट जीरो प्लस माइनस जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर हाइट है थर्टी प्लस माइनस पॉइंट सेंटीमीटर वट विल बी ऑफ इट्स वॉल्यूम इन अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर तो वॉल्यूम निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर में किसी सिलेंडर का तो वॉल्यूम क्या होता है उसका स्क्वायर डी स्क्वायर बाई फोर हो गया ठीक तो पहले तो एक्चुअल वैल्यू निकालो और उसके बाद एरर निकालेंगे ठीक है एक्चुअल वैल्यू क्या होगा पाई है बाईस बाई तो का स्क्वायर एक सौ वैल्यू है ट्रू वैल्यू है थर्टी फाइव सात पांच पैतीस चार से चार तीन बारह और चौबीस चार छ चौबीस ठीक है तो बाईस पांच एक सौ दस हो गया और छत्तीस इंटू ग्यारह क्या हो जाएगा तीन सौ साठ और छत्तीसगढ़ तीन सौ छियानवे और एक और जीरो आ जाएगा थ्री नाइन सिक्स जीरो आ गया आपका ट्रू वैल्यू तो यानी कि ये और ये तो सर सरासर गलत है ठीक थ्री नाइन सिक्स जीरो ट्रू वैल्यू आपको इसी में आई अब रही बात कि सर आपको एरर फाइंड करना है एरर फाइंड करना है भैया वॉल्यूम है पाई डी स्क्वायर बाई फोर इंटू एच डायमीटर में एरर है और हाइट में एरर है तो भैया एरर कैसे फाइंड होगा डेल्टा वी बाई वी क्योंकि डी का पावर टू है तो टू टाइम्स डेल्टा डी बाई डी प्लस डेल्टा एच बाई एच हो जाएगा वॉल्यूम आ गया थ्री नाइन सिक्स जीरो आ चुका है हमारे पास डेल्टा डी हमारे पास जीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर है बेटा तो जीरो पॉइंट वन बाई डेल्टा एच है बी है जीरो पॉइंट वन और हाइट है थर्टी फाइव अब इसको जरा सा सॉल्व करना पड़ेगा तो so, मैं तो चूंकि एग्जाम नहीं दे रहा हूँ कैलकुलेटर का इस्तेमाल मैं कर सकता हूँ .पॉइंट वन बाई बारह इंटू दो यानी बारह पॉइंट जीरो सिक्स सिक्स पॉइंट जीरो टू ले लेते हैं इसको दो डिजिट तक यहाँ पे चूंकि एक डिजिट तक है तो हम लोग एक और लेंगे और बाद में उसको कर लेंगे भैया सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से पॉइंट वन बाई पैंतीस पॉइंट जीरो जीरो टू एट है यहां पर ठीक है तो यह आ गया क्या आ गया पॉइंट जीरो टू प्लस पॉइंट जीरो जीरो टू एट पॉइंट जीरो टू टू एट यह आया डेल्टा वी बाई थ्री नाइन सिक्स जीरो डेल्टा वी की वैल्यू इसी में थ्री नाइन सिक्स जीरो मल्टीप्लाई कर दो ओके तो ये आ रहा है आपका नाइन्टी पॉइंट टू एट एट को ज्यादा ले लिए लग रहा है ये क्या आया था पॉइंट टू बाई 12. पॉइंट टू बाई बारह इंट जीरो वन सिक्स आया था तो इसको हमने पॉइंट जीरो टू ले लिया है इस वजह से थोड़ा साइंट जीरो जीरो टू एट पॉइंट जीरो वन एट एट इसमें थ्री नाइन सिक्स जीरो मल्टीप्लाई किया जाए तो सेवेंटी फोर पॉइंट फोर आ रहा है आपका ठीक है तो डेल्टा भी, तो भी हिसाब से, से लिखना है तो हमने यहाँ पे भी एक डिजिट आफ्टर डेसिमल लिया सेवेंटी फोर पॉइंट फोर लिया है अब देखिए डेल्टा भी हमें क्या आ गया सर सेवेंटी फोर पॉइंट फोर आ चुका है तो अब अगर डेल्टा भी सेवेंटी फोर पॉइंट फोर है तो अब देख लो यहाँ पे सिक्सटी और एट्टी है तो कौन सा कौन सा मार्क कर सकते हैं जो इसके गल में है ज्यादा यानी कि एट्टी ये वाली हमारी सर करेक्ट आंसर हो जाएगी ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं इलाज राफ्ट इज फ्लोइंग स्ट्रीम फ्लोइंग स्ट्रेट लाइन ए मैन ऑन द राफ्ट डाइव इन टू रिवर एंड स्विम्स डाउन द स्ट्रीम फॉर फिफ्टीन मिनट एंड देन ही टर्न अबाउट एंड कम्स बैक टू द राफ्ट ओके द स्विमिंग स्पीड ऑफ द मैन इज फाइव किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर स्टिल वाटर में स्विमिंग स्पीड इंसान की है पांच किलोमीटर पर आवर यानी कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है पांच किलोमीटर पर आवर और रिवर फ्लो कर रहा है विद स्पीड ऑफ किलोमीटर पर आवर द डिस्टेंस मूव बाय द राफ्ट टिल द मैन कम्स बैक टू द राफ्ट इज हमसे बोल क्या रहा है पहले सिचुएशन समझते हैं एक रिवर है इसमें एक राफ्ट था ठीक ओके इसके ऊपर एक आदमी था ठीक है ए मैन ऑन द राफ्ट डाइव्स इन टू रिवर अब ये आदमी जो है ये नदी में उतर जाता है और एंड स्विम्स डाउन द स्ट्रीम फॉर पंद्रह मिनट तो मान लीजिए रिवर इस डायरेक्शन में आपकी फ्लो हो रही है राइट की तरफ तो ये इंसान नदी में उतरता है ये इंसान नदी में उतरता है और पंद्रह मिनट तक तैरता है डाउन द स्ट्रीम डाउन द स्ट्रीम मतलब नदी के बहाव के साथ साथ तो नदी के बहाव के साथ साथ मान लीजिए पंद्रह मिनट तक तैरा और यहां पे पहुंचा पंद्रह मिनट तक ये तैरा और यहां पे पहुंचा ठीक एंड देन ही टर्न अबाउट एंड कम्स बैक टू द राफ्ट और अब क्या है कि ये वापस लौटता है और राफ्ट की, की तरफ वापस आ जाता है भैया पंद्रह मिनट तो यहां तक तैरा तो जब तक जब पंद्रह मिनट तक ये इंसान यहां तक पहुंचा तब तक राफ्ट रेस्ट में तो होगा नहीं ठीक ये भी नदी के बहाव के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ गया होगा ठीक है अब ये मैन ये इंसान यहां से वापस लौटा और जब वापस लौटा तो राफ्ट कहीं यहां तक पहुंच चुकी होगी ठीक? उतने टाइम में, भैया हमसे यहां यहां टाइम, टाइम वापस वापस तो तो हम बोल रहा है कि राफ्ट कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस बता दीजिए कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है ठीक है देखो इस सवाल को ना हम लोग विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड भी बना सकते हैं और विद रेस्पेक्ट टू वाटर भी बना सकते हैं या विद रेस्पेक्ट टू राफ्ट भी बना सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू राफ्ट अगर बनाएंगे तो बहुत आसान पड़ेगा बहुत ज्यादा जल्दी बन जाएगा विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड थोड़ा सा वक्त लगेगा ठीक तो एक काम करते हैं मैं दोनों तरीके से आपको दिखा देता हूं और जो आपको अच्छा लगेगा उसको आप चूज कर सकते हैं अगर मान लीजिए मैं इसी सवाल को विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड बनाना चाह रहा हूं जमीन के रेस्पेक्ट में अब देखिए पंद्रह मिनट तक डाउन स्ट्रीम चला है ये ये इंसान पंद्रह मिनट तक डाउन स्ट्रीम चला है ठीक तो इसकी वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी होगी देखिए वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर माइनस या प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जाएगा मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड तो रिवर के रेस्पेक्ट में तो पांच किलोमीटर पर आवर था और रिवर के रेस्पेक्ट में पांच किलोमीटर पर आवर था और रिवर की वेलोसिटी थी चार किलोमीटर पर आवर तो पांच और चार नौ नाइन किलोमीटर पर आवर तो जब ये डाउन स्ट्रीम पानी के बहाव के साथ साथ जा रहा है पानी के बहाव के साथ साथ जा रहा है तब जो इसकी वेलोसिटी हुई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वो नौ हुई जाहिर सी बात है ये पांच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तैर रहा है रिवर भी इसको चार किलोमीटर पर आवर से पुश कर रहा है तो नेट वेलासिटी नाइन किलोमीटर पर आवर होगी और ये पंद्रह मिनट तक तैरता है पंद्रह मिनट को चूंकि यहां पे सब कुछ आवर में है तो मैं आवर में ही ले लेता हूं इसको मैं लिख देता हूं वन बाई फोर आवर कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा ये डिस्टेंस कितना होगा यहां से यहां तक का तो मैं वन बोल देता हूं। ठीक। वन कितना होगा भाई साहब वेलोसिटी पता है टाइम पता है वन बाई फोर नाइन इंटू वन बाई फोर यानी कि नाइन बाई फोर किलोमीटर यहां से यहां तक नाइन बाई फोर किलोमीटर है ठीक है अब जब ये वापस लौटा तो मान लीजिए भैया जब वापस लौटा तो यहां से यहां तक टाइम है टी नॉट टी नॉट टाइम तक चला और वापस से राफ्ट पे पहुंच गया ठीक है तो ये डिस्टेंस कितना होगा ये डिस्टेंस को मैं एक्स टू मान लेता हूं ये डिस्टेंस मुझे निकालना है ये डिस्टेंस अगर मुझे निकालना है तो मुझे अपस्ट्रीम में कैलकुलेशन करनी होगी अब ये नदी के बहाव के उल्टा जा रहा है ठीक तो अब इसकी वेलोसिटी क्या होगी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड तो भैया VMR एम आर ये तो है पांच इधर की तरफ और रिवर का है इधर की तरफ चार तो पांच माइनस चार वन किलोमीटर पर आवर अब जब नदी के बहाव के उल्टा जा रहा है तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में क्या स्पीड है इसकी वन किलोमीटर पर आवर ठीक तो टीनॉट टाइम तक हमने माना कि चलो टी नॉट टाइम में ये राफ्ट पे पहुंच गया तो टी नॉट टाइम में डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इसने एक्स टू की वैल्यू क्या होगी वेलोसिटी इन टाइम तो वन इंटू तो टी नॉटी नॉट किलोमीटर ठीक चलिए अच्छी बात अब मैं राफ्ट की बात करता हूं तो राफ्ट टोटल कितने टाइम तक चला यहां से यहां पहुंचने के लिए राफ्ट को ने टोटल कितना टाइम लिया तो भाई वन बाई फोर आवर इंसान पहले यहां से यहां गया वन बाई फोर आवर फिर यहां से वापस लौटा टी नॉट तो टोटल टाइम इंसान जितने टाइम के लिए राफ्ट से दूर रहा वो था वन बाई फोर प्लस टी नॉट तो राफ्ट भी उतना ही टाइम तक चला यहां और यहां से यहां पहुंचा ठीक तो इस डिस्टेंस को मैं एक्स थ्री बोल देता हूं ठीक है भैया राफ्ट के लिए अगर मैं कैलकुलेशन करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा Distance by raft, x3 की की क्या है 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 तो 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 भैया नदी के के बहाव साथ साथ जा रहा है. अपनी तो कुछ velocity है नहीं चार किलोमीटर आवर जो नदी की है और कितने टाइम तक टोटल चला तो वन बाई फोर प्लस टी नॉट इतने टाइम तक राफ्ट आगे बढ़ा था यह आ गया वन प्लस फोर टी नॉट अब देखो इस डायग्राम से x3 और x x2, x2 को जोड़ दिया जाए तो x1 के बराबर आना चाहिए भाई साहब x3 और x2 को जोड़ दिया जाए तो x1 के बराबर आना चाहिए ठीक थ्री प्लस एक्स टू एक्स के बराबर आना चाहिए x3 कितना है भाई साहब वन प्लस फोर टी नॉट एक्स टू कितना है टी नॉट एक्स वन कितना है एक्स वन निकाले हम लोग नाइन बाई फोर तो फाइव टी नॉट आ गया नौ बाई चार में से एक घटेगा तो पांच बाई चार आ जाएगा तो टी नॉट की वैल्यू आ गई वन बाई फोर ठीक है वन बाई फोर आवर मतलब ये वापस लौटा तो कितने टाइम के लिए चला सेम वन बाई फोर आवर जितने टाइम के लिए डाउनस्ट्रीम था उतने ही टाइम के लिए ये एक्चुअली में अपस्ट्रीम भी चला है वन बाई फोर किलोमीटर यानी कि 15 मिनट के लिए ये अपस्ट्रीम भी चला है तो हमें क्या चाहिए था डिस्टेंस कवर्ड बाय द राफ्ट यानी कि एक्स थ्री की वैल्यू चाहिए थी कि यही राफ्ट कितना डिस्टेंस आगे बढ़ा है यही एक्स थ्री की वैल्यू चाहिए थी तो एक्स थ्री की वैल्यू है टी नॉट T0 T0 की वैल्यू आ चुकी है पुट कर दो एक्स थ्री है वन प्लस फोर टी नॉट टी नॉट की वैल्यू आ चुकी है वन बाई फोर ये वन प्लस वन यानी कि टू किलोमीटर ये हमारी आंसर आ गई इसी को अगर मैं राफ्ट के रेस्पेक्ट में करूं तो मुझे सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा मैं मुंह से बता सकता हूं कि आंसर क्या होगा अगर इसी को मैं river के respect में सॉल्व करने की कोशिश करूं तो देखो अगर मैं इसको रिवर के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर रहा हूं ठीक तो जैसे ही मैं, मैं हूं, raft, जैसे ही मैं बोलता हूं विद रेस्पेक्ट टू राफ्ट जैसे ही मैं बोलता राफ्ट इसका मतलब राफ्ट रेस्ट में है और मैन मूव कर रहा है

इसको वापस भी जाना पड़ेगा मतलब टोटल टाइम लगा तीस मिनट इंसान को राफ्ट तक पहुंचने में आधा घंटा लगा ठीक है और राफ्ट की वेलोसिटी है चार किलोमीटर पर आवर तो भैया राफ्ट आधा घंटा के लिए चला है और चार किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला है तो कितना डिस्टेंस चलेगा फोर इंटू वन बाई टू यानी कि टू किलोमीटर ये आपकी आंसर आ गई इसको आपको सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा अगर आप राफ्ट के रेस्पेक्ट में इसको बनाने की कोशिश करेंगे तो ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं अब पावर सर्फेस टेंशन और प्लैक कॉन्स्टेंट को अरेंज करना है सो दैट द डायमेंशन ऑफ टाइम आर इन असेंडिंग ऑर्डर टाइम असेंडिंग ऑर्डर में रहे डायमेंशन ऑफ टाइम भैया पावर सर्फेक्स टेंशन और प्लैक कॉन्सटेंट को अरेंज करना है पावर क्या होता है भैया फोर्स इन टू वेलास्टी फोर्स एम एल टी माइनस टू वेलास्टी एल टी माइनस वन ये हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री पावर का तो ये हो गया तो टी की पावर आई माइनस थ्री यहाँ पर टाइम के पावर में टाइम के डायमेंशन में आपको अरेंज करना है सरफेस टेंशन क्या होता है भाई फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ फोर्स एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एल एल से एल कटा एमटी टी माइनस टू नेक्स्ट क्या है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट एच एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी ई इज इक्वल टू एच न्यू होता है तो प्लैंक कांस्टेंट को मैं एनर्जी बाय फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं एनर्जी का हो जाएगा एम टी माइनस

और ठीक है एच एच आपका प्लान कांस्टेंट है एच ई और पी रहा है हमें राइट ओके छोटा से बड़ा एज्यूम मोर निगेटिव वैल्यूज टू बी स्मॉल अच्छा ओके okay. ठीक मैं उस तरह से देख रहा था यहां पे बोल रहा है कि जितना जितना वैल्यू है जितना ज्यादा है ज्यादा उसको आपको स्मॉलर लेना है तो सबसे ज्यादा तो थ्री है उसके बाद -2 है उसके बाद -1 है यानी कि ये 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 सबसे छोटा उसके उसके बाद यह, उसके बाद पी टी और एच तो ये हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं भैया अगला सवाल देखते हैं यहां पे भी आपको डायमेंशन को अरेंज करना है पोटेंशियल रेसिस्टेंस कैपेसिटेंस इंडक्टेंस ठीक ओके पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज तो पोटेंशियल की, की अगर मैं बात करूं तो दे रखा है मुझे वर्क डन पर यूनिट चार्ज वर्क डन मतलब एनर्जी यानी कि एम एल टू टी माइनस टू चार्ज चार्ज को मैं करंट इनटू टाइम लिख सकता हूं करंट का एम्पियर हो जाता है बेटा इनटू टाइम ये क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन कौन सा दिख रहा है एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री ए माइनस वन ए का क्यू है आइए ए का क्यू है ए का क्यू ए का क्यू इसमें और इसमें दिख रहा है मतलब ये और ये तो गलत है सर बाकी इसमें बी का आर है बी का आर इसमें भी है तो बी को चेक करने से तो कोई फायदा ही नहीं है हटाओ सी का क्यू सॉरी सी का पी और सी का एस तो सी को चेक कर लेते हैं सी में क्या है कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटेंस का डायमेंशन क्या हो जाएगा भैया क्यू बाई वी लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है कोई भी एक फॉर्मूला ले लो जहां पे कैपेसिटेंस आता हो और वहां से डायमेंशन निकाल लो भाई साहब तो चार्ज को मैं करंट इनटू टाइम लिख लेता हूं और पोटेंशियल का तो निकाल ही चुके हैं एम एल जाएगा एम की पावर माइनस वन एल की पावर माइनस टू ये ऊपर चला जाएगा टी का पावर फोर हो जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा तो ए स्क्वायर आ जाएगा एम माइनस वन एल माइनस टू टी फोर ए स्क्वायर यानी कि एस सी का एस C का पी ए तो गलत है तो सी का एस ये वाला ऑप्शन फिर हमारा क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ठीक आगे बढ़ते हैं अगला सवाल देखते हैं पार्टिकल मूविंग लॉन्ग जा रहा है और एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है एफ नॉट वन माइनस टी बाई टी ठीक है पार्टिकल एट टाइम जीरोसिटी जीरो

पहले तो निकालो एफ जीरो कहां पे होगा एफ का इक्वेशन दे रखा है एफ नॉट इन टू वन माइनस स्मॉल टी बाई कैपिटल टी एफ जीरो कहां पे है सर एफ को जीरो रख लो तो ये चीज उधर चला गया स्मॉल टी कैपिटल टी के बराबर आ जाएगा ठीक है एफ जीरो किस टाइम पे है जहां पे टाइम बराबर है कैपिटल टी के तो जब टाइम कैपिटल टी के बराबर है तब वेलोसिटी निकाल लीजिए भाई वेलोसिटी कैसे निकलेगी एक्सेलरेशन दे रखा है और वेलोसिटी निकाल लेना है एक्सेलरेशन दे रखा है एक्सेलरेशन दे रखा है वेलोसिटी निकालना है तो एक्सेलरेशन को मैं डी वी बाई डी लिख सकता हूं डी टी को इधर ले जाता हूं दोनों साइड इंटीग्रेट कर दीजिए टाइम जीरो पे वेलोसिटी जीरो था टाइम कैपिटल टी पे मुझे वेलोसिटी चाहिए ठीक इंटीग्रेशन ऑफ डी हो गया वी लिमिट पुट कर दिए वन डी टी का इंटीग्रेशन टी हो गया और वन बाई टी कैपिटल टी इधर आ गया टी डी टी का टी स्क्वायर बाई टू हो गया लिमिट साइज का जीरो से कैपिटल टी ठीक ये आ गया एफ नॉट स्मॉल टी के बदले कैपिटल टी रख दो कैपिटल टी माइनस टी स्क्वायर से एक टी कटेगा टी बाई टू बच जाएगा ये आ गया एफ नॉट इंटू टी बाई टू

अगर अलग अलग क्वांटिटीज को जोड़ते हैं तो जोड़ तभी सकते हैं जब सबका डायमेंशन हमारा सेम रहे तो बीटी का डायमेंशन सी का डायमेंशन ए टी स्क्वायर का डायमेंशन सबका बराबर होना चाहिए किसके मोमेंटम के डायमेंशन के डायमेंशन ऑफ मोमेंटम डायमेंशन ऑफ बी इंटू टी मोमेंटम का डायमेंशन मास इंटू वेलासटी का बेटा एल माइनस वन टी का क्या आ जाएगा एम एल टी माइनस टू एम एल टी माइनस टू ये हमारी सर करेक्ट आंसर हो गई ठीक चलिए आगे बढ़ा जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द लीस्ट काउंट ऑफ ए स्टॉप वॉच दे रखा है दे ये ना हा लीस्ट काउंट ऑफ ए is वॉच इज five second The time टाइम ऑफ oscillations of ऑफ ए is इज as पच्चीस सेकंड 20 ऑसेलेसन को एक साथ मेजर करते हैं पच्चीस सेकंड और इस स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है वन बाई फाइव जो लीस्ट काउंट होता है वही एरर होता है ठीक और हमसे मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पूछ रहा है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम मतलब डेल्टा टी बाय टी इन हंड्रेड परसेंट डेल्टा टी एरर क्या होगा जो लीस्ट काउंट है वही एरर होगा वन बाई और टाइम मेजर कितना हुआ है पच्चीस इंटू कर दो पच्चीस चार

एक नंबर है ठीक है नंबर है तो इसमें कोई डायमेंशन ही नहीं होगा प्योर नंबर है अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू चाहिए ठीक है सर आइए टाइम दे रखा है डेल्टा टी एम टू दावर अल्फा बी टू दावर बीटा और वी नॉट टू दावर गामा सबका डायमेंशन लिखो टाइम का तो टी हो जाएगा एम एम क्या है मास है तो मास का एम हो जाएगा टू दावर अल्फा बी क्या है बी निकालना पड़ेगा बी के लिए बोल रहा है स्पीड वी नॉट इज सब्जेक्टेड टू ए वेलॉसिटी डिपेंडेंट रेसिस्टिव फोर्स ऑफ द फॉर्म बी वी टू दावर एन तो फोर्स है बी वी टू दावर एन फोर्स दे रखा है बी वेलॉसिटी टू द पावर एन यहां से बी क्या आ जाएगा फोर्स बाई वेलॉसिटी टू द पावर एन तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा हमारा एम एल टी माइनस टू और वेलोसिटी का एल टी माइनस वन टू द पावर एन तो बी का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका एम तो वैसा ही रहा बेटा इधर एल है इधर एल टू दावर एन है एल टू दावर वन माइनस एन हो जाएगा इधर टी टू दावर माइनस टू है इधर टी टू दावर माइनस एन है टी टू दावर माइनस टू ये ऊपर जाएगा प्लस एन हो जाएगा इस बी का डायमेंशन आ गया एम एल टू दावर वन माइनस एन

इधर लेंथ का पावर वन माइनस एन इंटू बीटा और इधर एल टू पावर गामा मतलब वन माइनस एन इंटू बीटा मतलब बीटा माइनस बीटा एन प्लस गामा इधर एल टू पावर गामा था ठीक और टाइम को अगर मैं देखूं तो इधर टाइम का पावर है वन और इधर टाइम का पावर है माइनस टू प्लस एन टू दावर बीटा यानी कि माइनस टू बीटा प्लस एन बीटा और इधर टाइम है माइनस गामा माइनस गामा अब इसको मुझे सॉल्व करना है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालनी है ठीक तो यहां से देखो क्या रिलेशन कुछ निकाल सकते हैं हम बीटा और गामा में यहां पर अगर मैं बीटा को कॉमन ले लूं तो वन माइनस एन आ जाएगा और ये गामा इधर आ गया तो इसको इधर ले जाओ माइनस गामा बीटा को लिख सकते हैं माइनस गामा बाई ये गामा इधर गया माइनस गामा हो गया और वन माइनस एन यहां पर कॉमन आएगा ठीक ओके और यहां से अगर देखा जाए तो ये माइनस गामा को उधर ले जाओ तो गामा प्लस वन आ जाएगा और बीटा कॉमन लेंगे तो एन माइनस टू आ जाएगा बीटा आ जाएगा हमारा ये इधर गया गामा प्लस वन माइनस गामा इधर गया प्लस हो गया प्लस गामा प्लस वन और डिवाइडेड बाई बीटा को अगर कॉमन लिए थे तो यहाँ पे एन माइनस टू आया तो एन माइनस टू तो यहां से बीटा आया माइनस गामा बाई वन माइनस एन यहाँ पे गामा प्लस वन बाई एन माइनस टू दोनों को इक्वेट कर दो माइनस गामा बाई वन माइनस एन ये बराबर होगा गामा प्लस वन बाई एन माइनस टू अब इसको बस सॉल्व कर लेना है हमें और गामा की वैल्यू यहां से निकल जाएगी ठीक माइनस गामा एन माइनस माइनस प्लस टू गामा ये गामा प्लस वन इंटू वन माइनस एन यानी कि ये गामा माइनस गामा एन प्लस वन माइनस एन और ये आ गया माइनस गामा एन प्लस टू गामा इससे ये कटा टू गामा ये इधर गया माइनस गामा तो ये गामा हो गया वन माइनस एन के बराबर ये एक तो आंसर आ गया आपकी गामा की वैल्यू आ गई वन माइनस एन गामा की वैल्यू आ गई वन माइनस एन कौन सा दिख रहा है एक ये दिख रहा है कि ये दिख रहा है इसी दोनों में से कोई एक करेक्ट होना ये दोनों तो रॉन्ग है इसके लिए कोई एक और निकाल दो एक कुछ किसी में भी पुट कर दो बीटा है माइनस गामा बाई वन माइनस एन बीटा क्या था भैया माइनस गामा बाई वन माइनस एन माइनस गामा करोगे तो एन माइनस वन हो जाएगा बाई वन माइनस एन करोगे यानी कि माइनस वन आ गया बीटा की वैल्यू आ गई सर माइनस वन तो बीटा अच्छा बीटा माइनस वन दोनों में ही दे रखा है कोई फा, फायदा नहीं हुआ ठीक अच्छा अल्फा देखो अगर बीटा माइनस वन है तो अल्फा तो हो जाएगा प्लस वन ठीक है क्योंकि अल्फा है माइनस बीटा के बराबर तो अल्फा की वैल्यू प्लस वन यानी कि ये वाला हमारा फिर करेक्ट ऑप्शन हो गया ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं भाई द लेंथ ऑफ ए रॉड इज मेजर्ड बाई फोर डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट एंड द मेजरमेंट आर रिपोर्टेड एज किसी रॉड के लेंथ को चार अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से मेजर किए हैं और मेजरमेंट को हमने इस तरह से रिपोर्ट किया है हमसे पूछ रहा है कौन सा ज्यादा प्रेसाइज है तो प्रेसीजन उसका ज्यादा होता है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो ठीक तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हमें बस खोजना है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जिसमें सबसे ज्यादा होगा वो सबसे ज्यादा प्रेसाइज होगा भैया सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है इधर तीन है दो है तीन है इधर आपका चार है राइट भैया सबसे ऊपर वाला ये हमारा सबसे

टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ लेंथ है फोर्टी फाइव पॉइंट वन प्लस टू पॉइंट थ्री टू इन दोनों को पहले तो जोड़ लो फोर्टी फाइव पॉइंट वन और टू पॉइंट थ्री टू को जोड़ोगे ये टू आ जाएगा ये चार आ जाएगा ये सात आ जाएगा ये फोर सेवन आ जाएगा फोर्टी सेवन पॉइंट फोर टू आएगा अब देखो ध्यान से सुनना करेक्ट टू द सिग्निफिकेंट डिजिट्स लिखना है तो क्या मैं इन दोनों को जोड़ करके 47.42 लिख सकता हूं नहीं सर एडिशन में क्या होता है एडिशन में आपका जो आंसर होता है दैट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल इसमें डेसिमल के बाद एक डिजिट है इसमें डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो आपके आंसर में सिर्फ एक ही हो सकता है इन दोनों में से जिसमें सबसे कम होगा वही हो सकता है तो यहाँ पे एक डिजिट है डेसिमल के बाद यहाँ पे दो डिजिट है तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही डिजिट तक हो सकता है डेसिमल में 47.4 लिखाएगा ये राउंड ऑफ करने के बाद भाई अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करते तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में रूल होता है कि भैया जिसमें सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होगा और जितना भी होगा

तो यहां पे इसको मैं लिखूंगा टू इन टू इन दोनों का सम करके फोर्टी सेवन पॉइंट फोर यह कितना हो जाएगा चार दुनिया आठ सात दुनिया चौदह नाइन्टी फोर पॉइंट एट आ जाएगा राइट तो ये हमारी आंसर आ जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल इंस्ट्रूमेंटल एरर्स आर रैंडम एरर्स स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू सम ऑफ द रीडिंग सेकेंड्स they using an instrument may be more and some of the readings may be lesser than the actual value of the physical quantity कौन so, से क्या बोल रहा है सारे के सारे इंस्ट्रूमेंटल एरर जो है रैंडम एरर होते हैं जो कि बिल्कुल गलत स्टेटमेंट रैंडम एरर का हमें पता नहीं होता है कि कहां से क्रीप इन हो जाए कहां से आ जाए इंस्ट्रूमेंटल एरर तो हमें पता होता है जैसे मुझे पता है कि स्केल का थोड़ा सा पार्ट अगर आगे का टूटा हुआ है तो रीडिंग जो हमें देगा वो गलत ही देगा राइट right? तो ये हमें पहले से पता होता है और टूटा हुआ है तो कितना टूटा हुआ है उतना हम जोड़ या घटा सकते हैं अपने फाइनल रिजल्ट में और अपना आंसर को सही कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल एरर तो रैंडम एरर होता ही नहीं है ठीक है तो पहला ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया तो स्टेटमेंट वन ही जब हमारा फॉल्स है तो यही हमारा आंसर होगा वैसे स्टेटमेंट टू हमारी करेक्ट थी कि भैया सम ऑफ द रीडिंग्स टेकन यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट मे बी मोर सम ऑफ द रीडिंग्स लेसर एक्चुअल वैल्यू ऑफ द फिजिकल क्वानिटी ज्यादा रीड कर सकते हैं कभी कम रीड कर सकते हैं तभी हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस डेल्टा प्लस माइनस क्यों देते हैं क्योंकि से थोड़ा बड़ा भी हो सकता है थोड़ा कम भी हो सकता है एक रेंज हम बताते हैं राइट स्टेटमेंट टू करेक्ट है स्टेटमेंट वन हमारी फॉल्स है सर यह सवाल देखिए एक्सलोशन टाइम करॉडीज ए एंड बी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट आर शोन इन द फिगर दो बॉडी है से स्टार्ट हो रहा है

मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा भाई रेस्ट से स्टार्ट हुआ एक्सेलरेशन पॉजिटिव है पॉजिटिव वाई में एक्सेलरेशन ड्रॉन है तो रेस्ट से स्टार्ट हुआ कोई ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन पॉजिटिव है राइट right की तरफ जा रहा है ठीक तो मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगा सर एक्सेलरेशन भले ही घट रहा हो लेकिन जब तक एक्सेलरेशन है उसकी स्पीड बढ़ रही है तो बॉडी स्टार्ट हुआ स्पीड बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई तो जब एक्सेलरेशन जाकर के जीरो हो जाएगा ठीक यहां पे तब उसके बाद स्पीड हमारी कॉन्स्टेंट रहेगी ठीक है चलो तो मैक्सिमम स्पीड कहां पे होगा यहां पे होगा सर पहली बॉडी के लिए दूसरी बॉडी के लिए मैक्सिमम स्पीड यहां पे होगा बॉडी बी के लिए तो मैक्सिमम स्पीड जो है पहली बॉडी के लिए वीएम है तो वीएम किसके बराबर होगा यह वेलोसिटी यहां पे वेलोसिटी मिल सकती है क्या यह कौन सा ग्राफ है ग्राफ है एरिया अंडर ग्राफ क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर एटी ग्राफ चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी सर इनिशियल वेलोसिटी तो यहां पे जीरो है रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो एरिया अंडर एटी ग्राफ दे देगा फाइनल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी जो यहां पे है ये VM दे रखा है यही मैक्सिमम वेलोसिटी है भैया एरिया क्या होगा 1/2 a1 into t VM हो गया 1/2 a1 into t ठीक है भाई चलिए सिमिलरली दूसरे वाले के लिए बॉडी बी के लिए मैक्सिमम वेलोसिटी है Vm 2. कहां पे होगा? यहां पे होगा तो यह वीएम बाई टू किसके बराबर होगा वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी यहां पे एरिया अंडरिया माइनस टू अब दोनों को लगा करके सॉल्व कर लीजिए भाई वीएम बाई टू है ना चलो यहीं से सॉल्व करते हैं ये वीएम को तो मैं लिख देता हूं हाफ ए वन टी हाफ ए वन टी वी एम को लिख दिया और डिवाइडेड बाई टू इधर आ गया ये आ गया हाफ ए टू टी माइनस टू टू से ये टू कटा टी मुझे चाहिए ठीक आ जाओ ए वन टी को मैं लिख सकता हूं टू ए टू टी माइनस टू तो ए वन टी को मैं लिख सकता हूं टू ए टू टी माइनस टू टू फोर ए टू ये फोर ए टू इधर चला गया t कॉमन अगर मैं ले लूं तो टू ए टू ये हो गया और माइनस एवन इधर आ गया तो t की वैल्यू आ जाएगी यहां से फोर ए टू बाई टू ए टू माइनस एवन देखो कुछ ऐसा दिख रहा है फोर ए टू बाई टू ए टू माइनस एवन ये हमारी आंसर आ गई ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय द रिलेशन एफ इज इक्वल टू सी एम टू दावर एक्स के टू दावर वाई एक्स और वाई का वैल्यू वही डाइमेंशनल एनालिसिस करना है आपको फ्रीक्वेंसी दे रखा है मास टू दावर एक्स और स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू दावर वाई फ्रीक्वेंसी क्या होता है वन बाई टाइम पीरियड इसका डायमेंशन टी टू दावर माइनस वन होगा मास का एम टू दावर एक्स और के है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट स्प्रिंग कॉन्स्टेंट क्या होता है फोर्स बाय डिस्प्लेसमेंट, एफ इक्वल टू के एक्स होता है हो जाएगा ये ये कटा, MT -2, ये आ गया पावर वाई हो गया एम टू पावर एक्स प्लस वाई और टी टू पावर माइनस टू वाई ये टी टू पावर माइनस वन अब सारे डायमेंशन को इक्वेट करो भाई मास का डायमेंशन इधर जीरो है एक्स प्लस वाई के बराबर और टाइम का डायमेंशन पे माइनस वन है और यहाँ पे -2Y है. यहां पे माइनस टू वाई है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफर टू पार्टिकल्स एन बी आर स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ थर्टी डिग्री एंड सिक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है और रेशियो ऑफ वेलोसिटी पूछ रहा है ये तो इससे आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता वेलोसिटी क्या होता भाई? है भाई स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ स्लोप ए का का वेलोसिटी वेलोसिटी बी चाहिए एंगल है थर्टी डिग्री तो टैन थर्टी बाई टेन 60 टैन थर्टी वन बाई रूट थ्री टेन सिक्सटी रूट थ्री ये आ गया वन बाई थ्री ये हमारी आंसर आ गई ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं So, हमनेट SI के साथ थोड़ी छेड़छाड़ की एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जहां पे मास का यूनिट था सौ किलो लेंथ का यूनिट एक किलोमीटर बोला हमने एक किलोमीटर को हम लेंथ का यूनिट मानेंगे जनरली मीटर होता है मास जनरली के जी होता है तो यहां पे सौ के जी को मास का एक यूनिट बोला गया और टाइम जो कि सेकंड होता है इसको हमने एक मिनट यहाँ पे बताया तो भैया एक जूल इस सिस्टम में कितने यूनिट के बराबर होगा हमें नहीं पता सर कितने यूनिट के बराबर होगा तो हम मान लेंगे कि एक जूल एक्स यूनिट के बराबर होगा ठीक अच्छा ये जो भी है इधर तो जूल है मतलब एनर्जी है तो इधर भी तो एनर्जी ही होगा सर इस नए सिस्टम में जितना भी यूनिट आए लेकिन आएगा तो एनर्जी ही ना आएगा तो एनर्जी ही ठीक भैया एनर्जी का डायमेंशन लिख लो दोनों साइड क्या होता है MLT ML2T -2. ML2T -2. इस में भी जो चीज है वो है तो एनर्जी ही डायमेंशन तो वही एम एल टू टी माइनस टू अब दो, यहां पे जूल जब हम बोल रहे मतलब यूनिट SI की बात कर रहे हैं मास

एक मिनट यानी कि साठ स्क्वायर है तो सिक्सटी स्क्वायर छत्तीस सौ सेकंड स्क्वायर अब देखो यहां से केजी से केजी कटा मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कटा सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर कटा एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से ये दो जीरो से दो जीरो आप काट लीजिएगा एक्स आ जाएगा ये इधर चला जाएगा छत्तीस डिवाइडेड बाई टेन टू तो दावर सिक्स मतलब

टाइम ऑफ एसेंट ग्रेटर देन इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट टाइम ऑफ एसेंट लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट अच्छा मतलब अगर एयर रेसिस्टेंस को हम लोग कंसिड्रेशन में लेते हैं तो ऊपर जाने का टाइम बड़ा होगा या नीचे गिरने का टाइम बड़ा होगा ये तो सबको पढ़ाया भी जाता है कि टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ एसेंट सेकंड ऑप्शन होनी तो करेक्ट है वैसे यहाँ पे हम लोग प्रूव भी कर लेते हैं कि किस तरह से ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट होनी है सर ठीक आइए देखते हैं मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर फेंक दिए यू स्पीड से ऊपर गया कहीं यहां तक गया रेस्ट में आया और फिर यहां से वापस जा रहा है ठीक इस केस में कितना टाइम लगा इस केस में कितना टाइम लगा दोनों को अलग अलग देख लेते हैं ठीक है पहले जब ये ऊपर जा रहा है तो पहले तो ये बताइए कि कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा और एक्सेलरेशन क्या होगा यहाँ पे तो देखो यहाँ पे दो फोर्स लगेगी एक तो एम लगा नीचे की तरफ और एयर रेसिस्टेंस भी लेना है

ये डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये मुझे चाहिए ठीक मैं यहां एक्सेलरेशन तो नीचे है तो माइनस लेंगे तो माइनस टू टाइम्स प्लस एफ ए बाई एम इंटू एस एस यहां पे क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई टू टाइम्स g प्लस एफ ए बाई एम ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया और साथ ही साथ क्या चाहिए टाइम चाहिए ऊपर जाने के टाइम ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा ऊपर जाने के वक्त कितना समय लगेगा टाइम तो निकालने के लिए फाइनल वेलोसिटी पता है इनिशियल वेलोसिटी पता है एक्सेलरेशन पता है तो वी इजल टू यू प्लस ए टी कर लीजिए ये जीरो है एक्सेलरेशन है माइनस ऑफ टी प्लस एफ ए बाई एम और टाइम को टी वन बोल देते हैं यहां से टाइम वन आ गया यू बाई जी प्लस एफ ए एम ये हो गया ऊपर जाने के वक्त कितना टाइम लगा ये अब हमें ये भी चाहिए कि भैया नीचे जाने में कितना टाइम लगा यहां से जब ये वापस आ रहा है तो डाउनवर्ड जर्नी में कितना टाइम लगा तो यहां पे क्या क्या बताया इनिशियल स्पीड जीरो है मोमेंटली रस स्टार्ट हुआ है डिस्प्लेसमेंट पता है एक्सेलरेशन पता है और टाइम चाहिए डाउनवर्ड तो जर्नी में एस इज इक्वल टू यू टी प्लस स्क्वायर लगा सकते हैं S तो अपने को क्या है जितना ऊपर गया उतना ही नीचे जाना है तो एस इसीलिए हम लोगों ने निकाला था एस यू स्क्वायर बाई टू जी सॉरी टू जी नहीं यू स्क्वायर बाई टू इन टू जी प्लस एफ ए बाई एम इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे जीरो है, यह पूरा का पूरा टर्म जीरो अब जब ये नीचे आ रहा है तब क्या होगा सर तो जब ये नीचे आ रहा है तो फोर्स एम नीचे होगा और एयर रेसिस्टेंस में ऊपर हो जाएगा क्यों कि ये नीचे आ रहा है तो हवा इस पे फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में लगाएगा जब ऊपर जा रहा था तो हवा की वजह से फोर्स नीचे लगा था ठीक और जब जब नीचे आएगा तो हवा की वजह से फोर्स ऊपर लगेगा भाई तो यहाँ पे नेट फोर्स नीचे के डायरेक्शन में हो गया एम जी माइनस एफ ए इस केस में एक्सेलरेशन हो गया जी माइनस एफ ए बाई एम नीचे की तरफ चलिए भाई एक्सेलरेशन हो गया जी माइनस एफ ए बाई एम इन इस टाइम को टी टू बोल देते हैं तो टी टू का स्क्वायर ठीक तो वन बाई टू से ये टू कटा टी टू स्क्वायर आ गया यू स्क्वायर बाई g प्लस एफ ए बाई एम इंटू जी माइनस एफ ए बाई एम यानी कि यहां से t2 आ गया दोनों अंडर रूट लगा दो ऊपर नीचे तो ये U हो गया और ये हो गया g प्लस एफ ए बाई एम इंटू जी माइनस एफ ए बाई एम ठीक अब दोनों को कंपेयर कर लो भाई कौन बड़ा कौन छोटा खुद ब खुद पता चल जाएगा अब देखो ऐसे कंपेयर करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी मैं इसमें एक एक लाइन और लिख देता हूं इस तरह से देखो जी प्लस एफ ए तो मैं ऐसे लिख सकता हूं अंडर रूट जी प्लस एफ एम का होल स्क्वायर ऐसे कोई दिक्कत है सर अंडर रूट और स्क्वायर दोनों ले लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा ठीक लेकिन अब कंपेयर करने में आसानी हो तो इधर देखो इधर न्यूमरेटर तो दोनों में सेम है

कितने देर के बाद आवाज आएगी भाई सबसे पहले तो पत्थर यहां से एच हाइट नीचे जाने में टाइम लगाएगा कितना लगाएगा एच हाइट अगर है तो रूट टू एच बाई जी लगेगा एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा इतना टाइम लगाएगा पत्थर पानी को हिट करने में पानी एक बार हिट हुआ फिर साउंड निकलना स्टार्ट होगा ठीक तो साउंड किस स्पीड से जा रहा है वी स्पीड से भैया साउंड कॉन्स्टेंट स्पीड से ऊपर जाएगा भैया कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है एच तो टाइम कितना लगेगा साउंड को नीचे से यहाँ तक आने में भैया डिस्टेंस बाई स्पीड यानी कि एच तो यही हमारा टोटल टाइम हो जाएगा राइट भाई पत्थर को ड्रॉप करने के कितने वक्त के बाद आवाज सुनाई पड़ेगी तो पहले तो पत्थर यहाँ से पानी तक जाएगा इतना टाइम लेगा फिर आवाज निकलेगी और वो आवाज कितना टाइम लेगा एच डिस्टेंस ट्रेवल करने में एच बाई वी तो रूट टू एच बाई जी प्लस एच बाई वी ये हमारी आंसर आ जाएगी ये तो बड़ा आसान सा सवाल था आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि वॉटर ड्रॉप एट रेगुलर इंटरवल्स मीटर अब थर्ड ड्रॉप इज लिविंग हाउ फार एब द ग्राउंड इज द सेकंड ड्रॉप एट दैट इंस्टेंट हमसे क्या बोल रहा है कि वाटर ड्रॉप इसी टैप से पानी की बूंदे गिर रही हैं क्या हाइट है इसका जमीन से छह मीटर द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप एट द इंस्टेंट द फर्स्ट ड्रॉप टच इज द ग्राउंड पहला ड्रॉप जब जमीन को टच कर रहा है तो तीसरा ड्रॉप यहां से निकल रहा है ठीक है भाई इस टाइम पे ये जो दूसरा ड्रॉप है वो जमीन से कितना ऊपर है ये डिस्टेंस बता दीजिए आप ये डिस्टेंस बताइए कि जब पहला वाला ड्रॉप सबसे पहले पहला ड्रॉप निकला होगा फिर दूसरा फिर तीसरा तो जब पहला वाला ड्रॉप जमीन को टच कर रहा है तो उस टाइम पे तीसरा ड्रॉप जस्ट निकला है तो दूसरा ड्रॉप कहीं बीच में होगा तो दूसरे ड्रॉप की हाइट जमीन से बतानी है ठीक पहले तो ये बताओ कि पहले ड्रॉप को जमीन तक गिरने में कितना टाइम लगा होगा टाइम टेकन बाय फर्स्ट ड्रॉप टू रीच ग्राउंड सर होगा हाइट है छह मीटर अंडर रूट बारह बाई जी इतना टाइम लगा पहले ड्रॉप को जमीन से गिरने में ठीक अच्छा मान लो मान लो ये अंडर रूट टूएल्व बाई जी है तो ठीक से शायद समझ में नहीं आ रहा होगा मान लीजिए ये दस सेकंड होता मान लीजिए इसको कैलकुलेट करके दस सेकेंड आता

अगर इसको 10 सेकंड लगा है पहले ड्रॉप को जमीन तक पहुंचने में तो हर कितने इंटरवल के बाद ड्रॉप निकल रहा है तो पांच सेकंड बाद निकल रहा है इस क्वेश्चन के हिसाब से ठीक है यहां से मैं लिख सकता हूं टाइम इंटरवल बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स क्या होगा इसका आधा हो जाएगा वन बाई टू टाइम्स अंडर रूट ट्वेल्व बाई जी ठीक अगर आप मुझसे पूछता कि चलो ठीक है इसको पहले ड्रॉप को दस सेकंड लगा जमीन तक गिरने में ठीक है और इस टाइम पे जब ये पहला ड्रॉप जमीन पे कहाँ तो दूसरा ड्रॉप कितना तो टाइम के लिए चला होगा सर दूसरा ड्रॉप तो 5 सेकंड बाद निकला ही होगा और अभी वक्त हो रहा है दस सेकंड यानी कि दूसरा ड्रॉप पांच सेकंड के लिए नीचे गिरा होगा यानी कि जो भी टाइम इंटरवल है बिटवीन सक्सेसिव ड्रॉप्स इतना ही टाइम ये दूसरा ड्रॉप चला होगा तो दूसरा ड्रॉप ने डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया होगा यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस दूसरे ड्रॉप ने ट्रैवल किया होगा यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो रहा होगा जब भी निकला होगा तो हाफ एटी स्क्वायर एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और इतना ही टाइम के लिए ये चला है ठीक तो भैया इसी का स्क्वायर कर दो वन बाई फोर इन टू ट्वेल्व बाई जी ये, ये कटा चार तीन बाई दो, मीटर दूसरा ड्रॉप डेढ़ मीटर चला यहां से और टोटल है छः तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा साढ़े चार मीटर हो जाएगा यही मुझे निकालना था कि ये डिस्टेंस कितना होगा सर ठीक चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखते हैं

तो टाइम एक्स के फंक्शन में रिटार्डेशन चाहिए तो डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी पे पहले आओ और फिर से डिफरेंशियट करके एक्सेलरेशन पे आएंगे तो एक बार करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में डी बाई डी टी ऑफ टी वन हो गया अल्फा स्क्वायर का बेटा टू एक्स हो जाएगा इंटू डी एक्स बाई डी टी वेलाएगा ठीक प्लस बीटा डीएक्स बाई डी टी वेटी हो गया एक बार और डिफ्रेंशियट कर देते हैं वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो है

प्लस टू अल्फा वी स्क्वायर यहां पे मैं लिख सकता हूं एक अगर मैं कॉमन ले लू यहां पे आएगा टू अल्फा एक्स प्लस बीटा और ये इधर आ जाएगा माइनस टू अल्फा वी स्क्वायर एक्सेलरेशन यहां पे आ गया माइनस टू अल्फा वी स्क्वायर बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा ठीक है एक्सेलरेशन चाहिए एन अल्फा वी क्यूब एन अल्फा वी क्यूब तो नहीं दिख रहा है बट ठीक है कोई बात नहीं यहां पे देखो जरा तो कहीं ना कहीं फिट करना पड़ेगा इस इक्वेशन से देखो टू अल्फा एक्स प्लस बीटा तो मैं ऐसा लिख सकता हूं वी अगर कॉमन ले लू तो टू अल्फा एक्स प्लस बीटा आ जाएगा यहां पर तो यहां से वेलोसिटी को मैं लिख सकता हूं वन बाई टू अल्फा एक्स प्लस बीटा ये टू अल्फा एक्स प्लस बीटा को वन बाई वेलास्टी लिख सकते हो तो ये आ गया माइनस टू अल्फा वी क्यूब

ए और बी इन दोनों के बीच में दूरी सौ मीटर है बी पीछे है दोनों पंद्रह मीटर पंद्रह मीटर नहीं पंद्रह किलोमीटर पर आवर की स्पीड से साइकिलिंग कर रहा है सेम डायरेक्शन में ठीक ए मैन इज वॉकिंग एट कांस्टेंट वेलोसिटी फाइव किलोमीटर पर आवर ऑन द सेम रोड इन द सेम डायरेक्शन एज द साइक्लिस्ट ठीक है एट टाइम जीरो ए ओवरटेक्स द मैन एक आदमी है जो चल रहा है ठीक है और किस डायरेक्शन में चल रहा है सेम डायरेक्शन में और टाइम जीरो पे ए इसको ओवरटेक करता है मतलब ये जो आदमी है टाइम जीरो पे यहां पे है ये पांच किलोमीटर पर आवर से चल रहा है ए जो है साइकिल चलाता हुआ आता है और इसको ओवरटेक कर लेता है तो हमसे पूछ रहा है देन बी ओवरटेक्स द मैन एट टाइम इज इक्वल टू वाट सेकंड तो कितने देर के बाद बी इसको ओवरटेक कर लेगा ठीक है तो भाई देखिए इन दोनों बी और इस इंसान के बीच में डिस्टेंस कितना है हंड्रेड अगर बी को ओवरटेक करना है तो ए के रेस्पेक्ट में इसको सौ मीटर एक्स्ट्रा कवर करना होगा ए यानी कि इस पर्सन के रेस्पेक्ट पर्सन के रेस्पेक्ट में बी को सौ मीटर एक्स्ट्रा कवर करना होगा तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट सौ चाहिए ठीक और रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा यहां पे क्योंकि दोनों का एक ही डायरेक्शन तो रिलेटिव वेलोसिटी के लिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो टेन किलोमीटर पर आवर ओके ये है सौ मीटर अब देखो यहां पे चूंकि मीटर है यहाँ पे किलोमीटर पड़ावर है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो पांच बाई अठारह पचास बाई अठारह मीटर पर सेकंड भैया इस बी को इस इंसान को ओवरटेक करने के लिए रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना है सौ मीटर बी की रिलेटिव वेलोसिटी है इस इंसान के रेस्पेक्ट में पचास बाई अठारह मीटर पर सेकंड तो टाइम क्या हो जाएगा एस रिलेटिव बाई वी रिलेटिव रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बाई रिलेटिव वेलोसिटी सौ डिवाइडेड बाई पचास बाई अठारह पचास दुनी सौ अठारह दूनी छत्तीस छत्तीस सेकंड हो जाएगा यही हमारी आंसर आ जाएगी चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई टू ट्रेन विच आर मूविंग अलॉन्ग डिफरेंट ट्रैक्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन टूवर्ड्स इच अदर आर पुट ऑन द सेम ट्रैक ड्यू टू मिस्टेक एस्टेक ड्राइवर्स ऑन नोटिसिंग द मिस्टेक स्टार्ट स्लोइंग डाउन द ट्रेन द ट्रेन आर तीन सौ मीटर अपार्ट से बोल रहा है भाई दो ट्रेन को गलती से एक ही ट्रैक पे डाल दिए हैं ये ट्रेन इधर थी ये ट्रेन इधर थी इनके बीच में डिस्टेंस था तीन सौ मीटर अब डाल तो दिए गलती से लेकिन ड्राइवर लोग को दोनों ट्रेन के ड्राइवर को अचानक से दिखा कि भैया ये तो सेम ही ट्रैक पे जा रहे हैं तो कॉलिजन वगैरह हो जाएगा तो दोनों ने स्लो डाउन करना स्टार्ट किया ठीक ग्राफ्स गिवन बिलो शो देयर वेलोसिटीज एज वेलॉसिटी फंक्शन ऑफ टाइम तो ये पहली ट्रेन का वेलोसिटी

दो सौ मतलब पहला ट्रेन दो सौ मीटर जा करके रुका है यहां पे कहीं मान लीजिए दो सौ मीटर चल चुका है पहला ट्रेन यहां पे जा करके पहला ट्रेन रुका अच्छा दूसरे ट्रेन का भी वीटी ग्राफ है तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट देता है ये डिस्प्लेसमेंट इसका क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बेस है माइनस ट्वेंटी तो हाइट है माइनस ट्वेंटी और बेस है आठ यह आ गया माइनस अस्सी डिस्प्लेसमेंट इसका अस्सी यानी कि निगेटिव यानी कि डायरेक्शन क्योंकि ये इधर जा रहा है निगेटिव एक्स में तो डायरेक्शन 80 मतलब ये 80 मीटर जाने के बाद रुका इन दोनों के बीच में दूरी बची कितनी टोटल 300 था 200 ये चल गया 80 ये चल गया तो 280 तो कवर हो गया बचा 20 मीटर ठीक यही हमें बताना था कि सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन व्हेन बोथ हैव स्टॉप्ड ये आपका आंसर हो गया 20 ठीक अगला सवाल सीऑफ साउंडन बी प्रोड्यूसड पाइप एटमोस्फेरिक प्रेशर पी एंड टूलिटी नहीं फ्रीक्वेंसी है, है. कंफ्यूजन ना हो प्रेशर टू दावर बी डेंसिटी टू द पावर सी और डिवाइडेड बाई लेंथ टू दावर ए दे रखा ए बी सी निकाल करके ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू बतानी है फ्रीक्वेंसी वन बाई टाइम होता है तो टी टू दावर माइनस वन प्रेशर फोर्स बाई एरिया फोर्स होता है बेटा एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाई एरिया एल स्क्वायर तो एल टू दावर माइनस वन हो जाएगा डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम वॉल्यूम एल टू दावर माइनस थ्री मास बाई वॉल्यूम ठीक है तो एम डिवाइडेड बाई एल क्यूब तो एम टू दावर माइनस थ्री और डिवाइडेड बाई एल है लेंथ ल टू द पावर ए, ल टू द पावर माइनस ए बोल दो यहाँ पे, ठीक? ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब सब जगह कोएफि�शिएंट को कंपेयर कर लिया जाए, मास में यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, मास टू तो द पावर बी प्लस सी, लेंथ माइनस बी, माइनस थ्री सी, माइनस बी माइनस थ्री सी माइनस ए, और टाइम का है यहाँ पे, माइनस ट और ये है पावर माइनस वन सबको कंपेयर करते हैं मास को कंपेयर करें तो इधर तो जीरो है इधर है बी प्लस सी लेंथ को कंपेयर करें तो इधर तो जीरो है इधर है माइनस बी माइनस थ्री सी माइनस ए और टाइम को कंपेयर करें इधर तो माइनस वन है और इधर माइनस टू बी है यहां से बी की वैल्यू आ गई वन बाई टू बी अगर वन बाई टू आगे आया हमें यहां पे रखो तो सी आ जाएगा माइनस वन बाई टू और इसमें अगर रख लिया जाए सब कुछ जीरो इज इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस वन बाई टू माइनस थ्री सी तो माइनस माइनस प्लस थ्री बाई टू माइनस ए थ्री बाई टू माइनस वन बाई टू यानी कि टू बाई टू यानी वन तो ए तो की वैल्यू आ गई वन तो हमसे क्या पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी पूछा जा रहा है वन प्लस वन बाई टू माइनस वन बाई टू यानी कि वन आ जाएगा यही हमारा आंसर हो गया ठीक आगे बढ़ते हैं भैया इफ एक्स डिनोट्स द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल ये एक अच्छा सवाल था यार इफ x डिनोट्स द position ऑफ a पार्टिकल देन इंटीग्रेशन ऑफ dx by under अंडर रूट minus x square ये a ये the power n sine inverse इनवर्स by a minus one ठीक है अब देखो इसको तुम कई तरीके से बना सकते हो अगर तुम्हें इंटीग्रेशन वगैरह आता है मैथ्स वगैरह तुम्हारा ठीक है ऐसे अगर आप लोग अभी इलेवेंथ में है तो इतना इंटीग्रेशन तो अभी नहीं आता होगा बट ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं अगर ट्वेल्थ में होते और ये सवाल आता तो आप इसको इंटीग्रेट करके निकाल लेते इसकी वैल्यू और कंपेयर करके एन की वैल्यू हमसे पूछी जाती ठीक लेकिन अभी चूंकि आप लोग इलेवेंथ में हैं तो इंटीग्रेशन तो आता नहीं होगा तो आप इसको डायमेंशन के थ्रू बना सकते हैं कैसे देखिए है। इस पूरे टर्म को जब हम इंटीग्रेट करेंगे ठीक तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमें कुछ नंबर मिलेगा ठीक है और यहां पे देखिए साइन इन ए माइनस वन है क्या है है पोजीशन मतलब डिस्टेंस इसका डायमेंशन क्या होगा 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 भाई का डायमेंशन क्या साइन इनवर्स के अंदर जो भी है ये तो एक नंबर होना चाहिए ना साइन इनवर्स के अंदर जो भी है सर ये तो एक नंबर होना चाहिए तो ये नंबर तो तभी होगा जब ए का डायमेंशन एक्स के डायमेंशन के बराबर होगा ठीक भाई ए का जो डायमेंशन है वो एक्स के डायमेंशन के बराबर होना चाहिए एक्स का डायमेंशन क्या है एल है एल होगा जाएगा एम जीरो एल वन पी जीरो ए का डायमेंशन है एल ओके okay. मतलब डायमेंशन लेस नहीं है अब देखो ये इंटीग्रेट जब हम करेंगे तो कुछ नंबर मिलेगा हमें राइट जब लिमिट वगैरह लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें कुछ नंबर मिलेगा ठीक है अब देखो यानी के ये साइन इनवर्स वाला टर्म तो एक नंबर है लेकिन ये एक डायमेंशन है ए टू दावर एन और ए का डायमेंशन है एल हमें चाहिए एक नंबर एन की वैल्यू क्या होनी चाहिए जीरो होनी चाहिए तभी जाकर के ये कैंसल आउट हो जाएगा ए कुछ भी हो इसका पावर अगर जीरो हुआ तो ये वन हो जाएगा ठीक तो ये खत्म हो गया डायमेंशन खत्म हो गया और ये साइन इनवर्स एक नंबर मिल गया तो यहां से एन की वैल्यू क्या आ जाएगी जीरो आ जाएगी ठीक चलिए

हमसे बोल रहा है कि भाई एक जूल नए सिस्टम में टेन टू दावर एक्स के बराबर है और एक्स की वैल्यू बताइए हमें नहीं पता कितने के बराबर होगा हम मान लेते हैं कि वाई के बराबर होगा ठीक है वन जूल नए सिस्टम में वाई के बराबर है ठीक है इसी वाई का वैल्यू निकाल लेंगे और ये वाई यहाँ पे बोल रहा है टेन टू दावर एक्स वाई की वैल्यू अगर मिल जाए तो इसको टेन टू दावर एक्स बोल रहा है तो एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे यहां से एक जूल इस नए सिस्टम में वाई के बराबर है ठीक जूल है मतलब इनर्जी है डायमेंशन क्या होगा एम एल टू टी माइनस टू भाई जूल को जिससे भी कंपेयर कर रहे हैं वो भी एनर्जी ही होगा भले वो नए सिस्टम में लेकिन है तो एनर्जी तो उसका डायमेंशन भी सर एम एल टू टी माइनस टू सेम इस तरह का प्रॉब्लम हम लोगों ने अभी पहले भी थोड़ा सा बनाया था आ गया तो ऐसा ही बना था ना अभी पूरा ऊपर आ गया भाई एक और ऐसे ही हम लोगों ने प्रॉब्लम बनाया था चलो ठीक है दिखा दिखा नहीं दिखा नहीं दिखा कोई दिक्कत की बात चलिए अब ये चुके ऐसा SI यूनिट है जूल है तो भाई मास का यूनिट है केजी लेंथ का है मीटर तो मीटर स्क्वायर और डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर यानी कि सेकंड स्क्वायर इस नए सिस्टम में मास का यूनिट क्या है मास इज मेड टेन टाइम्स मास का यूनिट होता है एक के तो अब इसमें यूनिट है टेन के

और लिफ्ट ऊपर जा रहा तो से कितने के बाद बॉल वापस से के है इंसान तो के हाथ में पहुंचेगा अब इस सवाल को अगर हम विध रेस्पेक्ट टू लिफ्ट सोल्व कर दें तो ज्यादा आसान होगा सोल्व वैसे ग्राउंड के रेस्पेक्ट में भी किया जा सकता है लेकिन विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ज्यादा आसान पड़ेगा क्योंकि इनिशियल स्पीड जो है इसकी

लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल की एक्सेलरेशन आ गई माइनस ट्वेल्व यानी कि नीचे की तरफ और चूंकि ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है भैया यूनिफॉर्मली एक्सेलेरेटेड मोशन है तो वी इज इक्वल टू यू प्लस ए वगैरह लगा सकते हैं ठीक क्या क्या पता है डिस्प्लेसमेंट पता है बॉल का विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट इनिशियल वेलोसिटी बॉल का विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट पता है ज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा देते हैं सब कुछ लिफ्ट के रेस्पेक्ट में भाई लिफ्ट के रेस्पेक्ट में बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ तो लिफ्ट में इंसान था इंसान ने अपने हाथ से छोड़ा थोड़ा देर के बाद देखा वापस से उसके हाथ में ही है इंसान क्या बोलेगा कि भैया डिस्प्लेसमेंट जीरो जहां से हमने छोड़ा था जहां से हमने छोड़ा था वहीं पे वापस से आके गिर गया हाथ से छोड़ा था वापस से हाथ पे आके गिर गया तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन एक ही है जो हाथ की पोजीशन है ठीक तो भैया जीरो है तो ये वाला टर्म तो सर अपना जीरो हो गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रेस्पेक्ट टू द लिफ्ट दे रखा है 24। एक्सेलरेशन आ चुका है माइनस बारह माइनस बारह और इनटू टी स्क्वायर तो माइनस सिक्स टी स्क्वायर सिक्स टी स्क्वायर चौबीस टी के बराबर है तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी ये चार 24, चार सेकंड आ जाएगी यही हमारी आंसर आ जाएगी चलिए आगे बढ़ते अगला सवाल देखते द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल विदेक्ट टू टाइम अलॉन्सूबीशन एज एन ऑफ टाइम माइनस टी क्यूब एक्स मीटर में विलीशन ऑफ दिस पार्टिकल वेन इट अचीव मैक्सिमम स्पीड अलोंग द एक्स डायरेक्शन जब स्पीड मैक्सिमम है तब पोजिशन क्या होगा पहले तो ये जानो कि भैया स्पीड मैक्सिमम होगा कहाँ पे अगर स्पीड मैक्सिमम चाहिए मैक्सिमम मिनिमा के लिए क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं स्पीड वहां पे मैक्सिमम होगा जहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी जीरो हो यानी कि एक्सलोरेशन जीरो हो स्पीड वहां पे मैक्सिमम होगा जहां का डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन या स्पीड का डिफरेंशिएट तो तो करो डी एक्स बाईल अठारह टी माइनस थ्री टी स्क् एक बार फिर से डिफरेंशिएट कर देते हैं डीवी तो बाई डी टी एक्सलोरेशन हो गया एन माइनस टी एक्सेलरेशन जीरो होना है होगा टाइम इज इक्वल टू सेकंड पे होगा टाइम इज इक्वल टू थ्री सेकंड पे एक्सलोरेशन जीरो है यानी कि टाइम इज इक्वल टू सेकंड पे स्पीड मैक्सिमम है ठीक तो टाइम इज इक्वल टू स्पीडम सेकंड पे स्पीड मैक्सिमम है और हमसे बोल रहा है कि जब स्पीड मैक्सिमम है तब पार्टिकल का पोजिशन कितना है पार्टिकल का पोजीशन तो पता है टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है और किस टाइम पे मैक्सिमम है तीन सेकंड पे तो टाइम की वैल्यू रख दीजिए तीन सेकंड तो तीन तिहाई नौ हो गया और तीन तिहाई नौ सत्ताईस हो गया क्या इक्यासी माइनस सत्ताईस कितना हो गया आ, तीन और पांच आठ होता है तो फिफ्टी फोर ये हमारी आंसर हो गई सर ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं भैया अगला सवाल देखते हैं वर्नियर कैलिपर नाइन डिविजन ऑफ इट्स मेन स्केल match with 10 division on its vernier scale each division of the main scale is of 20 units least count of apparatus is x unit value of x bataiye matlab मतलब least count humse pooch raha hai to least count kya hota hai bhai sahab formula 1 main scale division minus 1 vernier scale division theek hai ab yahan pe bol raha hai ki nine division of its main scale yani ki nine main scale division 10 vernier scale division ke barabar hai theek

एटी ग्राफ है तो एटी ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देता है चेंज इन वेलोसिटी एरिया अंडर एटी ग्राफ क्या देता है भाई साहब चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी और एरिया है कितना ये का एरिया कितना है आधा इनटू बेस इनटू हाइट टू इंटू फोर यानी कि चार

यही इतने सारे सवाल थे हमारे पास और अगर देखा जाए तो इसका जो लेवल था दो चार क्वेश्चन थे जो थोड़े से कैलकुलेटिव टाइप के थे और बाकी इसका जो आजकल जेई मेंस का लेवल आ रहा है उसी लेवल के आसपास था इनफैक्ट वही लेवल था क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भारी नहीं थे थोड़े थोड़े कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स थे और दो चार सवाल थे जिसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन वगैरह करना था ठीक तो चलिए अलविदा लेते हैं फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी सेशन में तब तक के लिए बाय हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों आप सभी को एसएम नमस्कार आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो रियल टेस्ट आपने दिया है ऑन थर्टीन ऑफ अक्टूबर उसका पेपर अपन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री पार्ट का अगर मैं बताऊं तो याद रखना ये पेपर सेट ए के पैटर्न में है मतलब इसमें जो सीक्वेंसेस होंगे वो सेट ए वाले पैटर्न के होंगे तो उसको एक एक करके हम केमिस्ट्री के सारे सवाल डिस्कस करेंगे आप भी चेक करते चलिएगा और हो सकता है कुछ नई टेक्निक आपको मिले सवाल सॉल्व करने की जो कि हो नहीं सकता मिलेगी ही मिलेगी आगे अगर मैं बात करूं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही रिलीजियसली दिया होगा और आप सब अच्छा स्कोर कर रहे होंगे अगर अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है इस पेपर का अगर मैं लेवल देखूँ तो इट वॉज़ मॉडरेटली टफ है ना मॉडरेट और टफ़र साइड में पेपर था अच्छे सवाल थे कई बारी मतलब जब आप ग्यारहवीं के स्टूडेंट होते हो तो कई बार ऐसे सवाल आपको थोड़े विचलित कर सकते हैं बट याद रखिएगा जैसे जितना ज़्यादा ऐसे सवालों में आप रियल एक सिमुलेशन या रियल सिनेरियो में आप पेपर देना स्टार्ट करेंगे वैसे वैसे आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होता चलेगा तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहला सवाल आपका कंप्यूटर स्क्रीन पे आपके ये रहा सवाल क्या कह रहा है आइए इसको पढ़ते हैं याद रखिएगा जनरली मेन्स और एडवांस में कई सारे सवाल ऐसे होते हैं जो बच्चे क्वेश्चन सही से नहीं पढ़ पाने के कारण गलत करते हैं तो आइए एक एक करके आराम आराम से सवाल पढ़ेंगे और फिर सॉल्व करेंगे ये कह रहा है कि इफ लेमडा नॉट इज थ्रेशोल्ड वेबलेंथ फॉर फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन लेमडा नॉट जो है वो थ्रेशोल्ड वेबलेंथ है बहुत अच्छी बात है एक डेटा में मिल गया मेटल सर्फेस एंड लेमडा इज इंसिडेंट या लेमडा इज द वेब ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल तो ये मेटल है इसके लिए जो लैमडा नॉट है ये मेटल का सरफेस अपन मान लेते हैं इस मेटल के सरफेस के लिए लैमडा नॉट जो है वो आपका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है हम नॉट से ही रिप्रेजेंट करते हैं और इस पर जो लाइट गिर रही है इंसिडेंट रेडिएशन वो है लेमडा वेवलेंथ की ठीक है आगे पूछा है एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड है ना देन द मैक्सिमम स्पीड ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाई हमें इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम इजेक्टेड स्पीड निकालना है हमें पता है सर ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है आइंस्टीन इक्वेशन हमें लिखनी होगी आइंस्टीन का एक्सप्लेनेशन जिसके वजह से उसको नोबेल प्राइज मिला था दैट इज हम क्या लिख सकते हैं सर कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन है ना विल बी इक्वल टू फाइन नॉट जो कि होता है थ्रेसोल्ड एनर्जी कई लोग इसको अलग अलग तरीके से लिखते हैं ई नॉट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है फाइन नॉट में भी रिप्रेजेंट किया जाता है और माइनस अपन करेंगे ई आई मतलब इंसिडेंट एनर्जी को माइनस करेंगे अगर हम इसकी बात करें काइनेटिक एनर्जी किसी भी पार्टिकल का निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे सर आप बोलेंगे इसका फॉर्मूला होता है हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर मैक्सिमम वेलोसिटी का स्क्वायर और नॉट इज एनर्जी किससे एसोसिएटेड है सर ये थ्रेशोल्ड एनर्जी से एसोसिएटेड है तो यहां पे एनर्जी अपन लिख सकते हैं प्लान क्वांटम थ्योरी को यूज करके एच सी अपॉन लैमडा ई बराबर एच न्यू होता है न्यू को अपने सी अपॉन लैमडा से रिप्लेस कर दिया यहां पे जो लैमडा आएगा वो लैमडा नॉट आ जाएगा माइनस करेंगे इसको किससे एच सी अपॉन इंसिडेंट रेडिएशन का लैमडा जो कि सिर्फ लैमडा से रिप्रेजेंट किया जा रहा है वेवलेंथ हो गया अब अपोलो के सर अगर हमें वेलोसिटी मैक्सिमम का स्क्वायर निकालना है तो वी स्क्वायर मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपने बोला ये हो जाएगा सर एच सी हमने कॉमन ले लिया एच सी कॉमन लेने के बाद अगर इसको सॉल्व कर ले तो लैमडा इधर जाएगा तो ये आया लैमडा माइनस लैमडा नॉट डिवाइडेड बाई लैमडा इन टू लैमडा नॉट ठीक है यस सर हमें वी मैक्सिमम का स्क्वायर नहीं निकालना था अच्छा ठीक है यहाँ पे अगर आप देखोगे वी मैक्सिमम का स्क्वायर तो एम जो है वो यहाँ डिनोमिनेटर में जाएगा और टू यहाँ से उधर भेजेंगे तो न्यूमरेटर में जाएगा ठीक है अब यहां करने के बाद कोई जरूरी नहीं है कि आपको पूरा आगे सॉल्व करना ही है ऑप्शन आइए देखते हैं ऑप्शन आपने देखा कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो इसका रूट अंडर लेना पड़ेगा तो टू एच सी अपॉन एम टू एच सी अपॉन एम ये वाला ऑप्शन गलत है यही वाला हमारा सही ऑप्शन हो गया थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छा इस पर मैंने आपको एक मजेदार सी ट्रिक बताता हूं देखिए ये तो बात आप सीख गए अगर आप बोलोगे कि सर मान लो मेरे को ये फॉर्मूला नहीं आता क्या मैं तो भी इस सवाल को कर सकता था तो ऐसा कोई भी सवाल जिसमें सिर्फ वेरिएबल दिया हो और थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन ऐसा हो तो उसको आप सॉल्व कर सकते थे सिर्फ और सिर्फ यूनिट या डायमेंशन एनालिसिस से किससे सॉल्व कर सकते थे सर डायमेंशन एनालिसिस से आप कर सकते थे डायमेंशनल एनालिसिस से आप इसको सॉल्व कर सकते थे कैसे देखते हैं सर मुझे पता है एच की जो यूनिट होती है एच की जो यूनिट होती है ये होती है सर आपके जूल पर सेकेंड हाँ या ना यस सर सर अगर मैं बात करूं सी की यूनिट क्या होती है आप बोलेंगे ये होता है सर मीटर पर सेकंड ओके सर फिर अगर हम बात करें सर एम मास की यूनिट क्या होती है आप बोलेंगे सर मास की यूनिट के होती है बहुत ही अच्छी बात है फिर अगर हम बात करें सर लैमडा की यूनिट क्या होती है आप बोलेंगे लैमडा की यूनिट होती है मीटर सब ऐसा यूनिट में लिखा है हाँ या ना यस सर अब अगर हम इसको देखें एच को तो आप बोलेंगे सर एच की वैल्यू जो आएगी ये जूल को अपन क्या लिख सकते हैं के मीटर पर सेकेंड है ना के जी मीटर पर सेकेंड तो आप बोलेंगे सर के जी मीटर पर सेकेंड अपॉन पर सेकेंड मतलब ये के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया और यहाँ से हम इसको क्या कर सकते हैं सर यहाँ से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी तो इस तरीके से अपन डायमेंशनल एनालिसिस करके भी इसको तो मैं मिटा देता हूँ ये तो आप अपने से कर लेंगे डायमेंशनल एनालिसिस से भी अपन ये सॉल्व कर सकते थे कि सर देखो इसमें लैम्डा ऊपर है इसमें लैम्डा ऊपर नीचे है मतलब यहाँ पे तो लैम्डा का टर्म आया ही नहीं ना इस पूरे यूनिट में ऊपर या यहाँ पे वन अपॉन लैमडा आ रहा है आप बोलेंगे सर ऊपर एक ही लैमडा है और नीचे लैमडा इंटू लैमडा मतलब मीटर इंटू मीटर ये वन बाई लैमडा इसमें आएगा डायमेंशन में यहाँ पे डायमेंशन में सिर्फ लैमडा आएगा तो इस तरीके से आप आराम से एक इतमान से सॉल्व कर सकते थे सर एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा गिव इट अ ट्राई और फिर बताइएगा कितनी जल्दी आपका ये सवाल हुआ अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल भी आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर अगेन फ्रॉम एटोमिक स्ट्रक्चर देखते हैं

वट इज द कॉरेस्पोंडिंग फोटोन एनर्जी ऑफ द रेडिएशन हमें एनर्जी ऑफ द रेडिएशन निकालनी है बहुत सिंपल सा सवाल है कोई रॉकेट साइंस नहीं है आप देख सकते हो ऐसे कि मैंने बोला कि सर देखो एक मीटर जो डिस्टेंस है एक मीटर इसमें टोटल कितने वेव हैं तो आप बोलेंगे इसको अगर हम देखें तो इसमें टोटल वन सिक्स फाइव जीरो सेवन सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री वेव इतने वेव है इसमें तो आप सीधा सीधा बोल सकते हैं अच्छा इसका मतलब लैमडा की वैल्यू जो है वो एक वेव लेंथ एक वेव की लेंथ को अपन लैमडा बोलते हैं ना तो एक वेव की लेंथ जो लैमडा होगा वो किसके बराबर हो जाएगा सर आप बोल सकते हैं वन अपॉन वन सिक्स फाइव जीरो सेवन सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री ये हो गई पूरी बात ठीक है यस yes, सर अब इससे अगर लैमडा दे रखा है इसकी यूनिट क्या आ जाएगी सर तो ये क्योंकि मीटर यहां था तो ये मीटर ही आ जाएगी यूनिट फिर आप क्या बोलेंगे आप बोलेंगे सर देखो एनर्जी जो होती है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के हिसाब से हम लिख सकते हैं एक फोटोन के लिए एच सी अपॉन लैमडा सॉल्व करते हैं इसको एच की वैल्यू अपन क्या रखेंगे सर इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर सी की वैल्यू अपन रखेंगे थ्री इंटू टेन की पावर एट है ना थ्री इंटू टेन की पावर एट मीटर पर सेकेंड होता है और फिर अपन आ जाते हैं सर इस पर आपके लैमडा पे तो लैमडा की वैल्यू वन अपॉन इतना है तो वन अपॉन में लिखने का मतलब अपन क्या करेंगे सर इसको बेसिकली ऐसा लिख देते हैं चलो इस बार वन अपॉन है ना ये लैमडा की ओ सॉरी ये लैमडा की वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं वन अपॉन वन सिक्स फाइव जीरो सेवन सिक्स थ्री पॉइंट सेवन थ्री, थ्री, थ्री इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ये ऊपर ये की तरफ चला जाएगा तो मैंने लिखा सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन की पावर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से मल्टीप्लाई करके तो आप बोलोगे सर प्लस एट अगर इसमें ऐड होगा तो ये कितना हो जाएगा आप कहेंगे सर ये हो जाएगा माइनस थर्टी फोर्स की जगह माइनस ट्वेंटी सिक्स आठ इसमें से कम कर देंगे तो ये माइनस ट्वेंटी सिक्स हो गया और इसको ऊपर चला जाएगा ये मल्टीप्लिकेशन में इसको मैं लिख सकता हूं वन पॉइंट सिक्स फाइव इन टू टेन की पावर पॉइंट शिफ्ट करेंगे कितना प्लस एक दो तीन चार पांच छह टेन की पावर सिक्स और एक थ्री रह गया है मल्टीप्लाई करने के लिए इसको फर्दर अगर अपन मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ रहा है सर देख लेते हैं देखो 6.626 पॉइंट सिक्स टू सिक्स वन पॉइंट और इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10 की पावर माइनस ट्वेंटी आ जाएगा इसको देखने के बाद आप आंसर प्रिडिक्ट कर सकते हैं 10 की पावर पे आइए देखते हैं 10 की पावर माइनस नाइनटीन की पावर माइनस थर्टी की पावर माइनस और फिर ये वाला ऑप्शन आप बड़े आराम से चाहे तो इसको देख करके यहां से आप इसका ऑप्शन मार्क कर सकते हैं कि सर ठीक है ये वैल्यू जो आई है ये 10 की पार माइनस ट्वेंटी के आसपास आई है तो आंसर 10 की पार माइनस नाइनटीन हो जाएगा यही हमारा सही आंसर हो जाएगा कैसे होगा एक बार ये भी देख लेते हैं आप बोलोगे सर 6.6 को अगर मैं थ्री से मल्टीप्लाई करूँ है ना सिक्स को अगर हम थ्री से मल्टीप्लाई करें तो ये नाइनटी पॉइंट आ जाएगा उसको अगर हम वन या वन से मल्टीप्लाई कर लेते हैं बीस को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो तीस आ जाएगा तीस का जीरो चला गया उसको 19 बनाने में तो आप बोलोगे सर थ्री पॉइंट इन टू टेन की पार माइनस नाइनटीन इसका आंसर हो गया अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल भी फिर से किससे है सर दिस इज ऑल्सो फ्रॉम टॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं सवाल क्या कह रहा है द क्वेश्चन द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड हाइड्रोजन न्यूक्लियस इतना मीटर पर सेकेंड द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस इज न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना होगा तो हमें दो फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहला हमें पता है वेलोसिटी ऑफ ये किसके बराबर होता है सर तो आप बोलेंगे ये बराबर होता है टू पॉइंट वन एट इन टेन की पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड है ना लेकिन ये फर्स्ट ऑर्बिट का है तो अगर हमें किसी एन ऑर्बिट के लिए निकालना है तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं सर आप बोलोगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन एन और ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड और दूसरा फॉर्मूला जो हमें रेडियस निकालने के लिए यूज करना है वो हो जाएगा रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट इज इक्वल टू जीरो तो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू है ना एन स्क्वायर अपॉन सेन स्क्वायर अपॉन जेड आर्म ठीक है ये आ जाएगा आपका दूसरा फॉर्मूला अब बेसिकली अगर आप देखें इस सवाल को तो आप ये कहेंगे सर क्योंकि ये हाइड्रोजन दे रखा है तो Z की वैल्यू जो है Z की वैल्यू जो है वो तो वन हो गई सर तो Z की वैल्यू यहाँ पे भी वन हो गई और Z की वैल्यू यहां पे भी वन हो गई है ना बेसिकली हमें अब निकालना क्या है हमें एन की वैल्यू निकालना है सर जब तक हमें एन नहीं पता है वी के नॉट फाइंड द रेडियस आपने बोला ठीक है आइए एन की वैल्यू निकालते हैं तो हमने बोला बिलोसिटी जो दे रखा है एन की वैल्यू पता नहीं है पर वेलोसिटी की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम लिख सकते हैं जीरो पॉइंट फाइव फोर सेवन विल बी इक्वल टू टू पॉइंट वन एट अच्छा जीरो पॉइंट फाइव फोर सेवन इंटू टेन की पावर सिक्स इज इक्वल टू टू पॉइंट वन एट इंटू टेन की पावर सिक्स इंटू वन अपॉन एन ठीक है यस yes, सर यहां से साफ साफ एन की वैल्यू आ जाएगी इसको ऊपर भेजेंगे इसको नीचे पहले इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर टू पॉइंट वन एट डिवाइडेड बाई जीरो अब आप देख रहे हो पॉइंट फाइव में क्या मल्टीप्लाई करें कि टू पॉइंट वन आ जाए या टू आ जाए तो आप बोलोगे सर लगभग लगभग अगर इसमें हम फोर मल्टीप्लाई करते तो काम हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली आंसर आएगा कोई बड़ी जरूरी पूरा आंसर नहीं आता है क्योंकि हम पूरी वैल्यूज नहीं लिखते हैं तो ये वैल्यू एन की वैल्यू क्या आ गई चार एन की वैल्यू जैसे ही चार आई हम इस इक्वेशन पे आ जाएंगे और हम क्या करेंगे सर आर एन का फॉर्मूला लगाएंगे आर एन किसके बराबर हो गया आप बोलोगे सर 0.529 अच्छा आर एन मतलब ये फोर्थ ऑर्बिट है एक्चुअली में फोर्थ ऑर्बिट का रेडियस चाहिए तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया फोर के स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन से एम स्ट्रॉग हो जाएगा है ना तो हम बोलेंगे आंसर आ जाएगा जीरो पॉइंट फाइव टू नाइन इन टू सिक्सटीन ठीक है यस सर अब मैं फिर कह रहा हूं सर फाइव पॉइंट फाइव का मतलब है हाफ हाफ को अगर 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8. पॉइंट समथिंग आना चाहिए आइए देखते हैं 8 पॉइंट समथिंग में कोई ऑप्शन है यस सर सी ऑप्शन तो ये हमारा सही आंसर हो गया अगले सवाल पे चलते हैं सर अगले सवाल की बात कर लेते हैं ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है द वे ऑफ फर्स्ट लाइमन लाइन ऑफ हाइड्रोजन लिथियम प्लस टू मतलब सारे आयन है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाले आर लेमडा वन लेमडा टू लेमडा थ्री हमें क्या पूछा रेशियो ऑफ दिस वेबलेन्स लेमडा वन अपॉन लेमडा टू अपॉन लेमडा थ्री लेमडा वन इज टू टू इज टू थ्री का रेशियो निकालना ठीक है।, है सबसे पहले इसमें अपन को डिकोड ये करना है कि यार लाइमन सीरीज में क्या होता है तो मैंने बोला कि यार देखो लाइमन सीरीज की अपन अगर बात करें ना लाइमन सीरीज में तो लाइन कहीं किसी एनएथ ऑर्बिट से आके गिरती किस पे सर तो एन वन की वैल्यू हमेशा वन होती है मतलब लाइन कहीं से भी आएगी टू से आ जाए थ्री से आ जाए फोर से आ जाए बट ये अगर एन बराबर वन पे गिर रही है है ना तो इसको अपन लाइमन सीरीज काउंट करते हैं यस सर लाइमन सीरीज में हमें

फर्स्ट लाइमन लाइन का मतलब हमें साफ साफ पता चल गया सर एन वन की वैल्यू क्या है एन वन की वैल्यू वन है एंड एन टू की वैल्यू क्या है एन टू की वैल्यू है टू इसका मतलब इलेक्ट्रॉन टू से वन पे आके गिर रहा है ठीक है यस yes, सर अब हम क्या बोलेंगे अब हम इन सब के लिए फार्मूला लगाते हैं तो यहाँ पर यूज रिडबर्ग फॉर्मूला और रिडबर्ग फार्मूला कहता है वन अपॉन लैम्डा जो है ये किसके बराबर होगा आप बोलेंगे वन अपॉन लैम्डा की वैल्यू जो होती है वो होती है आर दैट इज रिडबर्ग कॉन्स्टेंट एन टू जेड है ना आर दैट इज रिडबर्क कॉन्स्टेंट इन टू जेड का स्क्वायर और मल्टीप्लाई अपन करेंगे वन अपॉन एन वन स्क्वायर माइनस वन अपॉन एन टू स्क्वायर से आपने बोला ठीक है सर इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं तो मैंने बोला यहां पर हमें सर एन वन एन टू की वैल्यू सबके लिए सेम है तो मैंने बोला वन अपॉन लैमडा जो है वो किसके लिए किसके बराबर हो जाएगा आर इन टू जेड स्क्वायर यस सर एन वन की वैल्यू हमने रखी वन एन टू की वैल्यू हमने रखी टू का स्क्वायर दैट इज फोर सीधा लिख दूँ क्या फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे तो मैं लिख सकता हूं वन अपॉन लैमडा किसके बराबर हो जाएगा आर इन टू जेड स्क्वायर फोर ऊपर इधर इधर सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ गया सर ये आ गया थ्री बाई फोर ठीक है फोर माइनस वन अपॉन फोर दैट इज थ्री बाई फोर यहाँ से मैं लैमडा की वैल्यू निकाल लेता हूं और आई कैन से लैमडा जो है वो किसके बराबर हो जाएगा तो आप बोलेंगे फोर अपॉन थ्री आर इन टू जेड अब ये मैंने लैमडा निकाला है लैमडा का जनरलाइज फॉर्मूला निकाला है मैंने बोला देखो भैया फॉर हाइड्रोजन एटम है ना अब एक एक करके फॉर हाइड्रोजन एटम Z बराबर वन तो लैमडा वन की वैल्यू कितनी हो गई सर आपने बोला लैमडा वन की वैल्यू Z की वैल्यू वन रखेंगे ये वैल्यू आ गई फोर अपॉन थ्री आर ठीक है यस सर आगे फॉर हीलियम पॉजिटिव आयन हीलियम पॉजिटिव आयन के लिए Z की वैल्यू किसके बराबर हो गई टू के बराबर मैंने बोला लैमडा टू की वैल्यू जो है ये हो जाएगी फोर बाई थ्री आर इन टू का स्क्वायर दैट फोर इंटू फोर यहां पर रहने देते अभी काट पिट नहीं करना है याद रखिएगा रखिये काटपीट का काट जनरली होता नहीं है तो रोकें कभी भी आपको ऐसे सवाल हो जिसमें बोर एटॉमिक मॉडल या ऐसे हो हमेशा शुरू में काटना पीटना नहीं है रुकना है थोड़ी देर है ना ये फोर से फोर कटता हुआ बहुत आसान दिखता है बट बाद में प्रॉब्लम कर सकता है फिर अपन बात करें फॉर एल आई टू प्लस आई जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी आप बोलोगे सर जेड की वैल्यू थ्री है तो लैमडा थ्री जो है वो आ जाएगा अपॉन थ्री आर इन टू नाइन ये आ गई पूरी वैल्यू ठीक है हाँ ना आप बोलेंगे हाँ सर और ये नाइन जो है वो एक्चुअली में ऊपर मल्टीप्लाइड नहीं है हो सकता आपको ऐसा लग रहा हो ये ऐसा कर देता हूं सॉरी हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो तो इसको ऐसे कर देता हूं ये इधर है और ये इधर नीचे की तरफ मल्टीप्लाइड है ना नीचे जेड स्क्वायर था अब हमें लैमडा वन इज टू लैमडा टू इज टू लैमडा थ्री निकालना है देखो क्या निकालना है सर हमें निकालना है यहां से लैमडा वन इज टू टू इस टू लैमडा थ्री मैंने बोला भाई एक बात पता ये वाला टर्म अपन को सारे में कॉमन नहीं मिल रहा है क्या फोर बाई थ्री आर फोर बाई थ्री आर फोर बाई थ्री आर आपने बोला हाँ सर तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बचेगी हमारे पास फाइनल वैल्यू जो बचेगी वो क्या बचेगी सर इसके लिए आइए देखते हैं इसके लिए बचेगी वन तो इसको मैं वन बाई वन लिख सकता हूँ इस टू इसको मैं वन बाई फोर लिख सकता हूँ इसको मैं वन बाई नाइन लिख सकता हूं अब मुझे पता है सर नीचे मेरे को कोई नंबर चाहिए नहीं बाई में तो कुछ है नहीं तो मैं क्या करूँगा सर इन दोनों का एल्शियम लूंगा फोर और नाइन का उससे पूरा मल्टीप्लाई कर दूंगा फोर और नाइन का एल्शियम इस थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई थर्टी सिक्स इस टू नाइन एस टू फोर और ये हमारा थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स एस टू नाइन एस टू फोर ये हमारा सही आंसर हो गया मुझे लगता है ये सारे सवाल के आंसर सी तो नहीं दे रखे ओ भाई हाँ पहले वाले का सी था मतलब थर्ड ऑप्शन था चलो दूसरे वाले का अच्छा दूसरे वाले का पहला ऑप्शन आया था तीसरे वाले का थर्ड चौथे वाले का थर्ड ओ तो भाई कभी अगर ऐसा हो मैं आपको एक बहुत ही क्लासिकल केस बताता हूं कभी मैंने बहुत सारे स्टूडेंट पे ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट देखा है कई बार टेस्ट में जानबूझ के ऐसा किया जाता है मैं तो नॉर्मली ऐसा एक आध टेस्ट देता ही जिसमें शुरू के दस सवाल के आंसर सेम सेम मतलब सबका आंसर ऑप्शन सेम होगा वन है तो सबका वन टू है तो सबका टू थ्री है तो सबका थ्री फोर है तो सबका फोर सर ऐसा क्यों करते हो ऐसा इसलिए करते हैं कि जब जैसे मान लो ये ऑप्शन भी मैंने थ्री मार्क कर दिया मुझे तो पता है मैंने स्टेप्स फॉलो किए लेकिन अगर कोई ऐसा थोड़ा सा भी डाउटफुल बंदा होगा ना तो वो अपने आप पे डाउट करने लगेगा कि अबे यार सबका सी ही आ रहा है कहीं अगले सवाल का भी सी आ गया तब क्या करेंगे आइए देखते हैं अगला सवाल भी चेक कर लेते भाई क्या पता सी आ जाए आइए ओहो अगला सवाल जो है वो स्टेटमेंट बेस्ड सवाल है जेई को आजकल खूब पसंद आ रहा है, है ना जेई का भी हॉट फेवरेट है ये इस टाइप के सवाल आइए देखते हैं भाई साहब ने कहा कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है विच स्टैब्लिश्ड द न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एन एटम यूज अ बीम ऑफ किसका बीम अपन ने यूज किया था तो हम सबको पता है सर अल्फा पार्टिकल अपन ने यूज किया था इसका आंसर हमें तो पता ही है क्या यूज किया था अपन अल्फा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल किससे बनता है सर तो आप बोलोगे सर अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम का प्लस टू आयन होता है ना डबली पॉजिटिव हीलियम आयन तो ये देखते हैं बीटा पार्टिकल सरासर गलत है गामा रेज सरासर गलत है हीलियम न्यूक्लिया इसको हीलियम का न्यूक्लियस भी बोलते हैं क्योंकि दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं हीलियम बाई के पास दोनों उड़ा दिया तो न्यूक्लियस ही बचा है ना विच इम्पेस्ड ऑन मेटल फॉइल एंड गॉड स्कैटो सीधा, सीधा सीधा आंसर है भाई ओहो <laughs> इसका आंसर सी वाह यहां तक तो, तो तुम्हें सेल्फ डाउट होना चालू हो गया होगा और अगर आगे के दो सवाल और ऐसे हुए फिर तो मजा ही आ जाएगा चलो देखते हैं आगे के एक दो सवाल और क्या आंसर है आइए देखते हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोहर ऑर्बिट है ना ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ए नॉट इज बोहर रेडियस अब हमसे काइनेटिक एनर्जी क्या की वैल्यू पूछिए किसकी पूछिए सर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू ठीक है हुँ. अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी सर तो आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू होती है हाफ एम वी स्क्वायर हाफ एम वी स्क्वायर में वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे हमें सब कुछ मिल जाएगा लेकिन सर वैल्यू ऐसी वैल्यू कहाँ से लाएंगे तो आइए उसके लिए थोड़ी जद्दोजहद करते हैं मैंने आपको बोला सबसे पहले हम क्या करेंगे एक एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि है एम वी आर इज इक्वल्स टू एन एच अपॉन टू पाई ये बेसिकली एक सेम ऐसा ही सवाल मिलता जुलता सवाल पूछा गया था जे एडवांस के अंदर मिलता जुलता सवाल आइए देखते हैं ये एक्सप्रेशन कहां से आता है सर तो ये हम दो इक्वेशन को यूज करके मतलब डी ब्रॉगली को और बोहर की एक हाइपोथिस को यूज करके एक्सप्रेशन हम लेके आते हैं इस एक्सप्रेशन के हिसाब से अगर हम देखें यहां पे एम वी तो है ही हमारे पास हाँ ना आप बोलेंगे हाँ सर तो मैंने बोला अगर एम वी है तो एम वी को एक जगह रखो और आर को नीचे शिफ्ट कर दो तो मैंने बोला ये हो जाएगा एन एच अपॉन टू पाई आर आपने बोला बिल्कुल सही है कोई दिक्कत भी नहीं है कोई परेशानी भी नहीं है फिर मैंने बोला भाई इसका अगर अपन स्क्वायर कर दें तो मैं लिख सकता हूँ एम स्क्वायर वी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा ये बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन टू पाई या टू को जगह फोर कर देते हैं है ना ये किसके बराबर हो जाएगा सर फोर पाई स्क्वायर आर स्क्वायर आपने बोला ठीक है थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता कुछ मिल रहा है अब हमें यहां से अगर हमें एम वी स्क्वायर निकालना है तो एम वी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपने बोला एम वी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम और आर स्क्वायर एम यहां से एक एम इधर आ गया सर बेसिकली ऐसा है आपने बोला ठीक है लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम वी स्क्वायर होती है तो ले भाई हाफ भी इसके साथ क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे ना इसके साथ अपन हाफ को भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमने लिखा हाफ एम वी स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा तो आपने बोला सर हाफ एम वी स्क्वायर जो है हमारा ये बराबर हो जाएगा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन फोर पाई स्क्वायर एम आर स्क्वायर आपने बोला ठीक है सर यहाँ तक सारा मामला ठीक था इस तरफ हाफ मल्टीप्लाई किया है तो इस तरफ भी क्या मल्टीप्लाई कर देंगे सर अपन वन बाई टू मल्टीप्लाई कर देंगे क्लियर है यस सर बिल्कुल क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है अब हमसे जो सवाल पूछा है वो पूछा है फॉर द इलेक्ट्रॉन इन सेकेंड बोहर ऑर्बिट सेकेंड बोर ऑर्बिट में क्या क्या चीजें होंगी आइए एक बार उसकी बात कर लेते हैं तो सेकेंड बोर ऑर्बिट के लिए आप बोलेंगे सर एन की वैल्यू जो है ना ये टू हो जाएगी किसकी वैल्यू एन की वैल्यू टू हो जाएगी मैंने बोला बहुत अच्छी बात है फिर सर आर की वैल्यू जो है ये क्या होती है सर तो आप बोलेंगे आर के फर्स्ट ए नॉट इज द बोहर रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस ए नॉट है तो आर की वैल्यू ए नॉट इन टू एन स्क्वायर हो जाएगी सर ए नॉट इंटू एन स्क्वायर ये आर की वैल्यू है और एन की वैल्यू हमें पता है टू हो चुकी है तो आर स्क्र की वैल्यू जो है ये हो जाएगी ए नॉट का स्क्वायर इंटू एन की पावर फोर एक बार इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं है ना एक बार इस वैल्यू को यहां पे अपन पुट करते हैं तो मैं लिख सकता हूं हाफ एम वी स्क्वायर ये किसके बराबर हो जाएगा सर देखिए एन स्क्वायर बहुत अच्छी बात है एच स्क्वायर बहुत ही बढ़िया अपॉन फोर पाई स्क्वायर इन टू एम तो है ही एन आर स्क्वायर की जगह अपन ए नॉट की पावर टू इन टू एन की पावर फोर लिख देंगे यस सर एन स्क्वायर से स्क्वायर उड़ गया तो आपने बोला कि ये फाइनल वैल्यू जो आएगी सर वो कितनी आ जाएगी दैट इज एच स्क्वायर अपॉन ये फोर हो गया इन टू पाई स्क्वायर इन टू एम इंटू ए नॉट का स्क्वायर और फिर एन की वैल्यू टू है और टू का स्क्वायर फोर होता है फोर फोर जा कितना हो जाएगा सर सिक्सटीन लेकिन एक गड़बड़ है सर क्या अभी गड़बड़ हमने ये की है कि ये वाले हाफ को हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो उसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हाफ इससे मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे एट लिख दूँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना एट इन फोर ये फाइनली कितना आ गया सर तो आपने बोला ये फाइनली आ गया एच स्क्वायर अपॉन एट फोर जा थर्टी टू पाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर आइए चेक करते हैं कि ऐसा कोई ऑप्शन है सी ऑप्शन सबसे पहले चेक कर लेते हैं थर्ड ऑप्शन है ना क्योंकि सारे सवालों का आंसर थर्ड आ रहा है तो यह आया एस स्क्वायर थर्टी टू वाई स्क्वायर एम ए नॉट स्क्वायर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा और ऐसे सवाल में अगर सी ऑप्शन आ जाए जो कि सब में आ रहा है या थर्ड ऑप्शन आ जाए भाई साहब दिल दहल जाएगा बहुत बार आप इसको गलत कर सकते हैं अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सवाल कह रहा है कि जनरली कमर्शियल हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग सोडियम क्लोराइड बहुत अच्छी बात है विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड अच्छा ठीक है हाउ मच एच टू एस फोर सोल्यूशन कंटेनिंग नाइनटी थ्री परसेंट एच टू एस फोर बाई मास रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ थाउजेंड किलोग्राम ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन कंटेनिंग फोर्टी थ्री परसेंट एच सी एल बाई वेट तो मिला जुला के अगर मैं देखूं तो ये सवाल सिर्फ और सिर्फ स्ट्रोशोमेट्रिक का है आइए एक बार इक्वेशन लिख लेते हैं इक्वेशन क्या होगी सर तो हमने रिएक्शन करानी है किसकी एनएससीएल की, की? किसके साथ सर एच टू एस फोर के साथ और यहां से हमें बनाना एच है तो आप बोलेंगे यही बन जाएगा एच और साथ में एन लेकिन इस सवाल में एक मजेदार बात यह है कि दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड बैलेंस्ड नहीं है सर बैलेंस करने के लिए हमें यहां दो लगाना पड़ेगा और यहां दो लगाना पड़ेगा नाउ दिस एक्सप्रेशन इज बैलेंस्ड है ना हाँ अब हम चलते हैं कि हमें दे क्या रखा है हमें दे रखा है कि हमें थाउजेंड के जी कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोल्यूशन बनाना है क्या बनाना सोल्यूशन तो आराम आराम से सुनते जाइएगा और समझते जाइएगा ठीक है आराम आराम से अपन सुनेंगे और समझेंगे या नेक्स्ट पेज ले लेते हैं इस पेज पे करते हैं ना एक्सप्रेशन इक्वेशन क्या था सर एन ए सी इज रिएक्टिंग विथ एच टू एस ओ फोर टू फॉर्म एच सी प्लस एन ए टू एस ओ फोर और इसको अगर अपन बैलेंस करें तो यहां टू लगाएंगे यहां टू लगाएंगे और हमें दे रखा है ध्यान से आराम से इतमान से कि वेट ऑफ एच सी एल सोल्यूशन जो है ये क्या दे रखा है सर दिस इज थाउजेंड के जी ठीक है यस yes, सर फिर इसकी प्योरिटी भी हमें दे रखी है प्योरिटी का मतलब है अपन को क्या दे रखा है सर अपन को बेसिकली दे, दे रखा है कि वेट परसेंटेज ऑफ एच सी एल कितना है ये भी तो दिया है ना आइए देखते हैं

430 थर्टी के जी मतलब एक्चुअली में हमें 430 सौ तीस के जी एच सी एल चाहिए और चार सौ तीस के जी एच सी एल चाहने के लिए हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल कितने हो जाएंगे तो गिवेन वेट फोर थर्टी अपॉन मोलर मास जो कि कितना है सर इसका थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव अच्छा क्योंकि ये के जी में था तो इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे इन टेन की पावर थ्री मोल्स इतने मोल्स हमें क्या चाहिए सर इतने मोल्स एच सी एल हमें बनाने हैं एच कितने मोल बनाने एक बार यहाँ पे लिखते हैं हमने बोला कि एच हमें जो बनाना है वो बनाना है फोर थर्टी इंटू टेन की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव अब सीधी बात ये है एच टू फोर कितना चाहिए होगा तो आप बोलेंगे फ्रॉम स्टोशोमेट्री हम लिख सकते हैं कि सर इसके दो मोल बनाने के लिए इसका एक मोल चाहिए तो जितने मोल इसके बने उसका हाफ होगा एक्चुअली में कितना होगा हाफ तो हम यहां पे सीधा सीधा कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर होगा सर दिस विल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल अपॉन टू स्टोइोमेट्रिक से बेसिकली डिवाइड कर दिया इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आप बोलेंगे आ गया फोर थर्टी इंटू टेन की पावर थ्री डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव को अगर टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू सेवनटी हाँ सेवेंटी थ्री आ जाएगा ये हमारे पास आ गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस फोर यह प्योर एच टू एस फोर है तो मैंने बोला वेट ऑफ H2SO4 कितना हो जाएगा आपने बोला सर वेट ऑफ H2SO4 जो है ये हो जाएगा 430 थर्टी इन की पावर 3 डिवाइडेड बाय 73 और इसको अपन मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास दैट इज 98 से ये वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आया लेकिन हमें यहाँ पे दिख रखा है कि सर हमें क्या निकालना है हमें निकालना है आ, हाउ मच एच टू एस ओ फोर सोल्यूशन कंटेनिंग इतना परसेंट एच टू एस ओ फोर इसका मतलब जो सोल्यूशन है ना उसमें सिर्फ 93% थ्री परसेंट क्या है एच टू एस ओ फोर है इसका मतलब ये जो वेट हमने निकाला है ये जो वेट हमने निकाला है ये 93% थ्री परसेंट ऑफ सोल्यूशन है कितना है 93% थ्री परसेंट ऑफ सोल्यूशन सोल्यूशन का सिर्फ तिरानवे परसेंट वेट है ये सर सोल्यूशन का सिर्फ और सिर्फ तिरानवे परसेंट नाइन्टी थ्री परसेंट वेट है तो मैं लिख सकता हूँ 93% थ्री परसेंट वेट ऑफ सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन सर एच टू एस फोर सोल्यूशन ये कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे ये हो जाएगा सर फोर थर्टी इंटू टेन की पार थ्री डिवाइडेड बाई सेवेंटी थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइनटी एट फिर यहां से यूनिटरी मेथड से हम करेंगे कि एक परसेंट के लिए इतना बाई नाइन्टी थ्री और हंड्रेड परसेंट वेट ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा यही तो हमें निकालना है हंड्रेड परसेंट वेट ऑफ एच टू एस फोर सोल्यूशन ये कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर कुछ नहीं फोर थर्टी इंटू टेन की पावर थ्री इंटू नाइन्टी एट इसको डिवाइड कर दो सेवेंटी थ्री से इसको डिवाइड कर दो किससे सर और नाइन्टी थ्री से और मल्टीप्लाई कर दो हंड्रेड से सिंपली यूनिटरी मेथड अपन ने लगाया अब मुझे पता है सर आंसर्स जो है वो किस में दे रखे हैं ये देख लेते हैं आंसर्स जो है वो किलोग्राम्स में दे रखे हैं ना के जी के जी के जी के जी के जी ठीक है तो अगर हमें के जी में दे रखा है तो मैं बोलूँगा देखो भाई इस यूनिट को हमने अलग रखा था ये अभी हम जो भी सॉल्व कर रहे हैं ये ग्राम में आ रहा है ये किस में आ रहा है सर इतना वेट जो है ये ग्राम में था तो इसको के में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये हो गया फोर थर्टी इंटू नाइन्टी एट इंटू हंड्रेड अपॉन सेवेंटी थ्री इंटू नाइन्टी थ्री किलोग्राम ये आ गया हमारा आंसर इसको सॉल्व करके आंसर लिख देंगे जो भी आंसर होगा मार्क कर देंगे है ना जो भी आंसर होगा इसका उसको मार्क कर देंगे सर बस बाकी कैलकुलेशन है मैं फिर रिपीट कर दूं उसमें अपन ने क्या किया है सर हमें ना वेट जो है एच टू एस ओ फोर जो है वो एक्चुअली में हम सोल्यूशन से तैयार करते हैं ना अब इस सोल्यूशन में अगर फोर्टी थ्री परसेंट एच सी एल है इसका मतलब मैं ये नॉर्मली ये मान सकता हूँ कि सर इसमें फोर्टी थ्री ग्राम एच सी एल है और बाकी बचा हुआ पानी ही होता है जनरली तो अपन मान लेते हैं अभी ये एज्यूम कर रहे हैं कि 57 ग्राम पानी है रिएक्शन पानी तो करेगा नहीं रिएक्शन तो एच करेगा तो हमें एच का वेट और बाकी चीजें निकालनी थी इसको सॉल्व करके आप आंसर निकालेंगे मे बी अगर आंसर सी आया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा अगर इसका भी आंसर सी आ रहा है अगले सवाल पर चलते हैं अगला सवाल है कि द फॉलोइंग सिक्वेंशियल रिएक्शन इज यूज टू प्रिपेयर एनओएच एन एच हमें बनाना है और ये दे रखा है अमाउंट ऑफ सोडियम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 16 ग्राम ऑफ एन एच हमें 16 ग्राम एनओच बनाना है तो ऐसे सवालों को मैं नॉर्मली ये सिखाता हूँ कि आप ना बैकवर्ड तरीके से कीजिए बैकवर्ड मतलब आप क्या कीजिए पीछे से आगे चलिए सारे रिएक्शन बैलेंस है हाँ सर मैंने बोला 16 ग्राम एनओएच का मतलब है हमारे पास सिक्सटीन अपॉन फोर्टी मोल्स हो जाएगा एनओएएच का क्योंकि एनओएएच का मोलर मास चालीस होता है अपॉन फोर्टी मोल्स है ना इसको सॉल्व कर लेते हैं आपको पता सर ये कट जाएगा आठ के टेबल से दोनों कटता है तो आठ के टेबल से ये एक बार में कटेगा और सॉरी दो बार में कटेगा और ये एट के टेबल में पांच बार में कटेगा तो टू बाई फाइव मोल्स हो गए किसके एन के मैंने बोला अगर एनओ के मोल्स टू बाई फाइव हैं ध्यान से देखते चलिएगा है ना टू बाई फाइव है तो स्टोशोमेट्री के हिसाब से हम लिख सकते हैं क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन अप इसका 2 of of इसका स्ट्रोशियोमेट्रिक टू विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अपॉन इसका मोल्सोमेट्रिक ऑफिशियट वन तो आप बोलो सर अगर ये टू बाई फाइव है तो ये वन बाई फाइव रहा होगा ये वन बाई फाइव यहां है तो यहां पे भी ये वन बाई फाइव ही रहा होगा ठीक है यस yes, सर अब यहाँ पे आप क्या क्योंकि हाफ कर देना सर हमें बेसिकली अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि सर अगर ये हाफ है ये चार से दो बन रहा है इसका मतलब अगर ये हाफ़ है तो इसका डबल ये इसका डबल है ना इधर जाने पर डबल हो रहा है ना तो हाफ का डबल कितना हो जाएगा सर टू बाई फाइव मोल्स हो जाएगा और टू बाई फाइव मोल्स हमारे पास क्या है सर सोडियम है क्या मेरी बात समझ में आई आपने बोला यहाँ से हमने यहाँ पे हमने क्या निकाल लिया सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन जो है ये कितना आया था वन बाई फाइव आ गया फिर इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन अपॉन टू विल बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम अपॉन फोर इसको सॉल्व कर दिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम जो है हमें आ गया और आई कैन राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम ये किसके बराबर हो जाएगा ट्वाइस इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन ए टू जो कि हो जाएगा एक्चुअली में टू बाई फाइव टू बाई फाइव मोल्स सोडियम है हमारे पास तो अमाउंट मतलब वेट ही पूछा है तो आप बोलेंगे वेट ऑफ सोडियम कितना हो जाएगा सर वेट ऑफ सोडियम हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स टू अपन किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर आप बोलेंगे इसके आ, क्या कहते हैं एटॉमिक मास से दैट इज 23 सॉल्व करने का एक आसान तरीका कि ऊपर और नीचे टू से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर नीचे टू से मल्टीप्लाई करोगे तो ये टेन हो गया डेसिमल सेप्ट करना है अब ट्वेंटी को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 तो ये आंसर हमारा 9.2 आ जाएगा सो द करेक्ट आंसर विल बी 9.2 पॉइंट ग्राम्स कितने लोगों ने इसको सही किया है जरूर बताइएगा बस मैंने स्टोनशोमेट्री का इस्तेमाल यहाँ पे किया है इन अ स्मार्टर वे अगला सवाल बहुत ही सिंपल देखने में लग रहा है आइए पढ़ते हैं सवाल विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फॉर्मूला करेक्टली डिस्क्राइब्स दी मॉलिकुलर फार्मूला एंड यहाँ पे लिख लेते हैं एंड एम्पेरिकल फार्मूला रिलेशनशिप अच्छा मतलब एक कंपाउंड मॉलिकुलर फार्मूला का होना चाहिए दूसरा उसका एम्पेरिकल फार्मूला होना चाहिए हमें पता है सर एम्पेरिकल फार्मूला जो है ये किसके बराबर होता है ये बराबर होता है मॉलिकुलर फार्मूला डिवाइडेड बाय एन या फिर आप लिख सकते हैं मॉलिकुलर फार्मूला जो है वो एम्पेरिकल फार्मूला को मल्टीप्लाई करके किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके निकलता है इसकी बात करें तो आप देखोगे सर यहां से हमने क्या मल्टीप्लाई किया तीन यहां से हमने क्या मल्टीप्लाई किया मतलब सॉरी क्या डिवाइड किया है ना इधर से उल्टा चल लेते हैं ये एम्पेरिकल फार्मूला तो यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तीन यहाँ से हमने मल्टीप्लाई किया तीन यहाँ से हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया तो ये नहीं हो सकता आंसर यहाँ से यहाँ जाने में हमने मल्टीप्लाई किया दो यहाँ से यहाँ जाने में भी हमने मल्टीप्लाई किया दो यहाँ से यहाँ जाने में भी हमने मल्टीप्लाई किया दो तो ये हमारा ये वाला मोलिकुलर फार्मूला है और ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला है बाकी में अगर आप देखें तो यहाँ से यहाँ अपन ने मल्टीप्लाई किया है टू यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया है फोर तो ये भी नहीं हो सकता इसकी बात करें तो यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया है टू यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई किया है थ्री तो ये भी नहीं हो सकता सेम नंबर से डिवाइड करते हैं अपन एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए या फिर एम्पेरिकल फार्मूला से मोलिकुलर फार्मूला जाने के लिए सभी एलिमेंट को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो अब सी का सिलसिला टूट चुका है चलिए अगले सवाल सवाल पे चलते हैं हैं क्या पता इसका आंसर सी आ जाए देखते हैं। सवाल कह रहा है कि सम अमाउंट ऑफ एडेड टू हमारे पास एक सोल्यूशन था है ना? ये हमारे पास एक सोल्यूशन था इस सोल्यूशन में हमारे पास क्या था सर? 800 ग्राम पानी था कितना 800 ग्राम वाटर ठीक है यस सर इसमें जो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट सॉल्यूट को अपन ए मान लेते हैं तो मैं लिख सकता हूं एक्से की वैल्यू जो थी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट वो था वन बाई फोर मैंने क्या किया इसी सेम सॉल्यूशन में सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट ऐड किया कोई सॉल्वेंट ऐड नहीं किया कुछ नहीं मिलाया सिर्फ और सिर्फ अपन ने क्या ऐड किया सर सिर्फ और सिर्फ अपन ने एडेड सोल्यूट वॉज एडेड है ना सोल्यूट को एड किया सोल्यूट को ऐड करने से सॉल्वेंट के वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आप बोलोगे ये अभी भी 800 ग्राम ऑफ वाटर रिमेन्स ठीक है यस सर लेकिन मोल्स ऑफ सोल्यूट पड़ जाएंगे तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आ गई आपने बोला अब जो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए है वो हो जाएगा वन बाई टू हमसे जो पूछा है सवाल में आगे पूछा है कि द रेशियो ऑफ मोलालिटी मोलैलिटी निकालना है बेसिकली छोटा निकालना है ना हमें बेसिकली क्या निकालना है सर छोटा एम निकालना है ठीक है छोटा एम निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है क्या अपन लिख सकते हैं मोलालिटी जो है वो किसके बराबर होगा तो आप बोलेंगे सर ये एक्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मोल फ्रैक्शन ऑफ सोलवेंट है ना नीचे मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एम सॉल्वेंट और क्योंकि ये ग्राम में होता है तो इसको ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे से ये सीधा फॉर्मूला हमें क्या दे देगा दे, दे देगा तो पहले वाले केस में अगर ए, मतलब सॉल्व ए को मैं ऐसा लिख देता हूं ए ए इज इज सॉल्वेंट है ना या सॉल्यूट ऐसा लिख देते हैं ए जो है वो सॉल्यूट है तो बी क्या हो जाएगा सर सॉल्वेंट हो जाएगा एक्सए की वैल्यू इतना है तो आपको पता है एक्स बी की वैल्यू थ्री बाई फोर हो जाएगी क्योंकि एक्सए प्लस एक्स बी वन होता है यस सर हाँ चूंकि सॉल्वेंट वाटर है इन दोनों केस में इसकी बात करें एक्स की वैल्यू इतना है तो एक्स बी की वैल्यू हो जाएगी वन बाई टू एम वन निकालते हैं इसको मैंने सॉल्यूशन वन बोल दिया इसको मैंने सॉल्यूशन टू बोल दिया है ना पहले एम वन निकालेंगे आपने बोला मोलालिटी ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन विल बी एक्स ए दैट इज वन बाई फोर डिवाइडेड बाई एक्स बी दैट इज थ्री बाई फोर इन टू मोलर मास ऑफ वाटर जो कि अट्ठारह होता है और ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे हज़ार का आराम से पूरा सॉल्व अभी नहीं करना है फिर अपन चलते हैं मोलालिटी ऑफ सेकेंड सॉल्यूशन ये कितना हो जाएगा सर एक्स ए जो कि है वन बाई टू एक्स बी जो कि अगेन है वन बाई टू इन टू अपन करेंगे किससे सर वाटर uh, की मोलालिटी सॉरी वाटर के मोलर मास से और ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे थाउजेंड से अब आप लॉजिकली सोचिए अगर हमें एम वन इज टू एम टू निकालना है मोलालिटी ऑफ फर्स्ट इज टू मोलालिटी ऑफ सेकेंड तो क्या क्या हम कैंसल आउट कर सकते हैं इधर और इधर वो कर लेते हैं चलिए सबसे पहले मैं थाउजेंड से थाउजेंड उड़ा दूंगा अट्ठारह से अट्ठारह उड़ा दूंगा ठीक है आपने बोला हाँ सर फिर यहाँ पे चार से चार उड़ा दिया यहाँ पे दो से दो उड़ा दिया इसका मतलब मिला जुला के अगर मैं उस तरफ देखूँ तो मेरे पास वन बाई थ्री बचता है क्या बचता है वन बाई थ्री तो मैं लिखता हूँ एम वन अपॉन एम टू ऐसे लिख देता हूँ तो आपने बोला एम वन में बचा वन बाई थ्री तो ये हुआ वन बाई थ्री इसको अपन ने डिवाइड किया किससे सर एम टू में क्या बचा सिर्फ वन बचा डिवाइडेड बाई वन तो ये फाइनल आंसर कितना आ जाएगा? One is three, जो कि पहला ऑप्शन है अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सवाल मोल कॉन्सेप्ट का फिर से देखते हैं रखी है लिक्विड का बहुत अच्छी बात है इफ देर आर 35 ड्रॉप्स प्रेजेंट इन 1 एम तो जो बातें दे है उसको लिख लेते हैं 1 एम या सॉरी टू ऐसे लिख लेते हैं थर्टी फाइव ड्रॉप्स ये किसके बराबर होगा सर आपने बोला दो एम के बराबर होगा बहुत अच्छी बात है हमसे आगे पूछा था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक ड्रॉप लिक्विड में कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है तो वो तो डायरेक्टली निकाल नहीं सकते सबसे पहले हमें एक ड्रॉप लिक्विड का वेट पता करना होगा फिर उसमें मोल्स पता करने होंगे फिर हम इन्हें से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आइए देखते हैं थर्टी फाइव ड्रॉप दो एम का है तो मैं बोलूंगा एक ड्रॉप कितने एम का होगा सर तो वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप विल ड्रॉपल टू टू डिड बाई थर्टी फाइव मिली लीटर्स आपने बोला ठीक है कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है मुझे फिर यहां पे प्रॉब्लम यह है कि सर एक ड्रॉप में वेट कितना हुआ ये तो पता नहीं वॉल्यूम पता है तो अपन डेंसिटी यूज कर लेंगे डेंसिटी किसके बराबर है सर आप बोलेंगे डेंसिटी होता है यहां पे दे रखा है 1.2 ग्राम पर इसका मतलब एक एमएल का वेट 1.2 पॉइंट ग्राम हो जाएगा है ना यही मतलब होता है इसका बेसिकली तो डेंसिटी को अपन किसके बराबर लिखते हैं मास बाय वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा सर आप बोलेंगे 1.2 है ना यूनिट हटा देते हैं अभी क्योंकि ये एम में है ये भी एम में अपने आप वेट ग्राम में आ जाएगा तो मास ऑफ लिक्विड जो है वो कितना हो जाएगा आप बोलेंगे सर ये हो जाएगा वन पॉइंट वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप एक ड्रॉप में है ना तो ये आ गया वन पॉइंट वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप कितना है सर तो आप बोलेंगे दिस इज टू अपॉन थर्टी फाइव दिस इज द वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप ये सर नो आप बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं है कोई परेशानी भी अपन को नहीं है क्लियर है हाँ सर फिर ये तो मास निकला ना वेट निकला तो मैं बोलूंगा मोल्स ऑफ लिक्विड कितना हो जाएगा मोल्स ऑफ लिक्विड तो आप बोलेंगे सर मोल्स ऑफ लिक्विड जो है वो हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास तो ये हो गया वन पॉइंट टू इन टू टू डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव ये तो हो गया इसका गिवन वेट टोटल वेट एक ड्रॉप का इतना था डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द लिक्विड हैज सेवेंटी तो ये सत्तर हो गया हाँ ना यस yes, सर इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ गया आपका वन पॉइंट टू इंटू टू इधर लिख लेते हैं ये कितना आ गया सर दिस इज इक्वल्स टू वन पॉइंट टू इंटू टू डिडेड बाई सेवेंटी इंटू थर्टी फाइव

डिवाइडेड बाई थर्टी फाइव का स्क्वायर इन टू एन एवेगेड्रो नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया सर इसमें आंसर क्या हो जाएगा वन पॉइंट टू डिडेड बाई थर्टी फाइव इन टू एन ए खत्म इससे अलावा और कुछ भी नहीं है सर यहाँ पे चलते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल आपके कंप्यूटर तो स्क्रीन पर यह रहा बहुत ही प्यारा सवाल है सर क्योंकि यहाँ पे दो वेरिएबल का सवाल है ये देखते हैं सवाल क्या कह रहा Consider two sample है कंसिडर टू सैंपल ऑफ एच सी एल दो सैंपल है हमारे पास ये पहला जिसमें मोलैरिटी जो है वो वन मोलर है और वॉल्यूम जो है इसका इसको अपन वी वन कह देते हैं नहीं पता आपने को है ना दूसरा सैंपल जो है इसकी मोलारिटी जो है वो 0.25 टू है या 0.25 टू मोलर है और वॉल्यूम इसका जो है वो वी टू कह देते हैं वन वी टू आर अनू इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करेंगे इन दोनों को किस रेशियो में मिक्स करेंगे कि हमारे पास जो नया सॉल्यूशन बने उसकी मोलारिटी 0.75 मोलर हो जाए 0.75 मोलर होनी चाहिए आपने बोला ठीक है एक तरीका इसका ये है कि सर ये पॉइंट था ये है है आंसर इसके ज़्यादा ज़्यादा करीब इसका इसका मतलब इसका मोल यूज होना चाहिए पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए तो आप देखोगे सभी में पहले वाले सॉल्यूशन का वॉल्यूम ज्यादा ही है तो इस तरीके से इस सवाल को तो अपन सॉल्व नहीं कर सकते नहीं तो एक से दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं अब आगे देखते हैं अब अगर अपन एक्सप्रेशन निकाले क्या लगाएं अपन लगाएं लॉ ऑफ मिक्सिंग लॉ ऑफ मिक्सिंग लगाएं तो हम कहेंगे सर यहाँ से इससे एम वन बी वन प्लस एम टू वी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू यह किसके बराबर हो जाएगा सर यह बराबर हो जाएगा आपका एम थ्री के इसको अपन एम थ्री कह देते हैं इसको एम वन कह दिया इसको एम टू कह दिया इसको एम थ्री कह दिया ठीक है यस सर इसको अगर अपन आगे सॉल्व करें तो अपन कह सकते हैं एम वन की जगह अपन वन लिख सकते हैं तो वी वन प्लस इसकी जगह अपन पॉइंट टू फाइव को मैं वन बाई फोर लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं है ना तो मैं लिख देता हूं वी टू बाई फोर और डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू यह किसके बराबर आ जाएगा एम थ्री की जगह मैं इसको लिख देता हूं थ्री बाई फोर पॉइंट है ना पॉइंट सेवन फाइव को थ्री बाई फोर यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो आपको वी वन वी टू की वैल्यू मिल जाएगी जो कि मेरे हिसाब से अगर मैं देख पा रहा हूं है ना इसको रखते हैं तो ये ट्वेंटी प्लस टू पॉइंट फाइव देख लेते हैं ना एक बारी अगर अपन सॉल्व करें तो औ, और आगे LCM ले लेते हैं चल एल्सीम ले लेंगे तो ये फोर आ गया अपने पास आया फोर बी वन प्लस बी टू पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे वन बाई फोर से डिवाइड करेंगे बी वन प्लस बी टू से इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थ्री बाई फोर तो यहां से वन बाई फोर से वन बाई फोर कट गया मतलब फोर बी वन प्लस बी टू अपॉन बी वन प्लस बी टू की वैल्यू थ्री आनी चाहिए फोर इंटू दिस एटी प्लस बी टू टेन डिवाइडेड बाई वी वन प्लस वी टू थर्टी ये कितना आ गया सर ये आ गया आपका नाइनटी अपॉन थर्टी दैट इज थ्री यही हमारा सही आंसर है हमें आंसर में थ्री ही चाहिए था इन दोनों का मतलब ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू तभी यह हिट एंड ट्रायल है क्यों क्योंकि आपको अंत में दो वैल्यूज तो रखनी पड़ेंगे हमें वी वन वी टू में कोई रेशियो नहीं मिला है दो एक्सप्रेशन दो वैल्यूज हैं आगे चलते हैं अगला सवाल नाउ वी हैव एंटर्ड टू द टेरिटरी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आइए एक एक करके उसको देखते हैं सबसे पहला सवाल है ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीज हैव सेम साइज़ अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये स्टेटमेंट सरासर गलत है हमें पता है सर आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीज में क्या होता है पॉजिटिव चार्ज का मतलब अगर चार्ज पॉजिटिव है तो साइज बड़ा होगा या सॉरी साइज छोटा होता जाएगा अगर चार्ज नेगेटिव है तो साइज बड़ा होता जाएगा सर जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ा साइज और छोटा जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ा साइज और बड़ा तो पहला वाला स्टेटमेंट हैव सेम साइज़ इज़ टोटली फॉल्स ये क्या है सर फॉल्स है दिस इज नॉट ट्रू इट इज फॉल्स दूसरे स्टेटमेंट की बात करें आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसेज में कंटेन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसेज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिफरेंट हो सकता है अरे भैया ये भी फॉल्स ही है सर तो आप बोलेंगे इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा फोर्थ दैट इज बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर इनकरेक्ट दोनों ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा एमोंग द स्टेटमेंट गिवेन द ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट खोजना है चलिए एक एक करके देखते हैं सबसे पहला फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट अलोंग पीरियड समटाइम्स वेरी इन इरेगुलर मैनर विथ द इंक्रीज इन अटॉमिक नंबर फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियड आप बोलेंगे पीरियड में घपला होता है क्या बिल्कुल होता है सर अपने पास ग्रुप टू थर्टीन एंड ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन में अपने को घपला देखने को मिलता है स्वैपिंग देखने को मिलता है तो मोर और लेस ये थोड़ा थोड़ा ठीक लग रहा है सेकंड ऑप्शन चेक कर लेते हैं नॉन मेटालिक एलिमेंट आर लेसर इन नंबर एज कंपेयर टू मेटालिक अरे भैया बिल्कुल ट्रू है फिर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एज पर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आप बोलेंगे ये भी बिल्कुल ट्रू है सर मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में केमिकल और फिजिकल दोनों प्रॉपर्टीज लिखी होती है लेकिन अगर मैं सिर्फ ये कहना चाहूं कि क्या केमिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल है मैं पूछूं क्या सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी है क्या फिजिकल प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन है आप बोलेंगे बिल्कुल है दोनों ही होते हैं और फॉर ट्रांजिशन एलिमेंट द डी अफसेल आर फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन मोनोटॉनिकली विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर मोनोटोनिकली का मतलब है एक एक करके लगातार कंटिन्यूस इंक्रीज जो कि ऐसा नहीं होता है सर इट इज फॉल्स क्योंकि डी ब्लॉक जो है पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक जो है वो एक्सेप्शन का घर है क्या है सर एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन का घर जैसे कुछ एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन डी ब्लॉक के वो होते हैं आपका क्रोमियम फिर मॉलिबनम फिर कॉपर फिर सिल्वर फिर गोल्ड फिर आपका पलाडियम फिर प्लैटिनम है ना एट्सेट्रा ये कुछ बता रहा था मैं तो बहुत सारे एक्सेप्शन आपको देखने को मिलते हैं सर तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया हमसे इनकरेक्ट पूछा था चौथा ऑप्शन इज द इनकरेक्ट वन अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सवाल क्या कह रहा है सर कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी अरेंजमेंट इज इनकरेक्ट अच्छा नॉर्मली अभी अपन ने दूसरा सवाल देखा है दूसरे में भी इनकरेक्ट है जनरली इनकरेक्ट इसलिए देते हैं क्योंकि आप करेक्ट ऑप्शन देख के टिक करने की टेंडेंसी रखते हो रूबीडियम प्लस ये 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 सब आयनिक साइज का ऑर्डर है तो मैं आपको बता दूं एक्चुअली में ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं और अभी अपन ने पढ़ा आइसो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होता है सर चार्ज नेगेटिव साइज पढ़ा तो आप बोलेंगे ये बिल्कुल सत्य है सर फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी के ऑर्डर की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे देखो मॉड लगा, लगा, लगा रखा है क्या लगा रखा है मॉड ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथेल्पी लगा रखा है तो हमें पता है सर मॉड की बात करें तो सल्फर मोस्ट नेगेटिव है तो सबसे बड़ी वैल्यू हो जाएगी ऑक्सीजन सबसे कम तो ये भी बिल्कुल ट्रू है सर है ना इसके बाद मेटालिक कैरेक्टर की बात करें सर तो मेटालिक कैरेक्टर में हमने देखा ग्रुप वन के एलिमेंट मोस्ट मेटालिक होते हैं लेकिन ग्रुप वन का एलिमेंट पीछे दे रखा है इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट हो गया और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है फ्लोरीन की 4.0 पॉइंट पॉलिंग स्केल में 3.5 इसके लिए 3.0 इसके लिए टू पॉइंट uh, जीरो और एल्यूमिनियम के लिए वन पॉइंट फाइव तो यह भी बिल्कुल सही है सर ट्रू है तो इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया इसमें इनकरेक्ट ऑप्शन थर्ड हो गया अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे यह रहा सवाल कह रहा है कि हायर फर्स्ट एनाइजेशन एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाई फर्स्ट मेंबर ऑफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर हायर फर्स्ट एनाइजेशन एनर्जी मतलब इसमें पहला एनाइजेशन एनथेलपी किसके लिए ज्यादा है नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखें तो आपको पता है सर नाइट्रोजन का ज्यादा होगा ऑक्सीजन का कम होगा बोरोन बेरिलियम में देखें तो बोरोन बेरिलियम में बेरिलियम का ज़्यादा होता है सर ये ग्रुप टू थर्टीन का केस है और ये ग्रुप फिफ्टीन सिक्सटीन का केस है दोनों एक्सेप्शनल है दोनों यहाँ पे है एलुमिनियम गैलियम की बात करें तो ये भी एक एक्सेप्शनल केस है फ्रॉम है ना ऊपर से नीचे आने में तो इसमें अगर आप देखेंगे तो अपन ये पाएंगे कि गैलियम के लिए ये वैल्यू ज़्यादा होती है एलुमिनियम से अच्छा ऑर्डर में लिखते हैं एलुमिनियम और गैलियम में ये वैल्यू गैलियम के लिए ज़्यादा है और क्लोरीन फ्लोरिन में भी ऊपर जब हम जाते हैं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती है तो फ्लोरिन की ही ज़्यादा होगी हमसे पूछा फर्स्ट एलिमेंट का ज़्यादा पहले ऑप्शन में हो जाएगा सर अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा एन एलिमेंट ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ एन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन फलाना इट शुड बी प्लेस्ड इन अच्छा देखो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया है सर डी ब्लॉक में ना एन प्लस एल की वैल्यू इसकी मैक्सिमम है तो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है डी ब्लॉक में तो ये डी सबशेल का एलिमेंट हो जाएगा तो ये डी ब्लॉक का एलिमेंट हो गया ये हटा दो ये हटा दो अब हमारे पास बचा ग्रुप पाँच या ग्रुप सात अगर आप ईमानदारी से देखेंगे कभी भी किसी भी डी ब्लॉक का ग्रुप नंबर निकालना है ना ग्रुप नंबर अगर आपको निकालना है तो याद रखिएगा ग्रुप नंबर डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए किसके बराबर होता है तो एन एस प्लस एन माइनस वन डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो आते हैं यही हमारे पास आंसर हो जाएगा एन एस में दो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट मोस्टेस में और उससे एक अंदर डी में पांच इलेक्ट्रॉन तो ग्रुप नंबर इसका हो गया वैसे ये एलिमेंट भी आप सभी को पता है वैसे ये एलिमेंट भी आप सभी को पता है ये कौन सा एलिमेंट है एक बार कमेंट कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके बता दो भाई ये कौन सा एलिमेंट है जल्दी से एक बार कमेंट करके बता दीजिए तब तक हम चलते हैं अगले सवाल पे अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सवाल कह रहा है सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हीलियम हीलियम के बारे में गलत स्टेटमेंट हमें चुनना है ठीक है फिर गलत चुनना याद रखना अच्छा इनकरेक्ट ही चुनना है ना हाँ द फर्स्ट आइनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम इज हाइएस्ट अमॉन्ग द नोबल गैसेज बिल्कुल सही बात है सर सेकेंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी ऑफ हीलियम इज पॉजिटिव सभी नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉन गेन एनथेल्पी पॉजिटिव होती है बिल्कुल सही बात है हीलियम बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट विच आर लार्जेस्ट इन साइज इन रेस्पेक्टिव पीरियड हीलियम उसको बिलोंग करता है जो लार्जेस्ट साइज के होते हैं है ना इन रेस्पेक्टिव पीरियड और लास्ट पॉइंट लिख रहा है द लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ हीलियम एंटर्स इन वन एस और बाइटल सो इट इज प्लेस्ड एलोंग विथ एस ब्लॉक एलिमेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये स्टेटमेंट हमें पता है सर फॉल्स है क्योंकि हीलियम को अपन पी ब्लॉक में रखते हैं तो ये हमारा सही आंसर हो गया ये हमारा सही आंसर हो गया वैसे थर्ड स्टेटमेंट की बात करूँ तो थर्ड स्टेटमेंट में भी थोड़ा जनरली शब्द का यूज करना चाहिए विच इज लार्जेस्ट इन साइज इन रेस्पेक्टिव पीरियड जनरली लेकिन ठीक है ये बहुत ज्यादा गलत है ये थोड़ा थोड़ा सा गलत लग रहा है तो इस वजह से हमारा आंसर हो जाएगा अगले सवाल पे चलते हैं सर अगला सवाल मैचिंग टाइप का हमसे पूछा है अगला सवाल हमसे किस टाइप का पूछा है सर मैचिंग के टाइप का पूछा है ठीक है आइए देखते हैं इसमें हमें ऑप्शंस दे रखा है और ऑप्शन देने के बाद बोला है कि भाई साहब इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है और पूछा क्या है सर एटम और आयन दे रखा है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यूज दे रखी है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू की बात करें तो हमें यह बात पता है सर फ्लोरीन और क्लोरीन में क्लोरीन की वैल्यू मैक्सिमम होती पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन की वैल्यू मैक्सिमम है लेकिन अगर मैं फ्लोरीन के सामने फ्लोरीन पॉजिटिव रख दूं तो मुझे पता है सर इसकी तो और ज्यादा होगी वहीं अगर मैं क्लोरीन के सामने क्लोरीन पॉजिटिव रख दूं तो मुझे भी पता है इसकी और ज्यादा होगी सर तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली अगर हम देखें तो किसकी मिलनी चाहिए सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अगर हम इसमें जनरल ट्रेंड में देखें तो ये हमें मिलनी चाहिए किसकी सर बताइए बताइए आपको पता आंसर है ना तो अब इसको अपन थोड़ा सा अरेंज करने की कोशिश करते हैं आइए देखते हैं अगर अपन बात करें किसकी इनमें से तो इनमें से आप बोलेंगे सर ये जो पॉजिटिव वैल्यूज है ना इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए जो भी पॉजिटिव एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होनी चाहिए तो Q और S के लिए ऑप्शन हो जाने चाहिए टू और थ्री में से Q के लिए टू S के लिए थ्री है ना Q के लिए टू S के लिए थ्री इसमें ये ऑप्शन है नहीं तो इसको मैंने हटा दिया इन दो ऑप्शन को मैंने ऐसे एलिमिनेट कर दिया पहले उसके बाद अगर मैं फ्लोरिन क्लोरिन में देखूँ तो आप बोलेंगे सर फ्लोरिन क्लोरिन में मुझे पता है फ्लोरिन की वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए सर कम होनी चाहिए क्लोरिन एलिमेंट से ठीक है हाँ यहाँ पर अगर हम बात करें पहले ऑप्शन में तो P की वैल्यू दे रखी है वन मतलब इसकी वैल्यू पहला ऑप्शन देख रहे हैं इसके लिए दे रखा है 3.4 और क्लोरीन के लिए दे रखा है क्लोरीन इज R R के लिए दे रखा है फोर दैट इज 3.6 दूसरे ऑप्शन में अगर हम चलें तो यहाँ पर अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम दे रखा है ना हाँ तो क्लोरिन फ्लोरिन में तो हम यहाँ पर अलग नहीं कर पाएंगे क्लोरीन फ्लोरीन में तो हम यहाँ पे अलग नहीं कर पाएंगे अब हमारे पास बच्चा फ्लोरीन पॉजिटिव और क्लोरीन पॉजिटिव तो हमें पता है सर फ्लोरीन पॉजिटिव ज़्यादा छोटा साइज हो जाएगा ज़्यादा छोटा साइज होने के कारण इसकी वैल्यू है ना फ्लोरीन पॉजिटिव ज़्यादा छोटा साइज हो जाएगा तो ज़्यादा छोटा साइज होने के कारण इसकी वैल्यू मैक्सिमम आनी चाहिए इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए तो हमारे पास आंसर जो है वो क्या आ जाएगा सर ये हो जाएगा पहला ऑप्शन इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं वैसे इसको आप ऐसे भी जज कर सकते थे अगर जज ही करना है तो आप बोलते सर देखो फ्लोरीन पॉजिटिव को अगर मैं है ना कैसे बनाऊंगा तो मैं ऐसा लिख देता हूँ फ्लोरीन से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बनेगा फ्लोरीन पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन ये वाला एक्सप्रेशन जो है वो आयनाइजेशन एंथैल्पी है तो ये वाला इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक्सप्रेशन हो जाएगा अब आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लोरीन और फ्लोरीन में फ्लोरीन की ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू भी इसकी ज्यादा होगी सर इस तरीके से अपन इस आंसर को लॉजिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन ये रहा अगला सवाल किससे सर मोल कॉन्सेप्ट सिंपली ये कह रहा है कि 300 ग्राम ऑफ 40 परसेंट वेट बाई वेट एनएच एक्वस सोल्यूशन इज मिक्सड विद 400 ग्राम ऑफ थर्टी परसेंट वेट बाई वेट एनएक् सोल्यूशन मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम इन द फाइनल सोल्यूशन तो बहुत सिंपल सवाल है आइए देखते हैं सर एक बात मानो कि ये हमारे पास सॉल्यूशन वन था है ना सॉल्यूशन वन कितने ग्राम का था तीन सौ ग्राम और तीन सौ ग्राम में फोर्टी परसेंट क्या था आपके पास फोर्टी परसेंट एनवे था ठीक है हाँ सर सॉल्यूशन टू भी था हमारे पास यस सर सॉल्यूशन टू हमारे पास कितना था सॉल्यूशन टू हमारे पास चार ग्राम था और इस चार ग्राम में थर्टी परसेंट था ओके मैंने बोला सर अगर इसमें NaOH 40% है तो सॉल्वेंट कितना हो जाएगा आपने बोला सर पहले सॉल्यूशन में सॉल्वेंट 60% परसेंट वेट हो जाएगा और इसमें सॉल्वेंट कितना हो जाएगा सर आपने बोला दूसरे सॉल्यूशन में सॉल्वेंट 70% परसेंट बाई वेट हो जाएगा हाँ या ना यस सर आगे देखते हैं सिक्सटी परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड ग्राम कितना हो जाएगा तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन वन लिख देता हूँ सोल वन लिख देता हूँ है ना आपने बोला सर सिक्सटी अपॉन हंड्रेड इन टू थ्री हंड्रेड सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 180 ग्राम इसकी बात करें तो वेट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन टू ये कितना हो जाएगा तो आप बोलेंगे सर ये 70% परसेंट ऑफ 70 बाई हंड्रेड इन टू हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे तो ये आया 200 सौ सेवन फोर जै ट्वेंटी हाँ दो अस्सी ग्राम अब तो सिंपल एडिशन है ना यार 180 में 280 जोड़ेंगे तो ये 60 हो जाएगा 460 के आसपास आंसर आ गया 460 सौ साठ इज द करेक्ट आंसर बड़ा ही सिंपल सवाल था इस ये सिर्फ मैथमेटिक्स था यहाँ कोई केमिस्ट्री नहीं थी मैं रिपीट करता हूँ यहाँ इस सवाल में कोई भी केमिस्ट्री नहीं थी सर अगला सवाल अगला सवाल कह रहा है कि एन एलिमेंट विथ आई यू पी एस सी सिम्बल यू एन क्यू बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर किस ग्रुप नंबर को ये बिलोंग करेगा आइए देखते हैं न्यूमेरिकल आंसर टाइप सवाल है आराम आराम से करेंगे हमने बोला यू एन क्यू का मतलब है सर वन एन का मतलब nil मतलब जीरो और क्यू का मतलब फोर एक सौ चार मैं आपको एक बात बता दूं याद रखिएगा एक सौ तीन के बाद से जितने भी एलिमेंट है जो उनका एटॉमिक नंबर वही उनका ग्रुप नंबर होता है है ना तो इसका ग्रुप क्या हो जाएगा सर इट बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर फोर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सीधा 104 सौ चार वाला चार को बिलोंग करेगा 5 पांच वाला पाँच को छ वाला छः को कैसे होता देखिए अगर अपन बात करें तो एटॉमिक नंबर एटॉमिक नंबर 87 सेवन फ्रांसियम जो है वो ग्रुप वन को बिलोंग करता है 88 जो है वो ग्रुप टू को बिलोंग करता है 89 जो है वो ग्रुप थ्री को बिलोंग करता है लेकिन साथ ही साथ 90 से लेके 103 तक भी ग्रुप थ्री को ही बिलोंग करता है आर एक्टिनाइड्स ये क्या है सर एक्टिनाइट है तो इसके बाद 104 किसको बिलोंग करेगा आपने बोला चार को 105 5 को 106 6 चे को 107 7 को इस लॉजिक से मैं सीधा आंसर लिख सकता हूं ग्रुप फोर आंसर खत्म इससे ज्यादा टाइम देना ही नहीं है सर इनऑर्गेनिक यही तो मजेदार बात है टाइम सेव करता है अगला सवाल एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप एटीन द पीरियड नंबर ऑफ एलिमेंट इज ये अच्छा सवाल है अच्छा इसलिए क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा मैंने क्या बोला देखो भाई मेरे को तो कुछ आता जाता है नहीं बहुत ज़्यादा तो मैं क्या करता हूँ एकदम देसी हिसाब किताब लगाता हूँ सारे एलिमेंट लिख देते हैं नोबल गैसेज के हीलियम नियॉन आर्गन फिर क्रिप्टन फिर जेनॉन फिर रेडॉन यहाँ तक काम नहीं होगा तो आगे भी चलेंगे यहाँ मैंने लिखा X, यहाँ पे लिखा मैंने Y, यहाँ पे लिखा मैंने Z। हमें पता है सर कि हीलियम के लिए हीलियम के लिए जो है Z मतलब D में इलेक्ट्रॉन हीलियम में में D कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता नियोन में D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता आर्गन में में D कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो ये तीन तो आंसर से बाहर लेकिन फिर भी मैं इसमें और वाई के इलेक्ट्रॉन लिखूंगा ताकि आपको समझ में आए चीजें जो मैं कहना चाहता हूं सर हीलियम के अंदर वन एस टू भरता है तो एक्स एस में दो इलेक्ट्रॉन पी में जीरो नियोन में जब हम जाते हैं तो वन एस भी भरा होता है और टू एस भी तो वन एस को भूलना नहीं है टू एस देखते देखते वन एस को भूल मत जाना दोस्त वहीं गलती होगी तो दो पहले थे अब दो और जुड़ गए तो आपने बोला फोर इसमें छः हो जाएंगे इसमें आठ हो जाएंगे वन एस भरा वन एस टू एस भरा वन एस टू एस थ्री एस भरा वन एस टू एस थ्री एस फोर एस भरा वन एस टू एस थ्री एस फोर एस फाइव एस भरेगा तो दस हो गया इसमें सिक्स एस भी साथ में भर जाएगा तो बारह इलेक्ट्रॉन हो गए पी की बात करें तो यहाँ पे पी जीरो था यहाँ पे पहली बार पी आया तो ये हुआ छः दूसरी बार आएगा तो बारह तीसरी बार आएगा तो अट्ठारह चौथी बार आएगा तो चौबीस छे छे बढ़ते जा रहे हैं और फिर तीस सर डी यहां तक जीरो था पहली बार आया तो d में 10 इलेक्ट्रॉन दूसरी बार आया तो 3d 4d दोनों भर गए तो 20 इलेक्ट्रॉन फिर 30 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से कंटिन्यू करेंगे आपको बस ये देखना है कि किस वैल्यू में x प्लस जेड जो है वो y के बराबर है x प्लस जेड इज इक्वल्स टू वाई बताइए तो आप बोलेंगे सर x प्लस जेड ये तो हटाई दो जीरो जेड की वैल्यू लेनी नहीं एज्यूम जेड नॉट बराबर जीरो तो तीन ऑप्शन तो हट गए इन दोनों को अगर हमने एक्स प्लस क्या किया सर जेड किया तो ये y के बराबर है तो क्रिप्टन की बात हो रही है ये बिलोंग करता पीरियड टू पीरियड सॉरी ये बिलोंग करता पीरियड वन पीरियड टू पीरियड थ्री और पीरियड फोर तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर एफ ओ यू आर फोर आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी सर आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी सर क्लियर है चलिए इसके बाद अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल क्या है सर कैलकुलेट द सम ऑफ द कोड नंबर अच्छा ये कोड नंबर दे रखे इनका सम कैलकुलेट करना है वाजिवा ऑफ ऑल द केसेज इन विच करेक्ट ऑर्डर मैंशन पैरामीटर इज रिप्रेजेंटेड वाजिवा थोड़ा अलग सवाल है है ना बट ठीक है न्यूमेरिकल आंसर टाइप है पूछ लिया कोई सवाल करके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा क्लोरीन की उससे कम उससे कम सोडियम की बिल्कुल सही बात है तो इसको हमें ऐड करना है जिसको ऐड करना उसको टिक कर देंगे जिसको नहीं ऐड करना उसको हटा देंगे यहाँ पे बात करें मेटालिक कैरेक्टर की तो मेटालिक कैरेक्टर में ठीक है सर ये भी बिल्कुल सही है आयनाइजेशन के इन्वर्सली प्रोपोशनल होता है सबसे कम आयनाइजेशन इंथाली सोडियम की फिर मैग्नीशियम की फिर बेरिलियम की ये भी सही है सर तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे यहाँ पे बात करें सर आयनिक रेडियस तो हमें पता है सर ये आयनिक रेडियस का गलत है। क्यों क्योंकि आइसो चार्ज ज्यादा तो साइज छोटा ये सही ऑर्डर होना चाहिए था तो इसको अपन इंक्लूड नहीं करेंगे बहुत छोटा नंबर है कोई बात नहीं इसकी बात करें तो यहां पे हमें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मॉड है ना मतलब वैल्यू की बात करिए तो हमें पता है पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा वैल्यू क्लोरीन की होती है और ग्रुप सेवनटीन की किसी भी एलिमेंट की वैल्यू ग्रुप 17 के किसी भी एलिमेंट की वैल्यू 16 से तो ज़्यादा ही होती है तो ठीक है क्लोरीन आया फिर फ्लोरीन आया फिर ऑक्सीजन आया ये बिल्कुल सही है सर है ना ये सही है तो इसको भी इंक्लूड कर लेंगे और लास्ट में अगर हम देखें तो बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड तो आप बोलेंगे ये तो भाई साहब खतरनाक एसिडिक है ये तो भयंकर एसिडिक है और ये बेसिक नेचर का मोस्टली स्ट्रांगली बेसिक है सर तो ये भी फॉल्स हो गया ये भी गलत है सर तो इसको भी ऐड नहीं करेंगे तो बेसिकली हमें ये तीन नंबरों को ऐड कर लेना सर इनको 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 ऐड कर दो ये कितना हो गया सर अगर अपन इसको ऐड करते तो दिस इज सिक्सटी वन प्लस ट्वेंटी एट है ना तो ये हो गया नाइन और इधर एट एन हमारा आंसर हो जाएगा एक बार जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए किस एलिमेंट है ना कौन सा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 89 होता है है उसका क्या नाम पीरियोडिक टेबल में बहुत ही मजेदार एलिमेंट है उसके बाद एक पूरी सीरीज शुरू होती है अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा सवाल कह रहा है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 फोर बहुत अच्छी बात है स मैगनीशियम इज कंपोज ऑफ सेवेंटी नाइन मोल परसेंट ऑफ मैग्नीशियम ट्वेंटी फोर एंड रिमेनिंग ट्वेंटी वन मोल परसेंट ऑफ ट्वेंटी फाइव एंड ट्वेंटी सिक्स कैलकुलेट दी मोल परसेंटेज ऑफ ट्वेंटी सिक्स तो ठीक है मैं एक काम करता हूं है ना अपन क्या करेंगे सर मोल परसेंटेज टोटल अगर अपन देखें है ना मोल परसेंटेज अगर अपन टोटल देखें तो हंड्रेड तो है हाँ सर मैं ये मान लेता हूं कि मैग्नीशियम मानना क्या है मैग्नीशियम ट्वेंटी फोर के लिए तो वैल्यू दे रखिए इसका मोल परसेंटेज है सेवेंटी नाइन परसेंट ठीक है मैग्नीशियम 25 के लिए कितना हो जाएगा आपने बोला हमने मान लिया x परसेंट ये अज्यूम कर लिया सर हमने और मैग्नीशियम 26 के लिए क्या हो जाएगा तो आपने बोला सर इसके लिए अगर 21 अगर इन दोनों का सम 21 है तो 21 वन माइनस एक्स परसेंटेज इसका हो जाएगा अपने आप आ गया सर फिर हमने बोला सर हमें पता है एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास ए का फॉर्मूला होता है सभी आइसोटोप का वेट दैट इज 24 फोर इंटू सेवेंटी नाइन प्लस ट्वेंटी फाइव इंटू एक्स प्लस ट्वेंटी सिक्स इंटू ट्वेंटी वन माइनस एक्स और इस पूरे को अपन डिवाइड कर देंगे सबका सम सेवेंटी नाइन प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी वन माइनस एक्स तो ये आ गया हंड्रेड इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे और इसको सॉल्व कर देंगे सॉल्व करेंगे एक्स के लिए सॉल्व फॉर एक्स तो हमारा आंसर मिल जाएगा सिंपली एक्स के लिए सॉल्व करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा सर ठीक है तो आगे आप सॉल्व कर ही लेंगे कोई रॉकेट साइंस इसमें है नहीं जो आप ना कर पाए अगले सवाल पे अपन चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे है ये बड़ा प्यारा सवाल है कि वन ग्राम मिक्सचर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल आई टू थ्री एंड एम टू थ्री रिक्वायर्ड फोर्टी फोर पॉइंट फोर एम एल ऑफ फॉर कंप्लीशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इस रिएक्शन के कंप्लीस में इफ एटोमिक मास ऑफ लिथियम इज सेवन देन फाइंड दास ऑफ एम है ना रिपोर्ट एम माइनस हमें एम को सिक्सटीन से घटा के आंसर रिपोर्ट करना है तो अपन ने इस रिएक्शन में यह देखा देखना है कि रिक्वायर फोर्टी फोर एम एल ऑफ जीरो पॉइंट फाइव मोलर एच सी एल तो मैं सीधा सीधा लिखता हूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड यह कितना हो गया सर आपने बोला नंबर ऑफ मोल्स टू मोलरिटी इन टू वॉल्यूम इसकी मोलारिटी कितनी है सर दैट इज जीरो पॉइंट फाइव इसका वॉल्यूम कितना है सर फोर्टी फोर पॉइंट फोर फोर इसको अपन पहले तो सॉल्व कर लेंगे है ना इसको अपन पहले तो सॉल्व कर लेंगे इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा सर ऐसा लिख देता हूँ इसको अगर अपन करें तो ये वन बाई टू आ जाएगा एक्चुअली में पॉइंट फाइव इज वन बाई टू तो वन बाई टू का मतलब है ये बेसिकली हो गया ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू अच्छा वॉल्यूम क्योंकि मिलीलीटर में था तो ये मिली मोल्स आया इतने मिली मोल हमारे पास क्या लगे हैं सर एच सी एल के लगे हैं पहला एक बात हमें पता चल गई मोल्स ऑफ एच सी एल मिली मोल्स हैं ये याद रखिएगा मिली मोल्स ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड इज ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू अब हम क्या करेंगे सर इक्वेशन से कार्बोनेट्स के मोल कैलकुलेट करेंगे चलिए तो हमने क्या पता कर लिया सर हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच रिक्वायर्ड है तो पता कर लिया अब इसके बाद हमें क्या चाहिए ये सुनते हैं एक ग्राम दे रखा है किसका लिथियम कार्बोनेट और मेटल कार्बोनेट का लेकिन हमें पता करना है मेटल कार्बोनेट का याद रखना हमें पता क्या करना है मेटल कार्बोनेट के नंबर ऑफ मोल्स अब हम आएंगे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने पे तो आइए देखते हैं क्या करेंगे हम सबसे पहले अगर हम माने कि वेट ऑफ एलआई टू सीओ थ्री कार्बोनेट जो है इसको अपन एक्स मान लेते हैं क्या मान लेते हैं X. तो weight of metal carbonate, that is M2CO3, कितना हो जाएगा आप बोलेंगे ये हो जाएगा आपका वन माइनस एक्स क्योंकि दोनों मिला के तो एक ही ग्राम है ना आप बोलेंगे हाँ सर फिर मैंने बोला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लिथियम कार्बोनेट अब यहां पे लिखता हूं देखते जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल आई टू थ्री किसके बराबर होगा सर तो आप बोलेंगे ये बराबर होगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास गिवन वेट इज एक्स मोलर मास कितना होगा तो आइए एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं ऑक्सीजन का होता है कितना सर 16 16 3 48 48 plus 12 ये तो 60 हो गया कार्बोनेट वैसे भी आपको पता है लिथियम का वेट 7 है तो 7 जा 14 तो ये आ गया 60 plus 14 व्हिच कम्स आउट टू बी कितना हो जाएगा सर 74 मोल्स हो गए लिथियम कार्बोनेट के आराम से एक इन से सुनना और समझना अभी वही अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मेटल कार्बोनेट एम टू थ्री तो ये कितना हो जाएगा आप बोलेंगे सर ये वन माइनस एक्स को अपन डिवाइड करेंगे किससे वन माइनस एक्स को अपन डिवाइड कर देंगे सिंपली आपके आ, क्या कहते हैं मेटल के वेट से है क्या होगा वो आइए देखते हैं आपने बोला सर यहाँ पे आ जाएगा मेटल का मास जो है टू इसका मास एम लिख लेते हैं एम और कार्बोनेट का मास हो जाएगा 60 तो ये हो गया मास ये क्या हो गया सर सिंपली नंबर ऑफ मोल्स दोनों के इन दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हो गए आपने बोला हाँ, सर अगर कार्बोनेट के मोल हैं कुछ तो एच का मोल कितना रिक्वायर्ड होगा आप बोलेंगे सर उसका जस्ट डबल कितना रिक्वायर्ड होगा जस्ट डबल ट्वाइस तो मैं यहां से कह सकता हूं इन दोनों रिएक्शन से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच सी एल रिक्वायर्ड ये कितना हो जाएगा सर देखो इसके जो भी मोल है उसका डबल अपने को क्या चाहिए सर एच सी एल चाहिए तो आप बोलेंगे ये इन दोनों के मोल के डबल हो जाएगा तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच एल रिक्वायर्ड विल बी इन दोनों का सम x अपॉन सेवेंटी फोर प्लस वन माइनस एक्स अपॉन टू एम प्लस सिक्सटी और इस पूरे को अपन मल्टीप्लाई कर देंगे किससे टू से इसका डबल जो है ये एक्चुअली में किसके बराबर हो जाएगा तो आप बोलोगे एक्चुअली में बराबर हो जाएगा मिली मोल्स ऑफ एच सी एल दैट इज़ ट्वेंटी टू पॉइंट टू टू इंटू टेन की पावर माइनस थ्री मोल्स इसके बराबर हो जाएगा सर और फिर हम क्या करेंगे फिर यहाँ से हम इस एक्सप्रेशन को फिर यहाँ से हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके हमें ये वैल्यू पता लग जाएगी सॉल्व करके हमें ये वैल्यू पता लग जाएगी क्या मेरी बात समझ में आई बताइए हाँ या ना एक एक्सप्रेशन ये हो गया सर इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे क्लियर है मेरी बात बताइए है ना क्लियर है मेरी बात इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लेंगे सर फिर हम चलते हैं दूसरे सवाल पर अच्छा एक चीज़ और है इसमें इसमें एक चीज़ और है अगर इसका वेट एक ग्राम दे रखा है है ना और यहाँ पे दे रखा है कि द मिक्सचर ऑफ इक्वल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इतना एंड इतना दोनों के मोल्स इक्वल हैं तो दोनों के मोल इक्वल होने का मतलब है आप एक एक्सप्रेशन में तो काम चलेगा नहीं ना यार क्यों क्योंकि सर हमारे पास एक वेरिएबल एक्स है दूसरा वेरिएबल एम है दोनों के मोल इक्वल हैं तो हम क्या करेंगे तो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं तो हम सिंपली ये बात कह सकते हैं कि सर एक्स अपॉन सेवेंटी फोर इज इक्वल टू वन माइनस एक्स अपॉन टू एम प्लस सिक्सटी ये हो गया हमारा दूसरा एक्सप्रेशन तो ये दो एक्सप्रेशन इन दोनों एक्सप्रेशन से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं ठीक है ये दो एक्सप्रेशन इन दोनों एक्सप्रेशन से अपन इसको सॉल्व कर सकते हैं या आप सीधा सीधा यहां से कहेंगे कि सर जितना इसके मोल है उसका डबल इसका मोल है तो इन दोनों के मोल्स को अगर अपन मिलाएंगे तो एक्स अपॉन सेवेंटी फोर इंटू टू मतलब एक्स अपॉन थर्टी सेवन हो जाएगा और इसको टू से मल्टीप्लाई करेंगे टू एक्स अपॉन थर्टी सेवन बराबर हो जाएगा इसके यहां से भी अपन सॉल्व करेंगे अपन क्या करेंगे सर यहां से सॉल्व फॉर X एंड देन M. पहले X के लिए सॉल्व कर लो फिर M के लिए सॉल्व करो आपको आंसर मिल जाएगा दो इक्वेशन दो वेरिएबल विल गेट द आंसर अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल ये रहा हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। देखने में बड़ा भयंकर सवाल है ये भी इसी के लिए कभी भी न्यूमेरिकल आंसर टाइप का सवाल है तो आपको हमेशा याद रखना आसान पांच सवाल करने हैं शुरू से लेकर अंत तक पांच सवाल नहीं करने जो आपको चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा, उसी से पांच सवाल नहीं करने आसान वाले पांच सवाल चुनने हैं क्योंकि कुछ सवाल बहुत जैसे पिछला सवाल लेंदी है सर कैलकुलेशन इसकी लेंदी जाएगी आइए देखते हैं ये कह रहा है कि अ पीस ऑफ एलुमिनियम वेगिंग ट्वेंटी सेवन ग्राम एल्युमिनियम सत्ताईस ग्राम था रिएक्टेड विथ दो सौ एम एल इतना 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 स्पेसिफिक ग्रेबिडी फैलाना डिमकाना इतना परसेंट बाई वेट आफ्टर द मेटल इज कंप्लीटली डिजॉल्व सेवेंटी थ्री ग्राम ऑफ कैल एच सी एल इज एडेड एंड द सोल्यूशन इज फर्दर डायल्यूटेड टू फाइव हंड्रेड एम एल द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस एन इन द फाइनल सोल्यूशन अच्छा बहुत सारा काम किया हमने सबसे पहले हमने क्या किया सर एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया है किसके साथ एल्यूमिनियम का रिएक्शन करवाया H2SO4 एच टू फोर के साथ मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो क्या बनेगा सॉल्ट बनेगा दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट ए एल टू फोर होल थ्राइस और साथ ही साथ क्या बन जाएगा सर एच टू गैस लिबरेट हो जाएगी ठीक है यस yes, सर बैलेंस करेंगे तो आप बोलोगे सर यहां पे थ्री लगा लो यहां पे टू लगा लो और इसके हिसाब से यहां पे थ्री लगा लो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एल्यूमिनियम की बात करें तो हमें साफ साफ दे रखा है एल्यूमिनियम के हमारे पास मोल सत्ताईस ग्राम मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम कितना हो जाएगा गिवन वेट अपॉन मोलर मास दैट इज वन मोल तो एलुमिनियम के हमें मोल दे रखे एक मोल सल्फ्यूरिक एसिड का मोल निकालना है तो यहां पे आ जाते हैं सर हमारे पास 200 ml एम एल सल्फ्यूरिक एसिड है कितना 200 ml इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.8 दे रखी है। इसका मतलब बेसिकली हमें डेंसिटी जो है इसकी 1.8 ग्राम पर एमएल रखिए इसका मतलब यह है कि एक एम का वेट 1.8 ग्राम है इसका सीधा सीधा मतलब यह होता है ना इसका मतलब क्या है सर वन एम बराबर वन ग्राम तो अपन ने बोला 200 सौ किसके बराबर हो जाएगा 200 सौ बराबर हो जाएगा 200 हंड्रेड वन पॉइंट एट ग्राम तो इसको जीरो से पॉइंट उड़ा दिया इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया है ना तो ये कितना आ गया सर बेसिकली 360, देख लेना एक बार 360 ग्राम आ गया हमारे पास क्या H2SO4, तो वेट ऑफ H2SO4 ये डब्ल्यू एच टू एस आया सर वेट ऑफ H2SO4 है क्या नहीं सर ये है वेट ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूशन है ना तो यहां पे लिखता हूं वेट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो कितना आया सर थ्री ग्राम आपने बोला ठीक है वेट ऑफ एच कितना हो जाएगा तो वेट ऑफ एच इसके लिए हमें परसेंटेज प्योरिटी दे रखी है फिफ्टी तो ये हो जाएगा आपका 54.5 फोर पॉइंट अपॉन हंड्रेड इन टू इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बारी निकाल लेते हैं कैलकुलेटर है हमारे पास आप तो वैसे कैलकुलेटर से नहीं कर सकते सर आपको यूज़ करना भी नहीं चाहिए मैं बस सवाल को जल्दी और गलत ना करूं इसलिए यूज़ कर रहा हूं देखिए तो दिस इज़ 54.5 फोर मल्टीप्लाइड बाई थर्टी सिक्स ये कितना आ गया वन नाइन सिक्स टू इसको डिवाइड कर दिया हमने किससे टेन से तो ये लगभग वन नाइनटी सिक्स पॉइंट टू आ गया कितना आ गया दिस कम्स आउट टू बी वन सिक्स पॉइंट टू तो हमें पता सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एच टू एस ओ फोर कितना हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू वन नाइनटी सिक्स पॉइंट टू बाई दैट इज 98 एट इसको डिवाइड कर देंगे नाइन्टी एट से तो ये दो मोल के बराबर टू पॉइंट जीरो 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 टू तो हटा दे भाई जीरो 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 टू हटा दे ये लगभग लगभग दो मोल आ गया सर कितना आ गया दो मोल आ गया अपने पास दो मोल ठीक है यस yes, सर अब हम क्या करते हैं सर लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए वन को डिवाइड करेंगे टू से और टू को डिवाइड करेंगे थ्री से तो हमें पता चला ये हमारा ये हमारा एल आर लिमिटिंग रिएजेंट तो जितने भी प्रोडक्ट बनेंगे वो लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से बन जाएंगे तो आप बोलोगे सर इसके एक मोल से आराम से देखिएगा इसके एक मोल से इसका पॉइंट फाइव मोल बनेगा कैसे पता किया सर हाफ बन रहा है और ये बाई टू टाइम्स बन रहा है तो ये वन पॉइंट फाइव मोल बनेगा ये रिएक्ट कितना करेगा इसके दो मोल से तीन रिएक्ट करता है तो एक से वन पॉइंट फाइव रियक्ट करेगा तो आप बोलोगे अमाउंट ऑफ एच टू एसओ फोर लेफ्ट अनरिएक्टेड क्या लेफ्ट अनरिएक्टेड ये कितना हो जाएगा सर तो आपने बोला बड़े आराम से कि सर देखो टू मोल था दो मोल से इसका एक मोल मतलब तीन मोल से इसका दो मोल रिएक्ट करता है ठीक है सर इसके एक मोल से मतलब इसके दो मोल से कितना रिएक्ट करेगा ये तो एक मोल पूरा रिएक्ट करेगा नहीं सर है ना ये बच जाएगा सर ये बच जाएगा तो इसके एक मोल से इसका कितना मोल चाहिए वो हमें पता लग जाएगा दैट इज़ 1.5, तो 1.5 ये रिएक्ट कर जाएगा तो दिस इज 2 माइनस वन पॉइंट फाइव विच कम्स आउट टू भी जीरो मोल आधा मोल एच बचा आराम से अभी सुनना आधा मोल एच टू एसओ फोर बच गया इसको अपन ने क्या किया इस भाई साहब को अपन ने हाईलाइट करके रख दिया यार क्योंकि हमें एच प्लस का चाहिए फाइनली। तो हमें जितने भी एसिड है उन सबका कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होगा फिर हमने क्या ऐड किया सर हमने सेवनटी थ्री ग्राम एच सी एल भी ऐड किया ठीक है सर वेट ऑफ एच सी एल देवेंटी थ्री ग्राम ने बोला नंबर ऑफ मोल एच सी एल ये कितना हो जाएगा सेवन डिवाइडेड बाई थर्टी सिक्स पॉइंट फाइव जो कि आ गया टू मोल्स HCl कितने हमने ऐड किए दो मोल ऐड किए ठीक है हां अब आते हैं सर हमारे पास सॉल्यूशन में H2SO4 है कितने मोल आपने बोला सर ये है 0.5 मोल हमारे पास सॉल्यूशन में HCl है कितने मोल आपने बोला सर ये है दो मोल ये अभी अपन ने निकाला ये अपन ने ऐड किया निकाला सर H+ की बात करें तो ये हमें H+ कितना दे देगा ये H+ दे, दे देगा 2 0.5 मोल दैट इज 1 मोल और यहां से हमारे पास कितना H+ प्लस आ जाएगा यहां से हमारे पास दो मोल से दो मोल ही H+ प्लस आ जाएगा तो H+ प्लस के टोटल मोल H+ प्लस टोटल मोल्स कितने हो गए सर हमारे पास H2SO4 से आने वाले मोल और HCl से आने वाले मोल वन प्लस टू दैट इज थ्री मोल्स ये कितने हो गए थ्री मोल्स हो गए सर। बहुत ही बढ़िया बात है अब हमसे पूछा देशन ऑफ एच प्लस इन फाइनल सोल्यूशन इज और हमने क्या बोला देखिए ध्यान से एडेड एंड द सोल्यूशन इज फर्दर डल्यूटेड टू 500 हंड्रेड सॉल्यूशन मतलब हमने सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है वो 500 कर दिया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस कितना हो जाएगा आप बोलोगे ये हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्लस दैट इज थ्री डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इन लीटर जो कि है 0.5 तो ये फाइनल आंसर जो है वो आ गया थ्री इंटू टू दैट इज सिक्स मोलर तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा सर आंसर विल बी छ

है 500 ml में अगर 3 मोल एक लीटर में होते तो 3 मोलर आंसर होता लेकिन ये 500 ml में है तो आंसर इसका डबल हो जाएगा दैट इज 6 मोलर तो ये हमारा आंसर हो गया सर इसके बाद अपन अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग ऑल द एटम इन अ पर्टिकुलर एक्साइटेड स्टेट अब्सॉर्ब रेडिएशन इन अ पर्टिकुलर वेवलेंथ ठीक है अ uh, मतलब एक जगह प्रेजेंट थे एक एक्साइटेड स्टेट में प्रेजेंट थे इस एक्साइटेड स्टेट से इन्होंने क्या किया सर एनर्जी अब्सॉर्ब की और फर्दर एक्साइट हो गए है ना फर्दर ये एक्साइट हो गए ठीक है बहुत अच्छी बात है गेट एक्साइटेड टू अनदर एक्साइटेड स्टेट ये फर्दर एक्साइट हो गए व्हेन द एटम फाइनली डी एक्साइट्स टू द ग्राउंड स्टेट ये जब ग्राउंड स्टेट में आते हैं ग्राउंड स्टेट का मतलब है ये आ गया n बराबर 1 पे दे एमिट रेडिएशन ऑफ टेन डिफरेंट वेवलेंथ मतलब दस अलग अलग वेवलेंथ देखने को मिल रहा है तो अपन सीधा बोलेंगे डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या होता है तो आप बोलेंगे सर एन टू माइनस एन वन एन टू एन टू माइनस एन वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू यह नंबर ऑफ डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइन ये किसके बराबर है सर यहां पे हमें दे रखा है ये बराबर है टेन के किसके बराबर है दस के बराबर है या ना आपने बोला हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर एन वन की वैल्यू हमें पता है सर कितनी है वन तो हमने लिखा एन टू माइनस वन इन टू एन टू माइनस वन प्लस वन अपॉन या इसको ऐसे कर लेते हैं बराबर टेन तो यहाँ से आपने किया एन टू माइनस वन और ये वन से वन कट गया इन टू एन टू ये किसके बराबर है सर ये बराबर है दस के या सॉरी ये दो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा ना तो ये बराबर हो जाएगा बीस के ये बराबर हो गया 20 के इसका मतलब दो कंजिक्यूटिव नंबर जिनका प्रोडक्ट 20 आएगा तो आप क्या बोलोगे सर ये नंबर्स हो जाएंगे क्या क्या तो ये नंबर हो गए फोर और फाइव तो फाइव की वैल्यू एन टू हो गई इसका मतलब यहाँ पे ये जो वैल्यू आ गई ये फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तक गए थे तक गए थे मैक्सिमम ये कहा गया था फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट तक ठीक है हाँ सर फिर अपन यहाँ जाते हैं पाँच से चार पाँच से तीन तीन से दो यहाँ पर हमें ये सारे एक्साइटेशन मिलेंगे अब हमें यह कह रहा आउट ऑफ दीज सेवन है छोटी होने का मतलब क्या है सर? कम होने का मतलब है एनर्जी ज्यादा क्योंकि वेवलेंथ और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और साथ ही साथ टू हैव वेवलेंथ लॉन्गर देन दो की वेवलेंथ ज्यादा है दो की वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब टू हैव वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ ज्यादा होने का मतलब है एनर्जी कम है इनकी एनर्जी जो है उनकी क्या है सर एनर्जी जो है इनकी कम है मतलब दो एक्साइटेशन की एनर्जी इनसे कम है और एनर्जी कम कब होती है सर हमें पता है जब हम लोअर वाले ऑर्बिट में जाते हैं नीचे जाते जाएंगे ना नीचे जाते जाएंगे तो एनर्जी कम होती जाएगी तो आइए देखते हैं अगर हम यहाँ से यहाँ जाएँ तो सबसे कम एनर्जी का ट्रांजिशन यही है सर सबसे कम एनर्जी गैप पहले दो में होती है उसके बाद अपन बात करें तो दूसरे नंबर पर ये है सर इसकी एनर्जी दूसरे नंबर पे आती है इसकी एनर्जी तीसरे नंबर पे आती है तो अगर मतलब मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ दो ही एनर्जी इससे कम है ना दो ही जो है वो आ, क्या कहते हैं एब्सॉर्ब वेवलेंथ जो है वो लॉन्गर है यानी दो ट्रांजिशन की एनर्जी कम है इसका मतलब ट्रांजिशन थर्ड स्टेट से हो रहा था पहले तो यहाँ पे आप बोलेंगे एन का एक्चुअल पोजीशन जो था वो थर्ड था मतलब जो हमसे शुरू में एक्साइटेड स्टेट दिया गया था जहाँ से हमने फिफ्थ पे लेके गए वो कौन सा एक्साइटेड स्टेट था सर थर्ड एक्साइटेड स्टेट था तो हमारा इनिशियल एक्साइटेशन थर्ड एक्साइटेड स्टेट से हुआ है है ना इनिशियल एक्साइट एक्साइटेशन हमारा थर्ड एक्साइटेड स्टेट से या सॉरी मैं गलत कह रहा हूँ इनिशियल एक्साइटेशन थर्ड एक्साइटेड स्टेट से नहीं इनिशियल एक्साइटेशन n बराबर थ्री से हुआ है थर्ड शेल से एक्साइटेशन हुआ है ऊपर की तरफ आगे चलते हैं सर क्योंकि अगर हम मान लो एक्साइटेशन फोर से थ्री पे लेते ना तो सीधी सीधी बात यह थी कि यहाँ हमारे पास तीन वेवलेंथ बड़े आ जाते सर तो आगे चलते हैं सर नेक्स्ट तो हमसे वैल्यू ऑफ एक्स पूछा है सवाल क्या पूछा द ऑर्बिट नंबर ऑफ द इनिशियल एक्साइटेड स्टेट ऑफ एटम एज एक्स एक्स की वैल्यू हो गई थ्री अगले सवाल पे चलते हैं अगला सवाल भी ऐसा ही है मजेदार सा आइए देखते हैं ये कह रहा डायमीटर ऑफ अ डस्ट पार्टिकल ऑफ मास मासन की पावर माइनस ग्राम इज टू एम स्ट्रॉन्ग ठीक है द स्पीड ऑफ दिस डस्ट पार्टिकल इज मेजर्ड विद अनसर्टेनिटी ऑफ इतना द मिनिमम अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरिंग इन पोजिशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल विल बी तो हमें पता है सर मिनिमम वैल्यू के लिए हमें क्या करना होता है हमें पता है सर डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी ये किसके बराबर होता है ये फोर अपॉन या एच अपॉन फोर पाई के बराबर हो जाता है यही से अपन सॉल्व करते हैं इसके अलावा तो कोई फॉर्मूला नहीं है सिंपल हाइजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को मैक्सिमम वैल्यू के लिए अपन ने कर दिया है अगर हमें क्या पूछा है द मिनिमम अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजिशन तो डेल्टा एक्स मिनिमम ये किसके बराबर होगा आप बोलोगे ये बराबर हो जाएगा एच अपॉन फोर पाई एम इंटू डेल्टा बी हाँ या ना यस सर सारी वैल्यू फेंक के मार रहे यहाँ पे हमें आंसर मिल जाएगा ठीक है कैसे एच की वैल्यू क्या है एच की वैल्यू सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स या इसके लिए अपन केवल सिक्स या चलो सिक्स पॉइंट सिक्स टू सिक्स इंटू टेन के पार माइनस थर्टी फोर ले लेते ले 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 हैं डिवाइडेड बाई फोर की वैल्यू तो फोर ही है पाई की वैल्यू पाई रहने देते हैं क्योंकि ये वाला पाई कैंसल आउट कर देगा इसको एम की वैल्यू हमें पता है कितनी थी सर टेन की पावर माइनस थ्री और ये वैल्यू है थ्री पॉइंट थ्री 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 वन थ्री टेन की पावर माइनस थ्री डिवाइडेड बाई किससे डिवाइड करेंगे सर आप बोलोगे इसको अपन डिवाइड करेंगे आ, 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 पाई से तो पाई से पाई उड़ गया ये टू टाइम्स में चला गया सर ये कितने टाइम्स में चला गया टू टाइम्स में इसने इसको उड़ा दिया ये वन बाई टू आ गया तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या बचा ये देखते हैं वन बाई टू इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर प्लस सिक्स यह आ गया वन बाई टू इंटू टेन की पावर इसको आकर अपन सॉल्व करेंगे तो ये माइनस ट्वेंटी एट आ रहा है कितना आ रहा है माइनस ट्वेंटी एट है ना हमें पूछा माइनस ट्वेंटी सिक्स के ऑर्डर में हमें किसके ऑर्डर में पूछा है सर माइनस ट्वेंटी सिक्स के ऑर्डर में पूछा है तो अपन क्या करेंगे सर इसको माइनस ट्वेंटी सिक्स करने के लिए इसको माइनस ट्वेंटी सिक्स करने के लिए हम यहाँ पे हंड्रेड से मल्टीप्लाई भी करेंगे और हंड्रेड से डिवाइड भी कर देंगे क्लियर है क्या ये बात और फिर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा सर फिर हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी आई होप ये बात आपको क्लियरली समझ आ गई होगी कुछ गड़बड़ तो नहीं किया हमने देख लेते हैं हाँ ये ऑलमोस्ट ठीक है अच्छा एक मिनट रुकना यहाँ पे अगर हम हाँ एक गड़बड़ी अपन ने करी है मेरे को लग रहा था भाई है ना यहाँ पे एक गड़बड़ी ये किया है कि भाई एक बात पता ये तो मास ग्राम में दे रखा है ना ग्राम इज नॉट एसआई यूनिट ये एसआई SI यूनिट तो नहीं है ऐसा यूनिट में हमें लिखना है तो ये टेन की पावर माइनस सिक्स किलोग्राम्स हो जाएगा तो वेट की वैल्यू यहाँ पे मास अपन टेन की पावर माइनस सिक्स रखेंगे तो ये सारी वैल्यू कट कुटा के जो आएगी वो कितनी आ जाएगी सर वन बाई टू इंटू टेन की पावर माइनस थर्टी फोर और ये आ गया नाइन तो ऊपर गया प्लस नाइन ये फाइनल वैल्यू आ गई वन बाई टू इंटू की पावर इसको माइनस किया तो ये माइनस आया माइनस ट्वेंटी फाइव को अगर अपन को टेन की पावर ट्वेंटी सिक्स करना है तो मैंने मल्टीप्लाई किया टेन से और मैंने डिवाइड किया टेन से ये वैल्यू जाके बन गई कितनी टेन बाई टू इन टू टेन की पावर माइनस ट्वेंटी सिक्स इसको छोड़ दिया टेन बाई टू की वैल्यू विल बी फाइव तो इसका आंसर आ गया हमारे पास पाँच फाइव इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन फिर हम चलते हैं अगले सवाल पे और ये सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है ऑफ द पेपर सवाल कह रहा था सरकम ऑफ सेकेंड ऑर्बिट ऑफ एन एटम और आयन है ना तो सेकेंड ऑर्बिट को चार मतलब मतलब नैनोमीटर के बराबर है बहुत अच्छी बात है आगे लिखता है द डी बॉगली वेव लेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन नैनोमीटर रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इज एक्स एक बात हमें पता है सर क्या डी रॉगली वेवलेंथ जो है ना एन इंटू लैमडा यह किसके बराबर होता है सर ये सरकमफरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट के बराबर होता है तो आप बोलेंगे ये टू बाई आर और कौन सा आर सर एन एथ जिस भी ऑर्बिट की अपन बात कर रहे हैं तो यहां से हमसे आगे क्या पूछा है द डी रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन दिस ऑर्बिट इज एक्स हमसे पूछा है देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एक्स की वैल्यू हमें पता करनी है ठीक है एन की वैल्यू पता है हमें टू है तो मैंने क्या बोला सर यहां पे बोला कि देखो यार टू लैमडा जो है या लेमडा की वैल्यू एक्स है टू इंटू एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा सरकम फेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिटिकम फेरेंस ऑफ दैट ऑर्बिट इज फोर नैनोमीटर तो इसको मैंने फोर नैनोमीटर रख दिया तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आ गई सर टू आ गई बहुत सिंपल सा सवाल था ये सवाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ही सिंपल था मैं फिर रिपीट कर रहा करूँ क्या ये सिंपल से ये बात है कि सर अगर बोहर एटॉमिक मॉडल के हिसाब से अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करता है उसके लिए बोहर साहब ने क्या दिया था कि सर आप ये पाएंगे कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h अपॉन टू पाई होता है क्या और वाइटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज़ एम वी आर जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ़ एन एच अपॉन टू पाई होता है इसको सॉल्व करके हमने ये देखा कि किसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो घूमता है उसमें नंबर ऑफ वेव उसका जो सारा का सारा वेवलेंथ का सम होगा वो किसके बराबर होगा सर वो बराबर हो जाएगा सरकम के और कितने वेव बनेंगे उसमें वो बराबर होता है आपके नंबर ऑफ ऑर्बिट के तो एन वे बनेंगे तो एन लेमडा हुआ एन लैमडा जो हुआ वो किसके बराबर हो जाएगा सर टू पाई के इसी फॉर्मूले को अपन ने यूज किया और यहां से सीधा सीधा आंसर निकाल दिया टू बड़ा ही फर्जी सा सवाल था अगले सवाल पे चलते हैं देखने में बहुत भयानक सॉल्व करने में गति आसान आइए देखते हैं ये कह रहा था श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर एन हाइड्रोजन एटम इसमें साई टू एस जो है इतना बड़ा वैल्यू दे रखा है ठीक है नॉट इज बोहर रेडियस फ रेडियल नोड ऑफ टू एस बी एट आर नॉट देन द वैल्यू ऑफ आर नॉट अपॉन ए नॉट इज अगर आर नॉट आर नॉट की वैल्यू पर रेडियल नोड होता है तो आपको वैल्यू पता करना है तो मुझे पता है सर क्योंकि दिस इज द रेडियल पार्ट तो एट नोड एट रेडियल नोड अपन को क्या पता होगा सर साई ऑफ टू एस विल इक्वल विल बी इक्वल टू जीरो साई स्क्वायर को जीरो कर लो भाई साई स्क्वायर जीरो है और साई स्क्वायर जीरो है तो साई जीरो होगा आपने बोला ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती ये वैल्यू जीरो हो नहीं सकती सिर्फ और सिर्फ यही वैल्यू बचती है तो हम बोलेंगे एक्ट नोट आपको क्या देखने को मिलेगा टू माइनस आर नॉट अपॉन ए नॉट बराबर जीरो और यहां से आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा टू इज इक्वल टू आर नॉट अपॉन ए नॉट और आगे सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा सर क्या आर नॉट इक्वल टू टू ए नॉट आर नॉट जो है वो दो ए नॉट के बराबर आ जाएगा छा में पूछा क्या था देन द वैल्यू ऑफ आर नॉट अपॉन ए नॉट तो ठीक है यहीं समय मिल गया आर नॉट अपॉन ए नॉट एज इक्वल्स टू टू तो इसका आंसर इस सवाल का भी आंसर क्या हो जाएगा सर दो हो जाएगा सो दैट्स वी सम है ना ये हमारा पूरा का पूरा इस टेस्ट का सोल्यूशन हो गया मैं फिर बोलूंगा टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो ये सवाल कुछ है, ऐसे सवाल जैसे अपन अगर चलें तो ये वाला सवाल दिस वॉज अ वेरी गुड क्वेश्चन सोचने वाली बात थी और इतना बड़ा सवाल देख के मैक्सिमम बच्चे करते भी नहीं है है ना फिर अपन देखें ये सवाल लेंदी सवाल था वेरी लेंदी अगर आप इसको करने को जाओगे आपको पेपर में पूरा टाइम नहीं मिलेगा टाइम कम पढ़ ही जाएगा फिर अगर अपन बात करें ये वाला सवाल अगेन दो इक्वेशन दो वेरिएबल सॉल्व करना है वेरी लेंदी क्वेश्चन है ना फिर अपन अगर ये वाला सवाल देखें तो ये भी थोड़ा लेंदी है लेकिन बाकियों से आसान है क्योंकि एक ही वेरिएबल में काम हो जाएगा ये सवाल देखें बहुत आसान सा सवाल ये सवाल देखें बहुत आसान सिर्फ़ लॉजिकल अप्रोच का सवाल ये सवाल देखें बहुत आसान सिर्फ़ लॉजिकल अप्रोच का सवाल है ना तो इस तरीके से आपको सॉल्व करने होते हैं आपको सिर्फ़ वो सवाल नहीं करने जो बहुत भारी हैं या ऐसा है आपको वो सवाल करने हैं उन पांच में से न्यूमेरिकल आंसर टाइप में पाँच में से वो मतलब दस में से वो पाँच सवाल करने हैं जो आप आसानी से और जल्दी कर सकते हो है ना तो विद दिस वी कम टू एन एंड टू आवर केमिस्ट्री वाला पार्ट केमिस्ट्री वाला पार्ट में बेसिकली अपन तीन चैप्टर के खूब सारे सवाल अपन ने किए है ना इन तीन चैप्टर्स के खूब सारे सवाल किए आई होप आपने अच्छा फोड़ा होगा अगर नहीं फोड़ा है तो फिर से एक बार उठिए अगले टेस्ट के लिए जोरदार तैयारी कीजिए अपनी कमर कस लीजिए है ना क्योंकि अगला टेस्ट भी बहुत मज़ेदार होने वाला है सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड बाकी आगे के पोर्शन कंटिन्यू होंगे अच्छे से देखिए और डू वेल इन योर अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड बाय बाय टेक केयर जय हिंद हेलो बच्चा लोग कैसे हैं आप सब लोग आशा करता हूँ सबका दिन अच्छा जा रहा होगा हम आ गए रियल टेस्ट के पेपर डिस्कशन पे तो पेपर आपका अच्छा गया होगा मैं मान के चलता हूं ठीक पेपर था बैलेंस पेपर था आपको पूरी अच्छे से रिवीजन भी हो गई होगी तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं देखते हैं कैसे इनके सोल्यूशन होगा पहला सवाल द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी सर जिसमें ए ये है और बी सेट आपका ये है यानी कि ए बी से बड़ा होना चाहिए तो ऐसे कितने कॉमन एलिमेंट्स होंगे ठीक है तो सर मेन तो यही है यहां पे अगर मैं देखूं तो थ्री बी स्क्वायर आपका बन जाएगा ट्वेंटी एट माइनस का ए स्क्वायर तो बी स्क्वायर हो जाएगा ट्वेंटी एट माइनस ए स्क्वायर बाई थ्री ये हो जाएगा अब सर इंटीजर्स रखने हैं तो इंटीजर सब्सिट्यूट करते जाते हैं ए को सर अगर जीरो रखा तो सर कोई वैल्यू नहीं आएगी ए को जीरो रखने से कोई वैल्यू नहीं आएगी अब सर बी ए को अगर मैं वन रखता हूं मुझे ऐसी रखना पड़ेगा जो थ्री का मल्टीपल बने तो सर अगर प्लस और माइनस वन रखा तो सर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी ट्वेंटी एट माइनस वन ट्वेंटी सेवन बाई थ्री यानी कि नाइन तो सर बी की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस थ्री ठीक है एक बार पहले पेयर्स बना लेते हैं फिर सर इसके बाद अगर ए की वैल्यू को अब सर टू रखूंगा तो टू स्क्वायर होगा फोर ट्वेंटी एट माइनस फोर ट्वेंटी एट माइनस फोर ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बाय थ्री सर एट वो सर क्यूब वो दे देगा तो वो भी नहीं ले सकते फिर थ्री अगर मैंने रखा प्लस और माइनस थ्री ट्वेंटी वो भी नहीं रख सकते फोर अगर रखा सर फोर का स्क्वायर तो प्लस और माइनस फोर तो उस केस में आपका बी स्क्वायर कितना हो जाएगा ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटीन बेटा ट्वेंटी एट माइनस सिक्सटीन होगा ट्वेल्व ट्वेल्व बाई थ्री आपका बन जाएगा ट्वेल्व बाई थ्री आपका बन जाएगा फोर तो b की वैल्यू हो जाएगी प्लस और माइनस टू प्लस और माइनस टू ये हो जाएगी अब अगर सर प्लस और माइनस फाइव रख दू ट्वेंटी एट माइनस ट्वेंटी फाइव तो सर थ्री बाय थ्री वन तो b की वैल्यू आ जाएगी प्लस और माइनस वन लीजिए सर ये पेड़ बन रहा है अब इसके बाद सर और कोई वैल्यू में नहीं रख सकता ठीक है ना क्योंकि बी स्क्वायर है सिक्स रखूंगा थर्टी सिक्स ज्यादा हो जाएगा पर सर अब ये रहे ये जो पेयर हैं इस पेयर्स में मैं ऐसी वैल्यूज लेनी है जहां पे ए बी से बड़ा होगा जहां पे ए जो है वो बी से बड़ा हो जाना चाहिए ठीक है तो सर पहली बात प्लस वन मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं ए कॉमा बी ले रहा हूं तो सर वन कॉमा माइनस थ्री लिख सकता हूं क्योंकि वन माइनस थ्री से बड़ा है वहीं पे फोर सर टू से बड़ा है और फोर सर माइनस टू से भी बड़ा है ठीक है ना वहीं पे सर फाइव वन से बड़ा है और फाइव माइनस वन से भी बड़ा है यह भी सही है सर और सर एक और चीज माइनस वन माइनस थ्री से बड़ी है सर माइनस वन माइनस थ्री से बड़ी है तो कितने पेयर हो गए एक दो तीन चार पांच छह तो आंसर हो जाएगा सर सिक्स पेयर्स कॉमन एलिमेंट्स हो जाएंगे आपके सिक्स पेयर्स इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था ठीक है थोड़ा कंफ्यूजिंग था कंफ्यूजिंग था पर आप इजीली कर सकते हैं देख लीजिए आंसर है फोर्थ ऑप्शन ठीक है चलिए अगला सवाल सर एक्स की वैल्यू साइन 130 थर्टी कॉस एटी वाई की वैल्यू ये और जेड ये है तो सर बस ग्रेटर देन जीरो लेस देन जीरो बताना है तो सर ये तो बहुत सिंपल है एक्स की वैल्यू सर साइन वन थर्टी को मैं साइन वन एट्टी माइनस फिफ्टी तो साइन फिफ्टी भी लिख सकता हूं और कॉस एटी दोनों ही पॉजिटिव है तो सर ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा वाई की वैल्यू सर साइन एटी लेकिन कॉस वन थर्टी हो जाएगा माइनस कॉस फिफ्टी सर ये नेगेटिव है तो सर ये हो जाएगा लेस देन जीरो लीजिए सर एक्स वाई आ गया अब z है सर वन प्लस एक्स वाई यानी कि वन माइनस साइन फिफ्टी कॉस एटी साइन एटी और कॉस फिफ्टी सर ये जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव होगी और लेस देन वन होगी तो सर ये क्या बन जाएगा वन माइनस कुछ वैल्यू बन जाएगी वन माइनस कुछ वैल्यू बन जाएगी तो यानी कि z की वैल्यू कहां से कहां लाई करेगी जीरो से वन के बीच में तो सर x पॉजिटिव y नेगेटिव यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका आंसर हो रहा है इतना सिंपल सवाल था बेटा ये इतना सिंपल ये सवाल था ठीक है अगला सवाल सर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल ए इज ग्रेटर देन बी इफ द मेजर्स ऑफ एंगल ए एंड बी सेटिस्फाइज द इक्वेशन सर ये सर अगर आप देखो ध्यान से ये क्या बन रहा है ये बन जा रहा है सर कॉस थ्री थीटा यानी कि कॉस थ्री एक्स ये बन गया अब बोल रहा है ए और बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो यानी कि मैं बोल सकता हूं कॉस थ्री ए इज इक्वल्स टू कॉस थ्री बी इज इक्वल्स टू के ये बोल सकते हैं ठीक है ना अब सर अगर दोनों इक्वल हैं तो एक केस होगा कि या तो थ्री ए इक्वल्स टू थ्री बी बन जाए या थ्री ए इज इक्वल टू टू पाई माइनस थ्री बी बन जाए फोर्थ क्वार में सर ठीक है तो सर ये तो एक्वल्स टू बी हो नहीं सकता क्योंकि हमें दिया हुआ है कि इफ मेजर ऑफ द सेटिसफाइज द इक्वेशन देन द मेजर ऑफ एंगल सी बोल रहा है और ए लेस देन टू पाई बाय थ्री है तो ये सर ये इक्वल नहीं हो सकता यहां से आ जाएगा सर ए प्लस बी इज इक्वल्स टू टू पाई बाय थ्री तो सर ए प्लस बी प्लस सी पाई होगा ए प्लस बी आपका टू पाई बाय थ्री प्लस सी हो जाएगा सी की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस टू पाई बाई थ्री यानी कि पाई बाई थ्री आपका आंसर हो जाएगा Second option. इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा ठीक है चलिए अगला सवाल क्योंकि यहां पे बोल रहा है सर इज ग्रेटर देन बी इसलिए ये इक्वल नहीं होगा सर ये बहुत ही सिंपल सवाल है अब अगर यहां पे इसको देखें तो यहां पे आपको नंबर मिलेंगे 15 के मल्टीपल्स 15 30 45 सो so ऑन और यहां पे आपको 6 के मल्टीपल्स मिलेंगे यानी कि 6 12 18 24 30 एंड सो ऑन तो सर देन द लीस्ट वैल्यू ऑफ डी यानी इन दोनों का इंटरसेक्शन तो सर दोनों का एलसीएम तो एलसीएम ऑफ 15 और 6 क्या बन के आएगा सर 30 तो सर आपको आंसर क्या हो जाएगा डी की वैल्यू 30 यानी कि फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा सर फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा ठीक है चलिए रेंज ऑफ दिस फंक्शन ठीक है सर पहले इसको सर एक्सपैंड कर लीजिए ये बन रहा है साइन पावर फोर एक्स और यहां से प्लस कॉस पावर फोर एक्स प्लस साइन पावर सिक्स एक्स प्लस कॉस पावर सिक्स एक्स तो सर यहां पे क्या बन जाएगा ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी और ये बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब क्योंकि सर इसको साइन स्क्वायर एक्स का होल क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब लिखेंगे माइनस थ्री ए बी इन ए प्लस बी ये बन जाएगा सर तो अब अगर ध्यान देंगे सर तो ये वन ये वन टू टू और थ्री सर ये बन जाएगा फाइव साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइव बाय फोर साइन टू एक्स का होल स्क्वायर ठीक है सर अब सर अगर इसकी मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो इसको मैक्सिमम करना पड़ेगा टू माइनस फाइव बाय फोर और मैक्सिमम चाहिए तो इसको मिनिमम करना पड़ेगा जो कि जीरो हो जाएगा तो टू माइनस जीरो तो यहां से आया टू फोर टू 8 माइनस फाइव थ्री बाय फोर तो सर रेंज बन जाएगी थ्री बाय फोर से लेके टू तक थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा चलिए अगले सवाल पे आते हैं अब सर एम ये दिया हुआ है एन ये दिया हुआ है अब इसको सर देखिए एम प्लस एन और एम प्लस एम माइनस एन पहले सर एम प्लस एन करके देखते हैं तो ये क्या बन जाएगा ए कॉस क्यूब ए प्लस थ्री ए कॉस ए साइन स्क्वायर ए प्लस ए साइन क्यूब ए प्लस थ्री ए कॉस स्क्वायर ए अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे सर ए को कॉमन लेंगे तो ए क्यूब बी क्यूब थ्री ए स्कवायर ए बी स्क्वायर थ्री ए स्क्वायर बी आपको दिख रहा है तो सर ये बन जाएगा आपका कॉस ए प्लस साइन ए का होल क्यूब लीजिए सर ए कॉमन लेके ये बन गया कॉस ए प्लस साइन ए का होल क्यूब सर सिमिलरली एम माइनस एन भी क्या बन जाएगा वो बन जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए का होल क्यूब ठीक है अब सर हमें इसकी वैल्यू चाहिए ठीक है तो एम प्लस एन का पावर टू बाय थ्री प्लस एम माइनस एन का पावर टू बाय थ्री तो इसको जब जब पावर टू बाय थ्री करेंगे तो ए का पावर टू बाय थ्री 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 कैंसिल ये बचेगा सर कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस टू कॉस ए साइन ए वहीं पे जब इस पे आप टू बाय थ्री लगाएंगे तो ए का पावर टू बाय थ्री क्यूब क्यूब कैंसिल कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस टू कॉस ए साइन ए तो ए का पावर टू बाय थ्री कॉमन कॉस स्क्वायर प्लस वन प्लस वन और सर ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा टू ए का पावर टू बाय थ्री यानी कि थर्ड ऑप्शन सर आपका आंसर बन जाएगा थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा चलिए अगले सवाल पे चलते हैं लेट जेड डिनोट द सेट ऑफ इंटीजर्स जहां पे एक ये है और एक ये है. सर modulus का सवाल है पहले इस पे देख लेते हैं सर इसका मॉड्यूल इन क्या होती है सर, ये लाई करेगा माइनस फोर से फोर तक थ्री को ऐड कर दीजिए सर माइनस वन एक्स सेवन वैसे ही सर ये लाई करेगा माइनस फाइव से फाइव तक फोर को ऐड कर दीजिए तो सर ये बन जाएगा नाइन तक इस तरीके से तो सर जब दोनों का इंटरसेक्शन करेंगे तो सर ये आएगा एक्स की वैल्यू लाई बिटवीन माइनस वन से सेवन तो x इंटीजर कौन कौन से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव और सिक्स यानी कि सर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा सिंपल सर सिंपल सा सवाल था ठीक है अगला सवाल कंसिडर दिस इक्वेशन देन मैच द फॉलोविंग मतलब के की अलग अलग वैल्यू के लिए आपको बताना है कि क्या क्या सही होगा सर ये सवाल हम ग्राफ से कर सकते हैं तो मॉड एक्स माइनस फोर प्लस मॉड टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल्स टू के चलिए अब इसका सर हम ग्राफ कैसे बनाते हैं इस पूरे को सर वाई मान लीजिए और एक छोटी सी टेबल बना लीजिए एक्स वाई सर जहां जहां पे जीरो हो रहा है फोर पे जीरो हो रहा है माइनस थ्री बाय टू पे जीरो हो रहा है इस तरीके से है ये अब सर फोर अगर मैं रखता हूं फोर माइनस फोर जीरो टू फोर जा एट प्लस थ्री सर ये बन रहा है इलेवन माइनस थ्री बाय टू रखिए सर ये जीरो हो रहा है ये हो जाएगा टू फोर जा एट यानी कि इलेवन बाई टू सर एक वैल्यू है फोर एक वैल्यू है आपकी माइनस थ्री बाई टू फोर पे है सर इलेवन और माइनस थ्री बाई टू पे है इलेवन बाई टू यानी कि ये इन दोनों को आप सर ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से अब एक वैल्यू आपको फोर के बाद लेनी है सर मान लेते हैं फाइव ठीक है और एक वैल्यू माइनस थ्री बाई टू के पहले लेनी है सर ले लेते हैं माइनस टू अब इस पे सर वैल्यू चेक करिए फाइव माइनस फोर वन और टू फाइव जेन टेन प्लस थ्री थर्टीन थर्टीन प्लस वन सर फोर्टीन हो जा रहा है माइनस टू माइनस फोर सर माइनस सिक्स यानी कि सिक्स और सर माइनस टू टू जोर सर माइनस वन प्लस वन यानी कि सेवन तो सर माइनस टू पे सेवन यानी कि सर यहाँ पे कहीं पे ऊपर में जाएगा और फाइव पे फोर्टीन सर वो और ऊपर जाएगा तो ये सर ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा ये ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा ये आपका ग्राफ बन जाएगा सर इसका कुछ इस तरीके से आपका यह ग्राफ बनेगा ठीक है अब k की वैल्यू पे डिपेंड करेगा चलिए आ जाते हैं पहला बोल रहा है सर k की वैल्यू अगर 11 बाई टू से बड़ी है अगर k की वैल्यू 11 बाई टू से बड़ी है तो सर वो हर बार दो पॉइंट्स पे कट करेगा यानी कि a का आंसर हो जाएगा टू सॉल्यूशन r a का आंसर हो जाएगा सर r फिर k की वैल्यू परफेक्ट 11 बाई टू है तो सर एक ही बार वो कट कर रहा है तो सर उसका आंसर हो जाएगा q यानी कि b का आंसर हो जाएगा सर q k की वैल्यू अगर लेस देन 11 बाई टू है तो सर वो एक बार भी कट नहीं करेगा तो आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन और अगर k की वैल्यू 11 है तो सर तब भी वो दो बार ही कट कर रहा है तो यानी कि डी का भी आंसर हो जाएगा आर टू सोल्यूशन तो एस सर कहीं पे भी नहीं आएगा तो जहां जहां एस है वो तो सर आप कैंसिल ही कर दीजिए तो सर यहां पे भी एस इंफाइट सॉल्यूशन तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है सर ए आर बी क्यू पी और डी आर फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा इस तरीके से ग्राफ की मदद से आप इजीली इसको कर सकते हैं ठीक है चलिए, अगला सवाल। पाई है और यह दिया हुआ है तो सर इसकी वैल्यू क्या होगी कभी भी इस बेटा ऑप्शन में ऐसा दिख जाए ना तो आपको करना क्या है कॉम्पोनेटो डिविडेंडर का जरूर यूज करना है तो यहां पे है साइन ए प्लस सी बाई टू साइन सी बाई टू इज इक्वल टू के बाई वन ये है अब सर कॉम्पोनेटो डिविडेंडो लगाएंगे ऊपर में माइनस ले जाइए तो सर साइन ए प्लस सी बाई टू प्लस साइन सी बाई टू के माइनस वन के प्लस वन अब सर साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला टू कॉस ए प्लस सी बाई टू प्लस सी बाई टू बाई टू साइन ए प्लस सी बाई टू माइनस सी बाई टू बाई टू ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय टू साइन ए प्लस सी बाई टू प्लस सी बाय टू बाई टू कॉस ए प्लस सी बाई टू माइनस सी बाय टू बाई ये हो जाएगा यहां पे सर ये और ये कैंसिल हो रहा है तो अब यहां पे देखो सर सी ए प्लस सी बाई टू यहां पर टू और टू भी कैंसिल हो गया तो सर ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा कॉस ए प्लस सी बाई टू साइन ए बाई टू डिवाइडेड बाई साइन ए प्लस सी बाई टू कॉस ए बाई टू इज इक्वल्स टू के माइनस वन के प्लस वन अब सर ए प्लस सी की जगह पे मैं पाई माइनस बी लिख सकता हूं तो सर पाई माइनस बी तो ये बन जाएगा कॉस पाई बाई टू माइनस सी बाई टू बी बाई टू तो सर ये बन जाएगा साइन बी बाई टू और डिनोमीटर बन जाएगा कॉस बी बाई टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू तो सर ये बन रहा है आपका टेन ए बाई टू टेन बी बाई टू आंसर फर्स्ट ऑप्शन इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे अगला सवाल द वैल्यू ऑफ कॉट एक्स प्लस कॉट दे सर आंसर में देखिए सारे के सारे आंसर टेन एक्स में है तो आपको बस सिंप्लीफाई करना है बेटा और कुछ भी नहीं है ये आपका क्या बन जाएगा वन बाई टेन एक्स प्लस वन बाई सर टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है टेन सिक्सटी यानी कि रूट थ्री प्लस टेन एक्स बाय वन प्लस सॉरी वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स और ये हो जाएगा सर कॉट वन टेन वन ट्वेंटी टेन वन ट्वेंटी होता है माइनस रूट थ्री सो माइनस रूट थ्री प्लस टेन एक्स बाय वन प्लस रूट थ्री टेन एक्स ऊपर ले जाइए तो वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स बाय रूट थ्री प्लस टेन एक्स वन प्लस रूट थ्री टेन एक्स बाय एक्स माइनस रूट थ्री अगर मैं एलसीएम ले लूंगा सर ये बन जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री अब यहां पे सर टेन एक्स माइनस रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स माइनस रूट थ्री प्लस थ्री टेन एक्स फिर प्लस रूट थ्री प्लस थ्री टेन एक्स प्लस टेन एक्स प्लस रूट थ्री टेन स्क्वायर एक्स ये हो जाएगा सर ये और ये कैंसिल ये और ये कैंसिल ठीक है और यहां पे वन बाई टेन एक्स अब सर अगर इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे ये बन जाएगा टेन क्यूब एक्स माइनस थ्री टेन एक्स तो यहां पे आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री प्लस सर थ्री प्लस थ्री सिक्स सिक्स प्लस वन सेवन सेवन प्लस वन एट तो एट टेन स्क्वायर एक्स जब एल लेंगे तो so, ये बन रहा है सर नाइन टेन स्क्वायर एक्स माइनस थ्री बाय टेन क्यूब एक्स माइनस थ्री टेन एक्स माइनस कॉमन ले लीजिए सर तो ये बन जाएगा थ्री माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाय थ्री टेन एक्स माइनस टेन क्यूब एक्स फोर्थ ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा ठीक है अगला सवाल इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है ये टू है तो इसकी वैल्यू क्या होगी ठीक है सर यहां से स्टार्ट करते हैं अगर इसको मैं स्क्वायर कर दूं ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी ये सर जीरो ही रहेगा पर इसकी वैल्यू सर टू है तो टू टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका माइनस टू हो जाएगा और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हो जाएगी माइनस वन ठीक है अब इसको स्क्वायर करिए सर ये आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस सर टू ए बी सी अगर कॉमन ले लेंगे तो आएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू वन पर सर ये वैल्यू तो ए प्लस बी प्लस सी तो जीरो है तो यहां से आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर वन के बराबर ठीक है अब सर यहां पे स्टार्ट करिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टू है स्क्वायर कर देंगे ए पावर फोर बी पावर फोर सी पावर फोर प्लस टू टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए स्क्वायर ये सर फोर हो जाएगा अब सर इसकी वैल्यू तो वन है तो ए पावर फोर बी पावर फोर सी पावर फोर फोर माइनस टू सर ये हो जाएगा टू यानी कि फोर्थ ऑप्शन इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है अगला सवाल सर ये इक्वेशन दी हुई है ये इक्वेशन दी हुई है द वैल्यू ऑफ तो सर कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे पर कई बार ऐसा होगा कि आपको कुछ दिखेगा जैसे है, आपको करके करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो आंसर आ जाएगा चलिए पहली इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी टू टू जोर फोर थ्री ट्वेल्व कॉस एक्स कॉस थ्री एक्स इज इक्वल टू कॉस इसको भी थ्री एक्स प्लस ट्वेल्व साइन एक्स साइन थ्री एक्स इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर वाई दोनों को सर अब ऐड कर दीजिए तो ये यहां से नाइन बचेगा यहां से फोर बचेगा ट्वेल्व कॉमन लेंगे सर तो ये आ रहा है कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला और ये भी वन हो गया तो सर ये थर्टीन है तो ट्वेल्व कॉस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व तो कॉस टू एक्स की वैल्यू हो गई सर माइनस ट्वेल्व बाई ट्वेल्व यानी कि माइनस वन फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा ठीक है ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं सर जब तक आप दो चार बार ये कोई ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा अगला सवाल नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन दिस इन द इंटरवल दिस अब सर यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए साइन पावर फोर एक्स वन प्लस टेन पावर फोर एक्स ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा ये हमेशा पॉजिटिव है पर सर इसकी वैल्यू हमेशा जीरो से वन के बीच में रहेगी यानी ये वन से कम रहेगा पर ये हमेशा ग्रेटर देन वन रहेगा तो सर एक ही पॉसिबिलिटी है जब ये आपका जीरो बन जाए जब टेन एक्स आपका जीरो बन जाए और साइन एक्स आपका वन बन जाए तभी ये दोनों इक्वल हो पाएंगे पर सर जब भी साइन टेन जीरो होगा तो साइन भी जीरो होगा क्योंकि टेन जीरो होता है एन पाई पे तो सर आंसर क्या हो जाएगा नो सॉल्यूशन ऐसी कोई भी वैल्यू नहीं है जब ये दोनों इक्वल हो पाए एल एच एस इक्वल टू कभी नहीं हो पाएगा सर ठीक है चलिए अगला सवाल सर पी दिया हुआ है अगर आपको ग्राफ याद है तो सर ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये है एक्स क्यूब का ग्राफ फिर मॉड एक्स सर मॉड एक्स वी बनता है ऐसे यहां पे सर ये वन पे इक्वल हो जाएगा और फिर उसके बाद नीचे चला जाएगा तो अब क्या बोल रहे हैं देन करेक्ट स्टेटमेंट सर इंटरसेक्शन तो कितनी जगह पे सर दो, दोनों कॉमन है एक है जीरो और एक है वन तो दो पॉइंट पे तो आंसर हो जाएगा सर थर्ड ऑप्शन आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन नेक्स्ट नंबर ऑफ इंटीजर सेटिस्फाइंग दिस इन इक्वालिटी अब ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर चलिए रूट से स्टार्ट करते हैं सर रूट माइनस एक्स सर ये तभी वैलिड होगा जब माइनस एक्स आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो पर सर डिनोमिनेटर में है तो इक्वल्स टू जीरो नहीं ले सकते यानी कि एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए तो पहली चीज सर एक्स लेस देन जीरो होनी चाहिए और सर इन इक्वालिटी है लेस देन जीरो अगर कोई प्योर पॉजिटिव टर्म है तो वो आपकी इन को इफेक्ट नहीं करेगा जैसे रूट वाले टर्म्स आपके इनक्वालिटी को इफेक्ट नहीं करेंगे ये ऑल रियल स के लिए पॉजिटिव है और एक्स लेस देन जीरो के लिए पॉजिटिव है, है ये दोनों तो चले गए सर अब यहां पर देखो सर माइनस एक्स स्क्स माइनस वन तो सर डिस्क्रिमिनेंट है आ रहा है लेस देन जीरो लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव तो सर ये हमेशा नेगेटिव रहेगा इसको अगर मैं उधर ले जाऊं और सर ये माइनस मॉड एक्स ये सर ये बन जाएगा माइनस ऑफ माइनस एक्स बाई एक्स यानी कि वन तो सर क्या बचेगा सिर्फ x माइनस थ्री बचेगा क्योंकि इसके ऊपर वन है सेवनटीन माइनस एक्स बचेगा डिवाइडेड बाई मॉड x को सर मैं माइनस एक्स लिख सकता हूं और माइनस थर्टी टू और यहां से एक माइनस साइन ले लीजिए यह वाला माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया तो इस माइनस को अंदर कर देता हूं तो यह बन जाएगा x प्लस थर्टी टू ऊपर है x माइनस थ्री सेवनटीन माइनस एक्स लेस देन जीरो यहां से भी सर माइनस कॉमन ले लीजिए तो ये बन जाएगा x माइनस थ्री एक्स माइनस सेवनटीन बाई एक्स प्लस उधर चला गया अब सर अगर S, 0 है तो सर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव ये दोनों का प्रोडक्ट सर पॉजिटिव होगा तो मुझे बचा क्या सिर्फ वन प्लस ये सर ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए यानी कि ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए यानी कि एक्स ग्रेटर देन माइनस थर्टी टू होना चाहिए पर x लेस देन जीरो है तो सर आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस थर्टी टू से जीरो अब सर इसके बीच में कितने इंटीजर्स हैं थर्टी वन इंटीजर्स हैं सर आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन थर्टी वन इंटीजर्स इस तरीके से आपको यह सॉल्व करना था अगला सवाल सर लॉक के ऊपर है लॉक टू आपको ए दिया हुआ है लॉग थ्री आपको बी दिया हुआ है ये पता नहीं क्यों दिया हुआ है और आपको आंसर निकालना है वन माइनस ए बाई बी ठीक है पहले इसको सॉल्व करते हैं सर वन माइनस ए की जगह पे मैं लॉग टेन टू लिख सकता हूं और बी की जगह पे लॉग टेन थ्री लिख सकता हूं सर यहां पे टेन है तो यहां पे मुझे लॉग टेन टेन ही लिखना पड़ेगा तभी तो सर वो सिंप्लीफाई हो पाएगा सर सर तो सर ये 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 हो हो जाएगा तो तो लीजिए गया पर है तो है नहीं शायद दिया हुआ चलिए थ्री पावर एक्स थ्री का स्क्वायर नाइन इक्वल टू फोर्टी फाइव नाइन वन लॉग ले लेंगे बेस टेन पे बोथ साइड लीजिए सर लॉग फाइव आ रहा है तो एक्स हो जाएगा लॉग टेन फाइव बाय लॉग टेन थ्री क्योंकि एक्स बाहर आ गया यही तो हमें चाहिए था सर तो आंसर हो जाएगा एक्स यानी कि सेकेंड ऑप्शन लीजिए सर इतना सिंपल सवाल था ये चलिए अगला सवाल कंप्लीट सेट ऑफ वैल्यूज सर यहां पे दो इन हैं पहली इन इक्वालिटी टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन ग्रेटर देन माइनस वन दूसरी इन इक्वालिटी टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन लेस देन इक्वल्स टू फोर चलिए तो टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन ग्रेटर देन जीरो ये हो जाएगा तो थ्री एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वन साइंस की बनाएंगे सर वन बाय थ्री वन प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी से वन बाय थ्री यूनियन वन से इन्फिनिटी अब इसको सॉल्व करेंगे सर तो टू एक्स अपॉन एक्स माइनस वन माइनस फोर एलसीएम ले लीजिए माइनस फोर एक्स प्लस फोर ठीक है तो सर ये बचेगा माइनस टू एक्स तो माइनस टू कॉमन ले लीजिए एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन सर माइनस टू को उधर ले जाइए एक्स माइनस टू बाई एक्स माइनस वन ग्रेटर देन जीरो सर वन टू प्लस माइनस प्लस माइनस इन्फिनिटी से वन यूनियन टू से इन्फिनिटी तो सर दोनों का इंटरसेक्शन क्योंकि बीच में क्या है एंड है सर तो सर क्या आ जाएगा वन बाय थ्री छोटा है सर तो माइनस इन्फिनिटी से वन बाय थ्री यूनियन वन से बड़ा और टू से बड़ा तो टू से बड़ा लेंगे सर ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा यानी कि थर्ड ऑप्शन सर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा तो वेवी कर मेथड बेसिक जो इन है वो आपको हमेशा याद रखनी है चलिए अब अगला सवाल रूट अंडर एक्स प्लस थ्री सर देखने से थोड़ा डेंजरस लगता है पर सर सॉल्व जब एक बार आप देखेंगे तो इजी हो जाएगा यहां पे एक्स माइनस वन है तो एक एक्स माइनस वन दे दिया तो एक प्लस वन भी देना पड़ेगा सर ठीक है एक प्लस वन भी देना पड़ेगा वैसे यहां ये नाइन बन गया ये क्या बन गया नाइन बन गया अब देखिए सर यहां पे मैं इसको लिख सकता हूं रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस टू का होल स्क्वायर टू इंटू टू रूट एक्स माइनस वन ये भी हो जाएगा रूट एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर थ्री का होल स्क्वायर टू थ्री एक्स माइनस वन अब आपको पिक्चर क्लियर दिख रही होगी सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी और रूट के बाहर कोई भी चीज आती है सर मॉड ले लेते हैं तो यह हो जाएगा मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस वन माइनस टू प्लस मॉड ऑफ रूट एक्स माइनस वन माइनस थ्री इक्वल्स टू वन ये हो जा रहा है सर अब सर ये वन कब होगा जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे यानी कि एक को पॉजिटिव होना चाहिए एक को नेगेटिव होना चाहिए तो सर मॉड्यूलस हमने पढ़ा है कि पूरा का पूरा मॉडुलस कब जीरो हो रहा है जैसे कि ये कब जीरो होगा रूट एक्स माइनस वन इक्वल्स टू टू तो x माइनस वन इक्वल टू फोर एक्स इज इक्वल टू फाइव और ये कब जीरो प्लस वन टेन तो आपके तीन रीजन ऐसे बनेंगे सर. फाइव टेन फर्स्ट रीजन सेकेंड रीजन थर्ड रीजन फाइव से पहले कोई वैल्यू लोगे आप जैसे कि फोर तो सर फोर माइनस वन आपका पहले रीजन में सर अगर मैंने सपोज करो वन ही ले लिया तो वन माइनस वन जीरो माइनस टू वन माइनस वन जीरो थ्री तो थ्री प्लस टू सर फाइव आ जा रहा है तो so ये आपका आंसर नहीं होगा फाइव से टेन के बीच में कोई एक रीजन वैल्यू ले लीजिए सर सिक्स या सेवन या एट ले लीजिए तो एट माइनस वन तो सर एट माइनस वन सेवन रूट सेवन सर इससे बड़ा होता है तो so ये बन जाएगा रूट एक्स माइनस वन माइनस टू लेकिन यहां पर एट माइनस वन सेवन सर वो थ्री से छोटा होगा तो यहां पे जब मॉड खुलेगा तो माइनस साइन आ जाएगा सर ये और ये कैंसिल थ्री माइनस टू सर वन ये आपको आंसर दे रहा है यानी कि फाइव टू टेन आपका आंसर हो जाएगा सर थर्ड ऑप्शन तो कभी भी एक से ज्यादा लीनियर मॉड आ जाते हैं तो उनको ओपन करने का तरीका क्या है सर आप रीजन बनाएंगे रीजन कहां पे होगा जहां पे वो जो आपका मॉड्यूलर है sir, वो जीरो हो रहा है वो पॉइंट आपको ब्रेक पॉइंट लेना है ठीक है टेन प्लस में सर दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे ठीक है चलिए अगला सवाल सर ये दिया हुआ है ये दिया हुआ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी सर जैसे कि कुछ एक क्वेश्चन होते हैं मैंने आपको बताया कि स्पेसिफिक सॉल्यूशन, मतलब उनका सॉल्यूशन वैसे ही करना पड़ेगा तभी आपको आंसर आएगा वही चीज यहां पे भी है सर अगर मैं इसको और इसको माइनस कर दूं यानी कि एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड स्क्वायर एक्स माइनस एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर वाई इज इक्वल टू टू माइनस कर दिया सर ठीक है तो अब सर आप देखिए मुझ मतलब यहां पे कुछ अगर कॉमन दिख रहा है इसको और इसमें एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई माइनस जेड आ गया ठीक है अब मुझे सर वाई माइनस जेड ही कॉमन चाहिए तो वाई माइनस जेड अगर इन दोनों में प्लस जेड वाई कॉमन लेंगे तो वाई माइनस जेड आ जाएगा अब इन दोनों में सर अगर आप एक्स कॉमन ले लेंगे माइनस एक्स कॉमन ले लीजिए तो वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर आ जाएगा ठीक है तो सर वाई माइनस जेड कॉमन लिया एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई माइनस सर वाई माइनस जेड जाएगा वाई प्लस जेड बच जाएगा तो माइनस एक्स वाई माइनस एक्स जेड अब सर यहां पे अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए इन दोनों में अगर मैंने एक्स कॉमन लिया तो एक्स माइनस वाई बचा इन दोनों में आ, सर माइनस जेड कॉमन लिया तो फिर वापस एक्स माइनस वाई बचा तो सर एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस जेड इंटू वाई माइनस जेड इज इक्वल्स टू टू ये आ रहा है सर देख लीजिए ठीक है तो अब सर यहां पे आ जाइए या अगर एक माइनस कॉमन ले लू तो सर ये बन जाएगा वाई माइनस जेड एक्स माइनस वाई जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस टू हो जाएगा क्योंकि सर मुझे जेड माइनस एक्स चाहिए अब यहां पे देखिए सर अगर ये ए है ये बी है ये सी है तो ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या बन रहा है सर वाई कैंसिल एक्स एक्स कैंसिल जेड सेड कैंसिल सर जीरो बन रहा है ठीक है ना और अगर सर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो सर वो हो जाता है थ्री ए बी सी तो ए क्यू प्लस बी क्यूब ये बन जाएगा थ्री ए बी सी तो सर ये क्या है माइनस टू तो आंसर हो जाएगा सर माइनस सिक्स सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा सर सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा ठीक है क्लियर है चलिए अगला सवाल सर ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ रूट थ्री प्लस टेन वन रूट थ्री प्लस टेन टू रूट थ्री प्लस टेन थ्री ऐसे जाता जा रहा है ट्वेंटी नाइन तक सर वन प्लस ट्वेंटी नाइन थर्टी दिख रहा है टू प्लस ट्वेंटी एट थर्टी दिख रहा है सर थर्टी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है ठीक है थर्टी में कुछ ना कुछ चीजें है चलिए कुछ ऐसा मान लेते हैं कि सर रूट थ्री प्लस टेन थर्टी माइनस एक्स ठीक है रूट थ्री प्लस टेन थर्टी माइनस एक्स तो ये कितना हो जाएगा सर टेन थर्टी माइनस टेन एक्स बाई वन प्लस टेन थर्टी टेन एक्स ये हो जाएगा तो सर ये वन बाय रूट थ्री है तो वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स सर वन बाय रूट थ्री है तो रूट थ्री प्लस टेन एक्स एलसीएम ले लीजिए तो सर ये क्या बन जाएगा थ्री प्लस रूट थ्री टेन एक्स प्लस वन माइनस रूट थ्री टेन एक्स बाय रूट थ्री प्लस टेन एक्स सर ये और ये कैंसिल हो गया तो फोर बाई रूट थ्री प्लस टेन एक्स ये हो जाएगा सर ठीक है ना तो सर अब टेन एक्स कुछ भी हो सकता है वन भी हो सकता है सर थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन तो यहां पे ये ट्वेंटी नाइन आ जाएगा ट्वेंटी नाइन भी हो सकता है सर थर्टी माइनस ट्वेंटी नाइन वन मतलब कि सर पेयरिंग आपके बन जाएगी मतलब कि ये मैं बोल सकता हूं ना कि रूट थ्री प्लस टेन वन इंटू रूट थ्री प्लस ट्वेंटी नाइन तो सर एक्स को अगर मैंने वन ले लिया तो सर ये ट्वेंटी नाइन बन जाएगा तो यहां पे क्या आ जाएगा रूट थ्री प्लस टेन वन और इसकी जगह पे आ जाएगा फोर इंटू रूट थ्री प्लस टेन वन सर ये और ये कैंसिल आंसर आ जाएगा फोर यानी कि ये थर्टी पेयर्स सर मतलब फिफ्टीन आपको दिख रहे हैं मतलब ये ट्वेंटी नाइन टर्म्स है वन से लेकर ट्वेंटी नाइन तक तो सर फोर्टीन पेयर आपको फोर दे देंगे बस एक एक बीच वाली वैल्यू रह जाएगी ठीक है ना यानी कि फोर का पावर फोर्टीन इन टू क्या बचेगा रूट थ्री प्लस टेन फिफ्टीन ये बचेगा सर रूट थ्री प्लस टेन फिफ्टीन और टेन फिफ्टीन हम निकाल सकते हैं सर ये हो जाएगा टू का पावर ट्वेंटी एट टेन फिफ्टीन कितना हो जाएगा सर टेन सिक्सटी माइनस फोर्टी फाइव तो यानी कि रूट थ्री माइनस वन रूट थ्री प्लस वन एल्शियम ले लीजिए सर तो सर रूट थ्री प्लस वन थ्री प्लस रूट थ्री सॉरी थ्री हाँ थ्री प्लस रूट थ्री प्लस रूट थ्री माइनस वन तो सर ये बन जाएगा टू और टू रूट थ्री तो सर टू यानी कि टू का पावर ट्वेंटी नाइन थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा सर थर्ड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा एक अच्छा सवाल है जरूर करिएगा अगला सवाल सर अब आपके इंटीजर टाइप स्टार्ट हो गए जितने भी आपके Uh, मतलब ट्वेंटी uh, क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो गए हैं अब इसमें आपको याद होना चाहिए कि सिर्फ पांच ही आपको करने हैं तो हमेशा जो आपको श्योर शॉर्ट पता हो उन्हीं को आप टिक करिएगा पर हम सारे सॉल्व करेंगे सर जैसे यहाँ पे आप आ जाइए सर पेरिंग सर प्लस वालों को एक साथ ले लेते हैं साइन 47 सेवन प्लस साइन सिक्सटी माइनस वालों को एक साथ ले लेते हैं साइन ट्वेंटी फाइव तो सर ये हो जाएगा टू फोर्टी प्लस सिक्सटी हंड्रेड तो सर हंड्रेड एंड एट बाई टू यानी जाएगा फोर्टीन बाई टू सेवन अब यहां पर थर्टी सिक्स तो एटीन और साइन ट्वेंटी फाइव फोर्टीन बाई टू यानी कि सर कॉस सेवन तो सर टू कॉस सेवन कॉमन ले सकते हैं बचेगा साइन फिफ्टी फोर माइनस साइन एटीन सर ये वाली वैल्यू जरूर याद रखनी चाहिए आती है साइन फिफ्टी हो जाता है रूट फाइव प्लस वन बाई फोर और साइन एटीन हो जाता है रूट फाइव माइनस वन बाई फोर तो सर जब एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा प्लस वन प्लस वन रूट फाइव रूट फाइव कैंसिल वन बाई टू यानी कि सर कॉस सेवन ठीक है तो के की वैल्यू हो जाएगी सेवन के बाई सेवन हो जाएगा सेवन बाई सेवन यानी कि वन आंसर हो जाएगा सर वन आंसर हो जाएगा वन चलिए नेक्स्ट इन अ रीहेबिलेशन प्रोग्राम अ ग्रुप ऑफ फिफ्टी फैमिलीज न्यू हाउसेस और कंपनसेशन चलो न्यू हाउसेस को सर ए ले लेते हैं और कंपनसेशन को बी ले लेते हैं नंबर ऑफ फैमिलीज हु गेट बोथ ज इक्वल टू द नंबर ऑफ फैमिली हुईदर ऑफ द टू ये चीज सर नोट करने वाली हैोत मीन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू नाइदर मतलब की एन ऑफ एनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब जिसको कुछ भी नहीं मिल रहा और सर यह क्या होता है सर एन ऑफ ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा यह हो जाएगा टोटल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी ये है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो सर एन ऑफ ए यूनियन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फिफ्टी है तो सर यह होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस ए तो सर यह आपका यह आ गया ठीक है अब नेक्स्ट द नंबर ऑफ फैमिलीज गेट न्यू हाउसेस इज सिक्स ग्रेटर देन द नंबर ऑफ फैमिलीज गेट कंपनसेशन सर कंपनसेशन वाली फैमिलीज बी है तो न्यू हाउसेस वाले सर सिक्स ज्यादा है तो मैं ये लिख सकता हूं एन ऑफ बी प्लस सिक्स प्लस एन ऑफ एज इक्वल्स टू फिफ्टी एन ऑफ बी सॉरी तो टू एन ऑफ बी आपका बन जाएगा फोर्टी फोर और एन ऑफ बी आपका बन जाएगा सर ट्वेंटी टू तो हाउ मेनी फैमिली गॉट हाउसेज तो सर ये तो कंपनसेशन वाले हैं तो एन ऑफ ए क्या है एन ऑफ बी प्लस सिक्स यानी कि ट्वेंटी टू प्लस सिक्स तो सर ट्वेंटी एट फैमिलीज गॉट हाउसेस ट्वेंटी एट फैमिलीज गॉट हाउसेस इस तरीके से आपको यह सॉल्व करना था एक अच्छा क्वेश्चन है सेट थ्योरी का जरूर करिएगा अगला सवाल सर ए टेन फोर्टी है तो उसकी वैल्यू क्या होगी अब ऐसे में ना बच्चे बहुत कंफ्यूज जाते हैं कि सर क्या लगाएं क्या नहीं लगाएं

तो सर ये हो जाएगा माइनस टेन फोर्टी और टेन नाइनटी प्लस फोर्टी हो जाएगा प्लस कॉट फोर्टी सर सेकेंड क्वार में नेगेटिव होता है टेन वन एटी माइनस फोर्टी सर ये भी आपका क्या बन जाएगा माइनस uh, और ये बन जाएगा सर टेन नाइनटी प्लस फोर्टी यानी कि कॉट फोर्टी माइनस तो सर माइनस माइनस तो प्लस नीचे बन जाएगा सर वन प्लस वन टू और ऊपर टेन फोर्टी सर माइनस ए प्लस वन बाई ए एल्सियम ले लीजिए वन माइनस ए स्क्वायर बाई टू ए पर ये इक्वल है वन माइनस के ए स्क्वायर बाई टू ए के तो कंपेयर करेंगे तो के की वैल्यू आ रही है सर वन के वैल्यू आ रही है वन इस तरीके से ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा सर पहला स्टेप ही मेन होता है बच्चे अगर पहला स्टेप कॉन्कर कर लें तो ईजी हो जाता है ठीक है

ऐसे कर सकते हैं तो सर एक्स स्क्स एक्स माइनस जीरो हो जाए सर टेन और सिक्स, तो एक्स एक एक तो एक की वैल्यू सर माइनस टेन और सिक्स दो वैल्यूज तो सर यहां से आ गई दूसरा केस सर अगर बेस वन हो जाए वन का पावर कुछ भी सर वन ही होता है वन का पावर कुछ भी वन ही होता है तो सर बेस वन हो गया एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फाइव को वन तो एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस फोर एक्स माइनस फोर एक्स माइनस वन तो सर एक्स की वैल्यू आ गई वन और फोर सर ये दो केस तो नॉर्मल है एक तीसरा केस अगर सर ये जो बेस है वो माइनस वन हो जाए और जो पावर है वो एक ईवन नंबर हो जाए बेस माइनस वन और पावर ईवन नंबर तो सर माइनस वन का पावर ई आपको वन ही देगा तो ये भी एक केस लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सर टू और थ्री ये आपके बनेंगे पर देखना है कि सर ये टू और थ्री इसको ईवन बना रहे हैं कि नहीं जैसे टू पुटअप किया टू स्क्वायर फोर फोर टू जट माइनस सिक्सटी फोर प्लस एट ट्वेल्व ट्वेल्व और 60, सर ये सिक्स एट हाँ ट्वेल्व माइनस इवन नहीं दे रहा ट्वेंटी वन माइनस सिक्सटी ये इवन नहीं दे रहा तो सर थ्री नहीं लेंगे तो आपके जो रूट्स हैं वो क्या क्या बन रहे हैं सर माइनस टेन सिक्स वन फोर तो सम ऑफ ऑल वैल्यूज कितना हो जाएगा सर माइनस सिक्स प्लस फोर टेन थ्री आपका आंसर हो जाएगा थ्री आपका आंसर हो जाएगा ठीक है एक अच्छा क्वेश्चन है जरूर करिएगा अगला सवाल द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन दिस सर ऐसे में ना घबराते नहीं है ध्यान से देखो कुछ ना कुछ पेरिंग बनेगा जैसे यहां पे वन प्लस कॉस सर इसको मैं पाई माइनस पाई बाई टेन लिख सकता हूं हिंट भी यहीं से मिल जाएगा देखो टेन माइनस वन हाँ तो सर ये बन जाएगा वन माइनस कॉस पाई बाई टेन वैसे ये बन जाएगा वन माइनस कॉस थ्री पाई बाई टेन तो सर ए प्लस बी ए माइनस बी तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और यह बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो सर यह बन जाएगा साइन स्क्वायर फाइव बाई टेन साइन स्क्वायर थ्री पाई बाई टेन सर पाई बाई टेन होता है एटीन डिग्री और ये फिफ्टी फोर ये मैंने आपको बोला ही है कि आपको याद रखना चाहिए साइन एटीन आपका बन जाएगा रूट फाइव माइनस वन बाय फोर रूट फाइव प्लस वन बाय फोर का स्क्वायर सर फाइव माइनस वन फोर फोर बाय सिक्सटीन तो सर वन बाय फोर का स्क्वायर वन बाय सिक्सटीन तो सर पी की वैल्यू हो गई आपकी वन बाय सिक्सटीन वन बाय पी हो जाएगा वन बाय वन बाय सिक्सटीन यानी कि सिक्सटीन आंसर हो जाएगा सर सिक्सटीन इस तरीके से आपको सॉल्व करना है अगला सवाल इफ सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस ट्वेंटी एट पाई बाई के दिन के सर सिंपल सा आपको करना है टू को इधर लेके आ जाओ तो रूट थ्री बाई टू कॉस एक्स माइनस वन बाई टू साइन एक्स इक्वल्स टू वन सर कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस एक्स कॉस थर्टी माइनस साइन एक्स साइन थर्टी तो सर ये बन रहा है कॉस एक्स प्लस पाई बाई सिक्स तो सर ये बन जाएगा कॉस एक्स प्लस पाई बाय सिक्स इक्वल टू प्लस और माइनस वन सर कॉस प्लस वन देता है इवन पाई पे और माइनस वन देता है पाई पे ठीक है प्लस और माइनस वन देगा एन पाई पे यानी कि एक्स प्लस पाई बाय सिक्स इज इक्वल टू एन पाई एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस सॉरी एन पाई माइनस पाई बाई सिक्स ये सर आपका बन गया सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन पर सर जीरो से फोर पाई के बीच में चाहिए सर जीरो तो नहीं रख सकता तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी वन रखूंगा तो पाई माइनस पाई बाय सिक्स टू पाई माइनस पाई बाय थ्री पाई माइनस पाई बाय सिक्स फोर पाई माइनस पाई बाय सिक्स ये चार सॉल्यूशंस होंगे सम कर दीजिए वन आ, सर फोर प्लस थ्री सेवन सेवन प्लस टू नाइन नाइन प्लस वन टेन पाई माइनस वन टू थ्री फोर फोर पाई बाय सिक्स सर टू जा थ्री जा, तो थर्टी पाई माइनस टू पाई बाय थ्री ट्वेंटी एट पाई बाय थ्री तो सर के की वैल्यू क्या हो जाएगी थ्री इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था देख सकते हैं आप लोग अगला सवाल साइन एक्स दिस दिस ए की वैल्यू सर एक ये बहुत पुराना आई टी क्वेश्चन है कई बार आ चुका है चीजों को मॉडिफाई कर करके आ चुका है इंटीग्रेशन में सब जगह पे तो ये आपको जरूर सीखना चाहिए मैं एक समझाऊंगा आपको पूरा समझ में आ जाएगा सर जैसे कि यहाँ पे साइन एक्स बाय कॉस थ्री एक्स यहां से स्टार्ट करते हैं सर अब आप क्या करिए सर कॉस एक्स से या टू कॉस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए ठीक है वैसे यहां पे आपको कॉस थ्री एक्स से मतलब कि साइन थ्री एक्स तो टू कॉस थ्री एक्स से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरीके से तो सर ये बन जाएगा आपका साइन टू एक्स बाय टू कॉस थ्री एक्स कॉस एक्स अब साइन टू एक्स को मैं लिख सकता हूं साइन थ्री एक्स माइनस एक्स तो साइन ए माइनस बी क्या होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इस तरीके से वन बाई टू बाहर है कॉस एक्स कॉस एक्स कैंसिल कॉस थ्री एक्स कॉस थ्री एक्स कैंसिल तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा टेन थ्री एक्स माइनस टेन एक्स लीजिए थ्री एक्स और एक्स था यही आ गया तो सर सिंपल सी बात हाफ कॉमन आ जाएगा सब में पहले वाले में बचेगा 10, 3X minus 10X. दूसरे वाले में बचेगा टेन नाइन एक्स माइनस टेन थ्री एक्स और तीसरे वाले में बचेगा टेन ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस टेन नाइन एक्स तो सर थ्री एक्स थ्री एक्स कैंसिल नाइन एक्स नाइन एक्स कैंसिल तो हाफ टेन ट्वेंटी सेवन एक्स माइनस टेन एक्स ये हो जाएगा अब सर कंपेयर करिए तो ए की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी सेवन तो ए की वैल्यू आ जाएगी ट्वेंटी सेवन इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है अगला सवाल इफ थ्री एंगल्स ए बी सी आर सच डेड की कॉस ए प्लस जीरो वैल्यूमडा टाइम्स ये है तो सर फॉर्मूला होता है सर फोर कॉस क्यूब ए माइनस थ्री कॉस ए प्लस फोर कॉस क्यूब थ्री फोर कॉस क्यूब बी माइनस थ्री कॉस बी प्लस फोर कॉस क्यूब सी माइनस थ्री कॉस सी ये हो जाएगा सर अब यहां पे फोर कॉमन लिया तो कॉस क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब बी प्लस कॉस क्यूब सी और थ्री कॉमन लिया तो कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी ये हो जाएगा अब सर कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस कॉस सी कितना होता है जीरो तो सर यहां पे ये जीरो हो जाएगा और अगर ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यू प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा सर वो हो जाएगा थ्री कॉस ए कॉस बी कॉस सी ये हो जाएगा सर तो ये बन जाएगा ट्वेल्व कॉस ए कॉस बी कॉस सी लीजिए सर यानी कि आपकी जो इक्वेशन है वो बन जाएगी वन इज इक्वल्स टू लैमडा ट्वेल्व मतलब क्योंकि इसकी वैल्यू ट्वेल्व आई है ना सर आपकी कॉस ए कॉस बी सी कैंसिल हो जाएगा ठीक है ना तो यानी कि वन बाई लैमडा आपका बन जाएगा ट्वेल्व इतना सिंपल सवाल हो जाएगा सर ये ठीक है तो आप इसकी जगह पे रख देंगे ट्वेल्व कॉस ए कॉस बी कॉस वो कैंसिल हो जाएगा तो आपका वन इक्वल्स टू ट्वेल्व लैमडा हो जाएगा सर एन ऑफ ए टेन है और एन ऑफ बी ट्वेल्व है तो मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी सर अगर मिनिमम निकालना है एन ऑफ यूनियन बी सर वो तभी इक्वल जब छोटी वाली जो वैल्यू है वो बड़ी वाली के अंदर ही हो जाए तो सर मिनिमम ऑफ एन ऑफ ए यूनियन बी कितना हो जाएगा ट्वेल्व हो जाएगा इस केस में बी यहां पे होगा ए यहां पे हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो सर मैक्सिमम ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा इस पूरे को मतलब छोटे वाले सेट को पूरा अंदर लेना पड़ेगा यानी कि इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी सर टेन हो जाएगी क्योंकि छोटा वाला वैल्यू टेन है तो सर दोनों का सम आंसर कितना हो जाएगा ट्वेल्व प्लस टेन ट्वेंटी टू इस तरीके से आपको समझ के करना था ठीक है अब सर यहां पे आ जाइए यूनिवर्सल सेट है सर नेचुरल नंबर लेस देन और इक्वल्स टू टेन तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन और टेन आपका यूनिवर्सल सेट है तो ए सेट सर एक्स क्यूब उसका वन और वन फिफ्टी के बीच में आना चाहिए तो सर वन हो जाएगा टू का क्यूब भी हो जाएगा थ्री का क्यूब भी हो जाए अरे सॉरी तो टू हो जाएगा थ्री हो जाएगा 4 हो जाएगा फाइव हो जाएगा सिक्स नहीं होगा सर ये पांच वैल्यू आएंगी बी की बात करें इज अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन टू तो सर थ्री फाइव सेवन बस सर थ्री फाइव सेवन ये हो जाएगा पी की बात करें सर फाइव एक्स फाइव और टेन ये हो जाएगा अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट तो सर पहले तो ए कॉम्प्लीमेंट वो कितना हो जाएगा सर सिक्स सेवन एट नाइन टेन बी कॉम्प्लीमेंट वन टू फोर सिक्स एट नाइन टेन और सर सी कॉम्प्लीमेंट वन टू थ्री फोर सिक्स सेवन एट नाइन ये हो जाएगा अब सर कॉमन देख लीजिए नाइन दिख रहा है सर मुझे कॉमन फिर एट भी दिख रहा है कॉमन फिर सिक्स भी दिख रहा है कॉमन बस सर वन टू थ्री फोर यहां पे है नहीं टेन वहां पे है नहीं तो सर तीनों का कॉमन कितना है तीनों का कॉमन आ रहा है सिक्स एट और नाइन यानी कि तीन एलिमेंट्स आपके कॉमन है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने कॉमन है सर तीन सिंपल सा सवाल था सर ठीक है तो ये था आपका आखिरी सवाल आशा करता हूं आप सबको समझ में आ गया होगा पूरा पेपर हमने एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं तो मिलेंगे अगली बार ऐसी पढ़ते रहिए सॉल्व करते रहिए पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ है थैंक यू